नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना श्रवण मेरे साथ मेरे सीएलसी एनडीए प्री फाउंडेशन के सेंटर हेड नीरेश जी हैं आज एनडीए का पेपर हुआ अप्रैल बोलते हैं इसको एनडीए फर्स्ट 2023 जैसा हमने आपसे वादा किया था कि ठीक सात बजे पेपर का सोल्यूशन करवाने के लिए आ रहे हैं दोस्तों आप सब जानते हैं आपकी सीएलसी

जयपुर तीन जगह ऑफलाइन सेंटर है के, के हमारे सीकर, में है। सीकर है के स्कूल है, है तो में सोल्यूशन पहले कौन सा अमित सर आएंगे आए सर आएं तो सोलूशन स्टार्ट करवाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है ये बेटा सीरीज बी का प्रॉब्लम है ना जो भी क्वेश्चन है अपन सीरीज बी से ले रहे हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू एल एन एक्स अब इसमें गिवन क्या है एल एन एक्स इज इंक्रीजिंग इन जीरो ऑलरेडी गिवन है जीरो से इंफिनिटी में इंक्रीज कर रहा है तो क्या ऐसा कंडीशन सही है या गलत है तो अगर आप एफ डैस एक्स निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा वन बाई एक्स आप देख सकते हो जीरो टू इन्फिनिटी मीस एक्स क्या ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो टू इंफिनिटी के लिए एफ डैस एक्स क्या है ग्रेटर देन अब F x अगर ग्रेटर देन है तो सी बात है ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा तो जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ऑलरेडी है ही अगर जी एक्स से बात करें ये वाला फंक्शन तो जी एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा जी डैस एक्स और ई टू द पावर एक्स को करोगे ई एक्स टू द पावर एक्स और इसका आप चेन रूल अप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो गया ई टू दावर वन बाय एक्स और वन बाय का माइनस वन बायर अब इसमें गिवेन है इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू इन्फिनिटी आप देख सकते हो जीरो टू इन्फिनिटी में अगर आप वन से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लो सपोज टू तो इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो तो इट मीन्स ये तो इंक्रीजिंग हो गया जीरो वन टू इन्फिनिटी में जीरो टू वन में ये डिक्रीजिंग होगा लेकिन ओवरऑल ये फंक्शन डिक्रीजिंग जीरो टू इन्फिनिटी में पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ इसके जो फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट वनली ये राइट right हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्या करो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जब आप साइन स्क्वायर एक्स को करोगे डिफरेंशियट क्या आएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को करोगे तो क्या आएगा टू कॉस एक्स और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अब सिंपल सी बात है इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर तो ये वाला पोर्सन और न्यूमरेटर दोनों सेम हो जाएगा तो ओवरऑल कैंसिल होकर क्या आ माइनस वन है ना तो इसका मतलब क्या हुआ इसके फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गए ये बहुत इजी क्वेश्चन था अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम विथ एम लेस देन जीरो पे ऑलरेडी गिवन है जो एम लेस देन जीरो है इट मीन एम क्या होगा नेगेटिव होगा ठीक है इज द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स ये एक लाइन है y इक्वल टू एक्स दूसरा लाइन है आपका y इक्वल टू एम एक्स थर्ड लाइन है x इक्वल टू टू और इस तीनों लाइन से जो एरिया बाउंड हो रहा है उसका एरिया आपको गिवेन है इक्वल टू 3. तो आप पहले इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं y इक्वल ऐसा हुआ और एम लेस जीरो का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा टू कोमा टू और यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा टू और ये है वाई इक्वल टू एम एक्स इसमें जब आप एक्स इक्व टू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा ओवरऑल टू एम अब गौर करके देखो इसमें जो ये अगर इस ट्रैंगल को कंसीडर करें इसको तो इसके बेस के जो लेंथ हैं यहाँ से यहाँ तक टू हो गया और यहाँ से यहाँ तक टू हो गया तो ओवरऑल बेस का अगर हम लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा टू प्लस टू एम और इस ट्रैंगल की हाइट की बात करें हाइट की तो कितना हो गया आपका टू अब अपने को गिवेन है जो इसका एरिया कितना है थ्री तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं वन बाई टू बेस इंटू हाइट हाइट कितना हो गया आपका टू ये किसके इक्वल है थ्री टू टू कैंसिल हो गया तो टू प्लस टू एम इक्वल टू कितना हो गया थ्री तो टू एम इक्वल टू कितना हो गया थ्री माइनस टू विच इज इक्वल टू वन तो एम कितना हो गया वन बाई टू और अपने को पहले से ही पता है जो स्लोप जो है ना क्योंकि एरिया जब आप लेते हो तो मॉडुलस फंक्शन में लेते हो है ना क्योंकि एरिया नेगेटिव हो नहीं सकता तो एम क्या होगा नेगेटिव होगा तो एम माइनस वन बाई टू फर्स्ट ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब देखो यहां पे सिर्फ ये जो एंगल है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कौशिक एक्स डिग्री व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कौशे एक्स डिग्री अगर आप इसको अप्लाई करते हो कॉशेक एक्स डिग्री तो पहले तो आपको डी एक्स डिग्री के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा फिर डी एक्स डिग्री को एक्स के रिस्पेक्ट में अब डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो और कौशिक थीटा का क्या होता है

सोल्यूशन ऑफ द डिफ्रेंशियल इक्वेशन डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डीएक्स इक्व टू जीरो अब आप ऐसा कर सकते हो जो डीवाई बाई डीएक्स इस दोनों पोर्सन में आप कॉमन ले लो तो यह क्या आ गया एक्स इक्व टू जीरो अब डीवाई बाई डीएक्स इक्व टू जीरो दो केस बनते हैं एक बना डीवाई बाई डीएक्स माइनस एक्स इक्व टू जीरो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे सिंपल सी बात है वाई जीरो आएगा जिस तरह का कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं अब वैसे भी अपने को सोल्यूशन निकालना है ठीक है ना तो इसको जब आप करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अब क्या होगा वाई इक्वल्स टू एक्स डी एक्स अब आप क्या करोगे इंटीग्रेटिंग बॉथ साइड जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो गया ये y इसका क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपन टू प्लस अब इसका ऑप्शन चेक करते हैं देखो तो किसी में एक्स स्क्न टू इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है एक इसमें है यहां पे गौर करके देखो ये क्या है ओवरऑल तो के प्लेस पे क्या one है है इट मीन दिस ऑप्शन इज राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है इसमें आपका गिवेन है जो एफ एक्स जो है वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस टू और जी एक्स जो है वो गिवेन है टू एक्स माइनस थ्री अब आपको एफ जी ऑफ वन निकालना है तो एफ जी निकाल लो आप मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर को टू एक्स से करो तो कितना आ गया टू एक्स क्यू टू को टू एक्स से कर दो फोर एक्स आ गया फिर एक्स स्क्वायर को माइनस थ्री से कर दो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया और टू थ्री जा सिक्स माइनस का सिक्स आ गया अब इसी एफ जी में एक्स के प्लेस पे वन पुट करना है यहाँ पे देखो बहुत आसान सा है, ये क्या हो गया टू प्लस फोर माइनस थ्री माइनस सिक्स ये कितना हो गया सिक्स माइनस नाइन तो रिजल्ट कितना आ गया माइनस थ्री देखो कौन सा ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब इसमें देखो एक्स प्लस मॉड एक्स एफ एक्स इज एक्स प्लस मॉड एक्स अब एक चीज देखो आप एक्स का वैल्यू आप यहां पर कुछ भी पुट करो जैसे नेगेटिव वैल्यू अगर पुट करते हैं सपोज माइनस टू प्लस माइनस टू तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव देगा तो माइनस टू प्लस टू तो जब नेगेटिव वैल्यू इसमें आप पुट करोगे तो रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा लेकिन जब आप पॉजिटिव पुट करोगे तो टू प्लस तो जितना बड़ा वैल्यू पुट करोगे उतने ही बड़ा रिजल्ट इफेक्ट का आएगा तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू तो जीरो है मैक्सिमम मैक्सिम अप्रोचेस करेगा इंफिनिटी को तो इसका मतलब क्या हुआ इसका सेकेंड ऑप्शन इज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखो इस क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू फोर एक्स स्क्साइन थी एक्स फोर एक्स करना बेटा डायरेक्टली एक्स के जगह पे साइन पुट कर दो तो यहां पे आ गया साइन थीटा ठीक है और ये आ गया फोर साइन माइनस थ्री अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा फोर साइन क्यूब थी आपको साइन का अगर थोड़ा सा फॉर्मूला याद हो तो आप गौर करके देखो जब माइनस कॉमन लोगे तो कैसा हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा अब क्या हुआ ये फॉर्मूला किसका है साइन थ्री थीटा का और माइनस लगा दो तो ओवरकॉल क्या हो गया माइनस साइन थ्री थीटा सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट अब देखो क्वेश्चन नंबर नाइन है लिमिट का प्रॉब्लम है आप देख सकते हो जो लिमिट जो है है और अपन देख रहे हैं फाइव पे क्या जीरो तो से जस्ट पहले और फाइव से जस्ट बादल आर एच एल निकालेंगे आप देखोगे जब आप इसको ब्रेक करो सपोज फॉर एक्स ग्रेटर टू फाइव है ना उस कंडीशन में क्या होगा ये पॉजिटिव होगा 5, तो ये इसमें जब माइनस कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा और जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स प्लस फाइव हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर के वन आ जाएगा तो इस कंडीशन में सॉरी इस कंडीशन में क्या आएगा माइनस का इसमें आ रहा है माइनस का वन देखो माइनस कॉमन और इसमें क्या आ रहा है वन तो इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हो एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल इसका मतलब यह हुआ जो लिमिट डज नॉट ठीक है तो इसका फोर्थ ऑप्शन आ गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यह बहुत इजी क्वेश्चन था आप फैक्टराइजेशन करने से बेहतर है डायरेक्टली यहां पे एल ऑपिटल रूल अप्लाई कर दो है ना एल ऑपिटल जस्ट आप इसको डिफ्रेंशिएट करो x टू दी पावर नाइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा नाइन एक्स टू पावर एट अपन इसका क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क् एक्स का वैल्यू वन पुट कर दो क्योंकि लिमिट अप्रोचेस टू वन तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल नाइन अपॉन थ्री कैंसिल होकर कितना आ गया थ्री ये बहुत ईजी सा प्रॉब्लम था थर्ड आंसर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देखो इसमें गिवेन है एफ एक्स इज दिस वेयर पी क्यू आर आर रियल नंबर फर्दर थ्री कंडीशन गिवेन है एफ जीरोन थ्री इक्वल्स टू टू एटी टू और उसके बाद ये कंडीशन है थर्ड जीरो टू एल एन टू ठीक है एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एलेवन अब देखो एफ जीरो आप इसमें पुट करते एल एन थ्री पुट करो एल एन थ्री पुट करोगे तो आप देखोगे पी इन टू टू दावर एक्स के जगह एल एन थ्री इसके बेस में कुछ नहीं e ना इस तरह से आप इसमें पी क्यू आर में एक और इक्वेशन बनेगा और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो तीसरा इक्वेशन बनेगा तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे पी क्यू आर का वैल्यू डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है डियर तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जो क्यू का वैल्यू आएगा वो टू के इक्वल आएगा सही है क्योंकि देखो थ्री वेरिएबल आप सॉल्व कर सकते हो ये कैलकुलेटिव है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हाँ दो से मिनट अगर आप इसको कैलकुलेशन पे को करते हो तो डायरेक्टली आपके तीन क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो उस हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए वट इज द वैल्यू ऑफ आर तो ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन का इसके रिजल्ट आएंगे थ्री एंड एफडे जीरो इक्वल्स टू आएंगे फोर्टीन ठीक है तो आप एफडेस जीरो सिंपल सी बात है क्या करेंगे आप इसको निकालोगे और आप पी क्यू आर का वैल्यू तो इस तीनों को सॉल्व करके निकाले रहोगे उसमें उसमें का का में जो भी रिजल्ट आएगा वैल्यू पुट कर दोगे ठीक है और एफडेस एक्स किसके एफडेस पे क्या है जीरो पे निकालना है तो उसमें जीरो पुट करोगे पी क्यू आर का वैल्यू आपको पता ही है और जीरो पुट करोगे तो रिजल्ट एफडे जीरो का वैल्यू आ जाएगा आपका फोर्टीन ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सपोज e इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ करव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू दिस इज एक्चुअली c टू सी एक्स प्लस टू सी रूट सी अब आप एक चीज देखो ये जो कर्व है ये जो कर्व है इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं एक ही है c ठीक है टू सी रूट सी Arbitrary. इसका मतलब अपने को पता है जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करने पड़ते हैं और जब आप उतनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो मतलब इसमें कितना है सी तो वन है तो वन टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वन टाइम पड़ेगाट करोगे तो इसका मतलब इस जो कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके ऑर्डर कितने होंगे वन होंगे आसान सा क्वेश्चन है ये अब देखो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फिर सी का जब वैल्यू आप पुट करोगे इसमें तो ये ओवरऑल क्या हो जाता है सी टू दावर वन प्लस वन बाई टू दैट इज थ्री बाई टू ठीक है अब जब सी की पावर में कितना आ गया थ्री बाई टू अब जब अपने को पता है जो फ्रैक्शन जो यहां पे होता है उसको रिमूव करना होता है है ना तो आपको क्यूब करना पड़ेगा इस टूट एक्चुअली क्यूब नहीं बल्कि स्क्वायर करना पड़ेगा इस टू को रिमूव करने के लिए तो ओवरऑल आपके पास डिग्री आ जाएगी थ्री तो इसको क्या करना पड़ेगा थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो ये डिटर्मिनाट का क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स वन टू साइन एक्स एक्स स्क्स अब एक चीज देखो आप यहां पे आप अगर x का वैल्यू जीरो पुट कर देते हो तो सिंपल सी बात है एफ जीरो आ जाएगा और जब आप जीरो जैसे ही पुट करोगे तो आप क्या पाओगे एफ जीरो इक्वल्स टू यहां पे जीरो पुट करो ये जीरो हो, वन हो गया है ना ये जीरो पुट करो तो यहां पे जीरो हो गया टेन जीरो जीरो हो गया ये सब के सब जीरो हो गए ठीक है वन और ये क्या हो गया जीरो वन सिंपल सी बात है किसी भी रो या कॉलम में अगर ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उस का वैल्यू जीरो होता है स्वाभाविक तो सी बात है सेकेंड ऑप्शन अब देखो यहां पे तो आपको लिमिट निकालना है लिमिट निकालना है तो आपको एफ एक्स चाहिए तो इस कंडीशन में आपको एफ एक्स को एक्सपेंड करना ही पड़ेगा है ना आप जैसे सॉल्व कर लो एक्सपेंड करके या यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व कर लो इसको एक्सपेंड करोगे जब आप एक्सपेंड करोगे तो एफ एक्स का वैल्यू आएगा फिर वहां पे अप्रोचेस टू अप्लाई करोगे ठीक है तो इसके जो एक्सपेंशन होते हैं वो थोड़ा सा ले जाएंगे आपको क्योंकि देख रहे हो कॉस एक्स साइन एक्स इस तरह से है तो जब आप लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो अप्लाई करोगे तब जो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा है ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स करोगे जीरो आ जाएगा और वे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर जब आप इसको करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन ठीक है बस इसमें देखो कुछ नहीं करना है जस्ट आप आपको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है तो जस्ट इसको एक्सपेंड कर दो प्लस माइनस प्लस, प्लस और उसमें अप्लाई कर दो पहले में क्या करना है एक्स से डिवाइड करना है दूसरे में क्या करना है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, करना, करना है इसलिए इसको कर सकते हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाँ इस क्वेश्चन में देखें आप ये गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें भी है एक्चुअली दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर ये पाई स्क्वायर होगा ये माइनस पाई स्क्वायर है ठीक है ना ओके तो पाई स्क्वायर है ना तो पाई का वैल्यू आप जानते हो थ्री पॉइंट वन फोर अप्रोक्स होता है अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो नाइन पॉइंट समथिंग कुछ भी आए मान लो एट आए कुछ भी ठीक है लेकिन टेन से तो कम आएगा ठीक है तो जब आप इसमें पुट करोगे नाइन पॉइंट एट ठीक है तो नाइन पॉइंट एट का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा नाइन क्योंकि अपने को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर वैल्यू तो नाइन पॉइंट एट से जस्ट पहले वाला इंटीजर तो वैल्यू क्या हो जाएगा नाइन अब सेकेंड वाला पोर्सन देखो आप माइनस पाई स्क्वायर है तो इसका मतलब पाई स्क्वायर का वैल्यू एप्रोक्स आप निकाले ही तो यहां पे आप पुट करो माइनस का नाइन पॉइंट एट ठीक है अब जब माइनस नाइन पॉइंट एट का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस टेन तो इसलिए आप यहां पे तो डायरेक्टली इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो नाइन यहां पे और माइनस का टेन यहां पे. तब आप इजली व्हाट इज एफ पाई वाई टू एक्स के जगह पे आप पाई वाई टू पुट कर दोगे तो वो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा ठीक है ना आप देखो ना जैसे आप निकालोगे क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा साइन सबसे पहले तो ये क्या आ जाएगा नाइन एक्स ठीक है और प्लस कॉस माइनस का टेन एक्स किया जाए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है अब फिर डायरेक्टली क्या करेंगे एफ के जगह पे मतलब एक्स पाइ प्वाइंट टू आपको निकालना है तो एक्स के जगह पे पाइ प्वाइंट टू आप पुट कर दोगे ठीक है तो इसके जो जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसके आ जाएंगे सेकेंड ऑप्शन ठीक है 19 और जब आप यहां पे इसी में x के जगह पे फाइव 4 फोर पुट करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा ये बहुत इजी क्वेश्चन है आप डायरेक्टली इसमें पुट करो देखो ना फाइव 2 टू पुट करोगे तो नाइन 2 ये वन हो जाएगा ये π/2 टू फाइव हो जाएगा तो ओवरऑल देखो ना ये आ जाएगा वन और ये माइनस वन रिजल्ट आ जाएगा जीवन इन द सेम वे फाइव 4 फोर तो ये कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है ठीक है अब इसमें क्वेश्चन में देखो ए बी एक इस तरह से डिटर्मिनाट आपका गिवन है ठीक है अब यहां पे आप एक चीज गौर कर सकते हो जो अगर इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें अगर अल्फा से इसमें मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें मीन्स सी टू को अगर आप क्या लिखोगे सी टू प्लस अल्फा सी वन तो देखो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल A अल्फा प्लस बी ये क्या हो जाएगा B अल्फा प्लस सी ठीक है अब उसके बाद आप क्या करना इसके बाद C2 को आप लिख सकते हो C2 टू माइनस ऐसे लिख दो या C3 को लिख दो C3 सी टू बात बराबर है उसका में दो जीरो आ जाएंगे जब दो जीरो आ जाएंगे तो आप इजिली एक्सपेंड कर सकते हो ठीक है और एक तो ये है और दूसरा क्या है एबीसी का वैल्यू कोई सपोज करके कर सकते हैं तो ठीक है इस मेथड से आप देखो तो इसमें जब आप इसको एक्सपेंड करोगे इसको तो दो फैक्टर आपको मिलेंगे है ना और हमें पता है डेल दिस इज जीरो तो जब हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक फैक्टर में बनेगा डियर आपका बी स्क्वायर माइनस एल और दूसरे फैक्टर में अल्फा के टर्म्स में होगा तो इससे जब ये करेंगे दो फैक्टर बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्व जीरो तो आपको पता है बी स्क्वायर है ना ये किसका फॉर्मेट है जीपी का फॉर्मेट है तो क्या हो जाएगा ए बी सी विल बी अब देखो यहां पर देखो एबीसी के प्लेस पे सेवन फोर टू है तो इसमें अभी बताया आपको जो दो फैक्टर निकाले रहोगे तो इस फैक्टर में एबीसी भी आएंगे अल्फा भी आएंगे जब एबीसी के जगह सेवन फोर टू आउटपुट करोगे है ना और फिर तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये अल्फा में इक्वेशन बन जाएगा अब क्या है देन अल्फाइज ऑफ विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग तो ये जो इक्वेशन होगा वो अल्फा के टर्म्स में होगा तो इन प्लेस ऑफ अल्फा अगर आप एक्स से सब्सटीट्यूट कर देते हो तो बात है कोई ना कोई इक्वेशन आएगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में जो है जब आप अल्फा की जगह एक्स पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस टू ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ठीक अब अब देखो देखो ओके वैल्यू ऑफ एम थीटा है ना है ना वेयर एम थीटा क्या होगा अटेंस लिस्ट वैल्यू है ना न्यूनतम मान निकालना है आपको एम थीटा मीन्स इसका लिस्ट वैल्यू निकालना है ओके okay? ठीक है और दूसरा कंडीशन है अंडर व्हाट कंडीशन डज एम अटेंड द लिस्ट वैल्यू मतलब कौन सा कंडीशन है जिसपे अटेंड कर रहा है तो सबसे पहले देखो ये एओडी का क्वेश्चन हो गया आप क्या करेंगे एम डैश थीटा निकालेंगे सिंपल सी बात है जब आप एम डैस थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली दिस इज कॉट टू कॉट स्क्वायर थीटा एन कॉट थीटा इज माइनसा ठीक है फिर एन स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा को आप करोगे टू टेन थीटा इन टू टेन थीटा का क्या हो जाएगा square theta. और एन का तो जीरो ही हो गया तो ओवरऑल जब आप इसको इक्वेट करोगे जीरो से तो थीटा का वैल्यू एन के टर्म्स में आएगा थीटा का वैल्यू एन के टर्म्स में आएगा तो जब थीटा का वैल्यू एन के टर्म्स में आएगा तो थीटा यहाँ पे आप पुट करोगे

इसके सेकंड ऑप्शन राइट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म बाय द लाइन x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन एंड 6x एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री तो देखो इस लाइन को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ये x एक्सिस हो गया ठीक है और ये y एक्सिस हो गया ओके

तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है ठीक है अब क्वाड्रिलेटरल इस फॉर्म तो अब अपना जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ वो इस तरह से ये है ओके ये अब देखो करना क्या है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल थ्रू ओरिजिन तो ओरिजिन से जो डायगोनल पास होगा वो ये है ठीक है और दूसरा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल दूसरा डायगोनल कौन सा है ये वाला है। ठीक है तो इसका पहले इसका तो आपको पता है ओरिजिन का 0 जीरो जीरो अब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए अब इस पॉइंट का को कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे अपन इस दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू वन अपने को गिवन है और सिक्स एक्स प्लस वाई ये क्या है अपना थ्री सब कर दो ठीक है अब सब कर दिया वाई कैंसिल हो गया ये आया माइनस फाइव एक्स और ये आया माइनस का टू तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया टू बाई फाइव अब एक्स का वैल्यू टू बाई फाइव कहा इस किसी दो में से एक में पुट कर दो तो वाई इक्वल टू क्या निकल गया वन माइनस एक्स तो वन माइनस टू बाई फाइव हो गया तो रिजल्ट कितना आ गया थ्री बाई फाइव इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके निकल गए टू बाई फाइव कॉमा थ्री बाई फाइव ठीक है अब आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है फर्स्ट जो कि फर्स्ट डायगोनल है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल थ्रू ओरिजिन तो दो पॉइंट पता है आपको लाइन का इक्वेशन इजली निकल सकते हैं इसको ठीक है ना अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन ये जीरो है अब देखो थ्री बाई फाइव माइनस जीरो बचेगा थ्री बाई टू अब ये क्या वाई माइनस जीरो क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू थ्री बाई टू इन टू एक्स तो क्या निकल के आ गया टू वाई इक्वल टू थ्री एक्स तो ओवरऑल क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस टू वाई जीरो हो गया तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया अपना ये ठीक है अब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल अब ये देखो यहाँ पे डायगोनल जो पास करेगा अदर वाला वो इस दोनों पॉइंट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वन बाई टू कॉमा जीरो ठीक है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है जीरो कॉमा वन है ना ये लाइन वो है ना एक्स प्लस वाई ये वाला है। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आप देखो जीरो कॉमा वन एक पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट हो गया वन बाई टू कॉमा जीरो अब आप इजिली जिस तरह से इसको किए उसी तरह से इसको कर सकते हो ठीक है तो इसके जो फोर्थ ऑप्शन है टू एक्स प्लस टू वाई माइनस वन ये आ जाएंगे हा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स दिस ठीक है द फोकी ऑफ एलिप्स ठीक है आप क्या करो एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ये लिख दिया अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक तरीका है ना वाई स्क्वायर बाई वन बाई फोर इक्वल टू वन लिख सकते हो तो आप वन को क्या लिख सकते हो वन का स्क्वायर वन बाय फोर को क्या लिख सकते हो वन बाय का स्क्वायर। अब इस इलिप्स को थोड़ा तो सा डिजाइन कर दो है ना तो जब आप इसको डिजाइन करोगे तो इस तरह से कुछ होगा तो वर्टेक्स एक्स इसके वन जीरो हो जाएंगे है ना और ये क्या हो गया जीरो कमा वन बाय टू अब आपको निकालना है वॉट इज पी एंड पी एफ और ई एंड एफ क्या है फोकस है सपोज दिस इज ई एंड दिस इज एफ कोई पॉइंट है पी तो पी ई प्लस पी अपनी करना है और ये एक छोटा सा रिलेशन होता है कोई भी पॉइंट अगर एलिप्स पे होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस का सम ये तो डेफिनेशन का ही पार्ट है एलिप्स का वो टू ए के इक्वल होता है और यहाँ पे टू ए कितना है वन है दैट इज टू इन टू वन इक्वल टू टू अब देखो रूट थ्री बाई टू कमा जीरो क्या है कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट दिस अब इसमें एक चीज देखो एक्स कोऑर्डिनेट तीनों में सेम है

जीरो लिखते हैं तो सी क्या होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है अब ए स्क्वायर कितना है square, B कितना है ये आपके कितने आ गए थ्री बाई फोर तो सी का आ गया आपका प्लस माइनस रूट थ्री बाई तो रूट थ्री बाई टू भी आया और माइनस रूट थ्री बाई टू आया तो इसका मतलब ये फोकस ही तो है ये वाला पॉइंट फोकस ही हो गया क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट है ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट एक यहां पे होगा तो दिस इट मींस वी कैन से दैट ऑल दिस पॉइंट लाइ ऑन द लेटर सेक्टर ओके अब ये देखो द लाइन वाई इक्वल टू एक्स पार्टीशन द सर्कल दिस इन टू सेगमेंट है ना तो सबसे पहले ये बना दो एक्चुअली दिस इज ए तो ये हो गया ए कॉमा जीरो ठीक है ये सेंटर हो गया सर्कल का ये सेंटर हो गया अब इसका रेडियस भी कितना है अपना ए तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा ठीक है द लाइन वाई इक्वल टू एक्स तो लाइन वाई इक्वल टू एक्स भी आप बना दो ये हो गया ठीक है ओके okay, अब व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको इसका एरिया निकालना है

आर स्क्वायर थीटा थीटा कितना है अपना पाई बाई टू इंटू वन बाई टू ठीक है आर भी वैल्यू गिवेन है अपना ए है तो यहाँ पे पुट कर दो ए तो क्या हो जाएगा पाई बाई फोर ए स्क्वायर ठीक है ये अपना इस सेक्टर का एरिया आ गया अब इस ट्रेंगल के एरिया की बात करें तो सिंपल सी बात है देखो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है बेस ए है हाइट भी ए है तो ए इंटू ए, तो ए क्या हो गया ए टू अब आपको इस सेक्टर के एरिया में से ट्रैंगल का एरिया माइनस कर दो निकल जाएगा आपका किसका एरिया सेगमेंट का तो सेक्टर का एरिया आ गया आपका पाई बाई फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू हाँ तो इसमें आप क्या करोगे क्या कॉमन ले सकते हो ए, ए स्क्वायर बाई फोर जब आप ए स्क्वायर बाई फोर को कॉमन लोगे तो क्या आएगा इसमें तो देखो पाई बच जाएगा और इसमें क्या बचेगा माइनस का टू में से फोर कॉमन ले रहे हैं तो सॉरी बात है टू आएगा तो ए स्क्वायर बाई फोर बाई माइनस टू इसके फर्स्ट ऑप्शन हो गए अब देखो इसमें क्या है व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर मेजर सेगमेंट अगर हम सेगमेंट की बात करें तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा पूरे सर्कल का स्क्वायर ये पूरे सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया सिंपल सी बात है मेजर सेगमेंट मतलब क्या हुआ माइनर सेगमेंट को छोड़ करके सब तो सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को कर देंगे, ठीक है तो इसके आ जाएंगे थर्टी का सेकेंड ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वाट इज द वैल्यू ऑफ मेडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अब इसमें क्या है एक तो जस्ट आप एक्स लिखो एफ लिखो सी एफ लिखो है ना अब यहां पे मेडियन में देखो टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है फोर सिक्स टेन नाइन नाइनटीन है ना ओवरऑल फैक्टोरियल तो एक चीज़ है अगर आप इसको अनग्रुप डेटा में सोच सकते हो तो इसके बीच में दो है थर्टीन टर्म उसी का मीन ले, ले लेंगे तो मीडियन हो जाएगा तो फोर प्लस सिक्स टेन टेन के बाद नाइन नाइनटीन तो इसी के बीच में आएगा, आएगा आपके थर्टीन एंड फोर्टीन तो डेफिनेट सी बात है इसके थ्री एक्स कितने थ्री इसका मतलब आप इसको मीडियन के तौर पे थ्री को ले सकते हो ठीक है अदरवाइज भाई एक ये भी प्रोसेस है सेकेंड फॉर डेटा दिश इफ एम इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट फाइव ऑब्जर्वेशन एंड एन इज द मीडियन ऑफ लास्ट फाइव ऑब्जर्वेशन आप सिंपल सी बात है इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो पहले दो माइनस वन फिर वन फिर क्या आ जाएगा थ्री फिर फोर फिर एट फिर नाइन फिर अलेवेन फिर टे सेवेंटीन ठीक है फर्स्ट फाइव ऑब्जर्वेशन कौन सा है ये और उसके बाद सेवनटीन के बाद एक नाइनटीन भी है ठीक है लास्ट फाइव ऑब्जर्वेशन अगर इसके हम एम इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट फाइव तो मीडियन ये हो गया अगर ठीक है और एन इज द मीडियन ऑफ दिस वन ये हो गया मीडियन आप अगर देखो निकालना क्या है फोर एम माइनस एन एम माइनस एन एम कितना है थ्री तो फोर तो okay? थ्री देखो लेट पी क्यू आर मेडियन मोड फॉर समिस्ट्रीब्यूशन फाइव पी इक्वल टू फोर क्यूक्स टू आर बाई एक्चुअली दिस इज आर बाई टू सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इक्वलिटी को तो फाइव पी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो आर बाई टू तो फोर क्यू इक्वल्स टू भी लिख सकते हो आर बाई टू है ना तो p निकाल लोगे आर बाई एट तो डेफिनेट सी बात है p और q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कि के टर्स में r कैंसिल हो जाएगा ठीक है और रिजल्ट निकल के आ जाएगा थर्टी थ्री का फोर्थ ये देखो

देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म एन है क्योंकि देखो वन से लेकर के एन माइनस वन तक ये हो गया और एक ये हो गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए एन फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो गया टू टू द पावर वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू एन माइनस वन टू दावर वन बाई एन अब वन से लेकर एन माइनस तक क्या हो गया एन इंटू एन माइनस होल टू दावर एन By another, and cancel. ठीक है अब ये जी है अब क्या करेंगे दोनों तरफ log जी ले लेंगे 2। इधर भी ले लोगे log में बेस टू और यहां से लॉक जी 2 निकल जाएगा यहां पे भी आप पुट कर सकते हो ठीक है तो इसके जो रिजल्ट निकल के आ जाएंगे वो आ जाएंगे एन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो इफ एज हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर वन टू टू स्क्वायर टू टू दावर एन माइनस वन देन वाट इज एन बाई एच इक्वल टू अब हार्मोनिक मेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है अगर मान लो टोटल टर्म है, तो एन अपॉन है ना देखो ये टर्म में वन से लेकर के एन माइनस ये पिछली वाले जो क्वेश्चन में सीरीज था वही क्वेश्चन सीरीज है इसमें फिर आप इसको क्या लिखोगे वन बाई टू वन बाई टू स्क्वायर डॉट 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 वन बाई टू टू दावर एन माइनस वन इससे हार्मोनिक मीन यहां पे आप सिंपल सी बात है एन यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ठीक है आपको क्या निकालना है N H. तो ऐसा करो कि ये जो वैल्यू आएगा वो यहां पे ट्रांसफर कर दोगे और एच को इधर दिस इज कॉल्ड क्रॉस इंटरचेंज तो एन बाई एच सीधा यहां से निकल जाएगा ये रिजल्ट आएगा टू माइनस वन बाई टू टू दाइनस वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो

जब आप आई इक्व टू एन तक इसमें वैल्यू पुट करोगे तो समेशन का ये वैल्यू मिनिमम तो होगा तो सिंपल सी बात है एडी का प्रॉब्लम हो गया डीएस बाई डी ए निकाल लेंगे यही पूछ रहा है आपसे और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से इससे ए का वैल्यू निकालेंगे निकाल सकते हो आप क्योंकि Q के लिए क्या है आप यहाँ पे क्या है Q बी द मीन है ना आर द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन दिस Q Q बी द मीन मीन का मतलब क्या हुआ X1 से लेके इसको आप क्यों बोल सकते हो तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगा A का एक्स वन एक्स टू एक्स के टर्म्स में आएगा तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा टू क्यू ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वन बैक कंटेन थ्री वाइट टू ब्लैक बॉल अनदर बैग कहते हैं टू वाइट एंड थ्री बॉल ब्लैक बॉल देखो फर्स्ट में है थ्री वाइट सेकेंड में है ये टू ब्लैक है ना फर्स्ट में है थ्री वाइट एंड टू ब्लैक एंड सेकेंड में है टू वाइट एंड थ्री ब्लैक अब बोल रहा है टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग मतलब इधर से टू बॉल हम ड्रॉ किए एंड पुट इन टू द सेकेंड बैग मतलब दो बॉल ड्रॉ यहां से किए और फिर इसको इसमें डाल दें एंड देन बॉल इज डॉन एक बॉल जो है ना फिर उसके बाद इसमें से निकाले फ्रॉम द सेकेंड बॉल वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट अब देखो दो बॉल इस बैग से उसमें ट्रांसफर होंगे उसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं या तो दोनों वाइट ही ट्रांसफर हुआ होगा है ना फिर या तो एक वाइट और दूसरा ब्लैक ट्रांसफर हुआ होगा फिर एक दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे ब्लैक मतलब तीन कंडीशन है दोनों व्हाइट हो एक व्हाइट और एक ब्लैक हो और दोनों के दोनों ब्लैक हो अब इस कंडीशन में जैसे ही दो वाइट हो गए तो इसमें कितने हो जाएंगे वाइट फोर। जब एक और एक और ब्लैक ट्रांसफर करेंगे तो फिर इसमें कितना हो जाएगा थ्री फिर दोनों ब्लैक करेंगे तो इसमें व्हाइट कितने रहेंगे टू तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको यहां से इसके लिए निकालना है मल्टीप्लाइड बाई फिर इससे एक बॉल व्हाइट निकला उसको फिर प्लस करके इसके लिए और फिर इंटू एक व्हाइट बॉल निकला है इसका इस सबको ऐड करोगे सिंपल क्वेश्चन है ये डायरेक्टली थर्टी थ्री बाई सेवेंटी आ जाएगा थ्री डाइस आर थ्रो व्हाट इज द दी दैट इज फेस शोज ओनली तो मल्टीपल ऑफ थ्री ये बहुत इजी प्रॉब्लम है जैसे आप डाइस को थ्रो करते हो तो क्या क्या आता है वन से लेकर के सिक्स तक आता है सिंपल सी बात है और थ्री के मल्टीपल कौन कौन हो सकते हैं थ्री हो सकते हैं सिक्स हो सकते है ना थ्री के मल्टीपल क्या है थ्री और सिक्स अब इसमें क्वेश्चन है थ्री डाइश थ्री डाइस को थ्रो कर रहे हैं मीन एक डाइस का आउटपुट यहाँ सपोज करो एक का यहां ठीक है अगर इस तीनों पे या तो थ्री के मल्टीपल आना है और सिक्स के मल्टीपल आना है तो कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं तो या तो इसपे थ्री आए या सिक्स आए तो ये दो केस और ये भी दो केस इसके भी दो केस तो अगर हम फेवरेबल आउटकम की बात करें तो फेवरेबल आउटकम कितना हो eight. अच्छा अब तीन को जब करते हैं तो टोटल आउटकम कितने six into six into six. तो कितने होंगे ये कितना हो आपका 216. तो आउटकम टोटल आउटकम ठीक है अब इसको कट करो फोर टू जाट फोर से फोर फाइव जा फोर फोर जा से ट तो ये भी एक आप इजी प्रॉब्लम में इसको काउंट कर सकते Next question okay. तो हो ठीक है देखो, देखो तो तो होगा होगा, ही इसका मतलब कितना होता है? 28 days. और December में आपको पता है टोटल कितने डेज होते हैं थर्टी वन तो थर्टी वन डेज में रिमेनिंग कितने डेज बचे थ्री अब इस थ्री में तो कोई भी संडे हो सकता है तो टोटल वीक में सेवन है तो आउटकम हो गया सेवन और फेवरेबल आउटकम कितने थ्री तो रिजल्ट कितने हो गए थ्री बाई सेवन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल नंबर एन का वैल्यू आपको नेचुरल नंबर ही लेना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस मींस एन प्लस फिफ्टी बाई एन लेस देन फिफ्टी ठीक है तो एन का वैल्यू नेचुरल नंबर लेना है और इसकी वैल्यू जो है ना फिफ्टी से छोटी भी होनी चाहिए तो ऐसे कितने इसके क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछ ना वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ठीक है अब इसमें देखो अगर एन का वैल्यू आप वन लेते हो तो ये कितना हो गया फिफ्टी वन जो कि इस कंडीशन को वायलेट करता है अगर एन का वैल्यू फिफ्टी लेते हो तो ये क्या हो जाएगा ये भी फिफ्टी वन जो कि इस कंडीशन को ट करता है अगर एन का वैल्यू फोर्टी नाइन लेते हो तो गौर करके देखो आप यहाँ पे something तो, होगा। जब something को 49 में करेंगे, तो क्या हो जाएगा फिफ्टी पॉइंट समथिंग तो फिफ्टी तो से बड़ा है इसका मतलब ये तीन कंडीशन जो है ना एन का वैल्यू अगर हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में लेते हैं तो इस तीन को नहीं ले सकते तो बचे कितने फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन अपॉन फिफ्टी इज द राइट आंसर एक और प्रोसेस है जो आप इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर में करो और उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप कंडीशन अप्लाई करो का वैल्यू निकल जाएगा अब देखो इसमें x माइनस फोर है ना प्लस x माइनस सेवन इक्वल्स टू कितना आ गया फिफ्टीन ठीक है x माइनस फोर एक्स माइनस सेवन कितना आ गया फिफ्टी अब देखो दोनों मॉडल फंक्शन है तो टोटल अगर हम गौर करें तो प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो टोटल फोर केस बनेंगे लेकिन जब इसको प्लस लें और इसको माइनस या इसको माइनस लें इसको प्लस इस दोनों कंडीशन में तो एक्स ही कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो दो कंडीशन बने एक प्लस प्लस का और दूसरा माइनस माइनस इस दोनों कंडीशन को जब दोनों पॉजिटिव ले लो दोनों नेगेटिव ले लो तब हम आप तब क्या करेंगे इसका सोल्यूशन एक्स का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो तो उस कंडीशन में टोटल कितने सोल्यूशन हो जाएंगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जो आप एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो जो फंक्शन का डोमेन लिखना होता है रेंज लिखना होता है तो एफ एक्स ऑलरेडी देखो गिवन है जो टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फाइव ठीक है अब डोमेन के लिए अपने को पता है है फंक्शन के, में। तो के, नहीं होना चाहिए। के एक चीज तो निकल गया एक्सलू फाइव बाई थ्री मतलब नहीं है तो दो ऑप्शन है इसमें है और एक माइनस फाइव बाई थ्री है ठीक है।, है ओके अब फिर है इसका रेंज निकालना है है ना क्योंकि क्या है रहा ए एंड बी ए क्या है डोमेन बी क्या होता है कोडोमेन तो कोडोमेन का ही पार्ट होता है रेंज और वैसे भी ऑलरेडी बोल दिया दिस इज ऑन टू फंक्शन मतलब कोडोमेन इसका ऑलरेडी रेंज हो गया ठीक है तो इसको जब भी रेंज निकालेंगे तो क्या करते हैं fx को y मान लेते हैं 2x 3 3x 5 अब आप इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो थ्री एक्स वाई फाइव वाई वाईक्स टू टू एक्स प्लस थ्री अब इसमें से x को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो तो आप इसमें से क्या करो एक्स कॉमन ले लो इस पोर्सन में से और इसको सेवल फाइव वाई तो एक्स तो कितना आ गया अपना थ्री माइनस फाइव वाई अपॉन थ्री वाई माइनस टू अब देखो वाई का वैल्यू अगर टू बाई थ्री रख दे यहाँ पे

अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस बी बाई होता है तो अल्फा प्लस बीटा जीरो तो करेंगे माइनस ए का वेल्यू कितना जीरो मीनस ए का वैल्यू कितना जीरो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस पे स्क्वायर प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वाइनस टू अल्फा बीटा क्वल टू टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप माइनस ए पुट करोगे और वैसे भी आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है तो माइनस टू अल्फा बीटा तो इंटू बीटावल टू क्या हो गया अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई मतलब बी इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन ठीक है बी आ गया अब क्या है आप अल्फा बीटा का वैल्यू रख दे तो इसके बेसिस से आप ये भी पता कर सकते हो जो अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू माइनस वन है तो दोनों के साइन अपोजिट होंगे तो इसके बेसिस से आप ये भी कह सकते हो ये सही है और ये भी अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है तो अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पे ए है ए जीरो है अल्फा बीटा का वैल्यू आप रख सकते हो बी बी इंटू बीटा इक्वन तो आपका बीटा निकल जाएगा इसके वेसिज से आप कह सकते हो ये दोनों के दोनों सही हैं दोनों के अब क्योंकि देखो अगर आप ऐसे करते हो जो सर ए का वैल्यू जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी

क्या हो जाएगा फाइव और जो फर्स्ट वैल्यू है उस पर क्या पावर डाल देंगे एट माइनस फाइव थ्री और सेकेंड के पावर में क्या आ जाएगा फाइव इक्वल टू फाइव सिक्स का कोई वैल्यू आएगा इसको आप यहां ले जाओ कैंसिल करो और यहां से आप x का वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ठीक है तो इसके रिजल्ट निकल के आ जाएंगे आपके टेन है ना अब ये देखो क्या है हाउ मैनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस अब इसमें देखो जब दोनों के पावर में फोर है तो होल के पावर में फोर अप्लाई कर दो और थ्री एक्स माइनस वाई एक्स प्लस थ्री वाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स इंटू एक्स थ्री एक्स स्क्र और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई और ये हो जाएगा नाइन एक्स वाई तो ओवरऑल कितना आ गया आपका एट एक्स वाई माइनस ये क्या हो जाएगा थ्री वाई स्क्वायर अब एक चीज देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं थ्री और एन की जगह क्या है फोर तो आप इसको ये फॉर्मूला जानते हो फेमस फार्मूला है एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन ये फोर है तो फोर प्लस ये टर्म कितने है? थ्री थ्री माइनस वन सी थ्री माइनस वन है ना तो फोर थ्री सेवन माइनस वन कितना हो गया सिक्स सी थ्री माइनस वन टू अब इसको इवेल्यूएट कर लो सिक्स इंटू फाइव वन इंटू टू कितना आ गया फिफ्टी तो ये भी एक इजी कैटेगरी का क्वेश्चन आप कह सकते हो अब देखो पी क्यू आर एस आर इन ए पी ये ए पी में है और P प्लस एस इज एट मतलब इस दोनों का सम एट है एंड क्यू आर इज फिफ्टीन मीन मल्टीप्लीकेशन इस दोनों का फिफ्टीन है अब गौर करके देखो अगर ये वन रखें और ये सेवन तो एडिशन भी क्या आ जाएगा वन प्लस सेवन कितना रहा है एट रहा है और अगर इसको थ्री रखें और ये फाइव रखें तो ये ए पी में भी है थ्री इंटू फाइव कितना आ गया फिफ्टीन तो बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मोलेस्ट नंबर तो लार्जेस्ट कितना है सेवन स्मॉलेस्ट तो कितना है 1. तो तो कितना हो गया लार्जेस्ट एंड तो का डिफरेंस पूछ रहा था आपके सिक्स आ गए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर फिक्स नेचुरल नंबर सी एन आर इज ग्रेटेस्ट इफ एन इक्व टू टू आर एन सी एन आर ग्रेटेस्ट इफ एन इक्व टू आर माइनस वन एन इक्व टू आर प्लस वन यहाँ पर कोई ऐसा कुछ तो मैं है नहीं जो ये एन इवन है एन ऑड है आपको पता है जब मान लो पावर में फाइव है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे सिक्स तो जब पावर में फोर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे फाइव तो जब पावर इवन होता है तो टोटल नंबर ये मिड टर्म जो होते हैं एक ही होते हैं और वो क्या होता है एन बाई तो होता है, ठीक है तो एन बाइ टू तो अगर मान लो मीटर्म आर तो एन बाई टू, तो तो टू इक्वल टू आर कर लेंगे तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आर इसमु कट इन टू तो एन गिव्स टोटल सिक्सटी पेडलोग बन रहा है वॉट इज द वैल्यू ऑफ प्लस एन देखो इसमें एम पैरल लाइंस मान लो ये इस तरह से एम पैरेलल लाइंस है और फिर एन ये पैरल अब आपको पैलेलोग्राम बनाना है तो आपको पता इसमें से किसी भी दो लाइन को सिलेक्ट कर लें और इसमें से किसी भी दो लाइन को सिलेक्ट कर लें तो एक पेले फॉर्म होगा तो ऐसा लिख सकते आप एम सी टू इंटू किसके इक्वल हो गया सिक्सटी ये आपके क्वेश्चन में गिवन है तो एम सी टू को क्या लिखोगे एम इन टू एम माइनस वन बाई टू इन टू एन इन टू एन माइनस वन बाई टू किसकेम एन में आपका बहुत कॉम्प्लेक्स uh, एक इक्वेशन आएगा तो उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है ठीक है तो सिक्सटी को आप ऐसे कर सकते हो ना जो टेन इंटू सिक्स देखो इसको आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है काफी सारे स्टेप होंगे एम और एन में रिलेशन लाने पड़ेंगे लेकिन यहां पे अगर आप ऐसे देखो जो एम सी टू इंटू एन सी टू अगर हम सिक्सटी को टेन इंटू सिक्स लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं और टेन किसका वैल्यू आता है फाइव सी टू का और सिक्स किसका आता है फोर सी टू का सिंपल सी बात है तो एम का वैल्यू कितना हो गया फाइव एन का वैल्यू कितना हो गया फोर आपको पूछ क्या रहा है एम प्लस एन तो फाइव प्लस फोर कितना हो गया नाइन तो दिस इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो लेट एक्स विद नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड परमुटेशन एंड वाई विद नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द वर्ड कॉम्बिनेशन अब इसमें काउंट कर लो कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व टोटल फैक्टोरियल ट्वेल्व हो गया अपॉन कोई रिपीट कर रहा है क्या टी रिपीट कर रहा है टू फैक्टोरियल ठीक है ये एक्स आ गया और दूसरा देखो कॉम्बिनेशन में हाँ देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ये भी 12 है फैक्टोरियल अपॉन अब इसमें रिपीट क्या कर रहा है वो भी टू टाइम्स रिपीट कर गया टू टाइम्स और एम नहीं कर रहा है आई नहीं आई हाँ आई क्या कर रहा है टू टाइम्स कर रहा है तो यहाँ पे टू से डिवाइड कर दो फिर उसके बाद क्या कर रहा है एन भी कर रहा है टू टाइम्स टू से डिवाइड करो इसके बाद और कोई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तो आप देखो सिंपल सी बात है अगर इसमें वाई में अगर फोर से मल्टीप्लाई कर दो अगर फोर इंटू कर दो तो ये इसी के तो इक्वल हो जाएगा मीन एक्स इक्वल टू फोर एक बहुत आसान से क्वेश्चन है बस आपको परमोटेशन का मतलब जो रिपीट कर रहा है उतने के फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है अब देखो फाइव डिजिट नंबर आर फॉर्म विद द डिजिट देश विदाउट रिपीटेशन सही है विदाउट रिपीटेशन अगर हम बात करें तो इस पोजिशन पे जीरो तो नहीं आ सकता जीरो नहीं आएगा मतलब टोटल कंडीशन कितने हैं फोर आ सकते हैं इसमें ठीक है और जो रिमेनिंग है वो कितने आ जाएंगे फोर फैक्टोरियल जीरो के अलावा वन टू थ्री फोर वन टू फोर फाइव ये आ सकते हैं चार तो ये टोटल फोर इंटू फोर फैक्टोरियल ये कितने हो गए नाइन्टी सिक्स ट्वेंटी फोर इसका ट्वेंटी फोर फोर नाइनटी सिक्स अब देखो और

तो फैक्टोरियल फोर इंटू वन कितना हो गया फैक्टोरियल फोर विच इज ट्वेंटी फोर अब देखो इसमें क्या करने आपको निकालने हैं परसेंटेज यहां देखो व्हाट इज दर्सेंटेजी फोर अपॉन नाइन इंटू क्या हो गया हंड्रेड तो कितना हो गया ट्वेंटी फोर फोर जावेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव परसेंट है ना तो ये भी एक का क्वेश्चन है अब देखो रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी आप गौर करके देखो अगर एक रूट टू माइनस आई रूट थ्री है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा टू प्लस आई रूट थ्री क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में होते हैं तो एक अल्फा मान लो इसको या बीटा मान लो इसको है ना तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है माइनस बी बाई माइनस बी तो माइनस बी कितना हो गया यहाँ पे माइनस ए बोल वन अल्फा प्लस बीटा इस दोनों को ऐड करो तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा होता है अब A प्लस A तो ओवर को तो कितना हो जाएगा? फोर प्लस थ्री सेवन तो यहां से देखो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस फोर ठीक है और बी का वैल्यू कितना आ गया सेवन आपको क्या निकालना है ए प्लस बी तो कितना आ गया सेवन माइनस फोर विच इज थ्री फिफ्टी वन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ जेड इज देन व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड सिंपल सी बात है देखो डियर इसको क्या करना है आपको रेशनलाइज रेशनलाइज करोगे ठीक है तो इसका फॉर्मेट इस तरह से कन्वर्ट होगा सिंपल सी बात है एक्स प्लस अब आप इसका थीटा निकालोगे दैट इज आर्गुमेंट उसी को तो बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट थीटा तो टेन इनवर्स एक्स जब आप इसको निकालोगे रिजल्ट कितना आ गया पाई बाई थ्री इसमें जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको रेशनलाइज करेंगे तो रिजल्ट आ गया फिर आप देखोगे जो इसमें एक्स जो है ना निगेटिव रहेगा और वाई पॉजिटिव तो इसका मतलब वो शो करेगा सेकेंड क्वार्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है पाई माइनस थीटा तो ये क्या हो गया पाई माइनस पाई बाई थ्री एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया टू पाई बाय थ्री ये भी आसान सा क्वेश्चन था हाँ अब इस क्वेश्चन में देखो एक्चुअली इट इज गिवन ए बी सी आर इन एपी ये गिवन है ए बी सी आर इन ए पी पे एक्चुअली क्वेश्चन में थ्री गिवन था है ना ड्यू टू मिस्टेक था ऐसा ओके okay? तो ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब तो यह हुआ जो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी मीन्स बी इक्वल टू आप बोल सकते हो ए प्लस सी बाई टू ठीक है अब आप यहां पे एक देखो। C1 plus C2, अगर हम करें तो ये क्या जाएगा टू एक्स प्लस फोर और उसको डिवाइड कर दें बाई टू तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू ठीक है अब ये कितना आ गया ओवरऑल एक्स प्लस टू तो इसका मतलब सी टू में अगर हम सी टू माइनस ये लिख दें ठीक है तो देखो ये सी टू ये एक्स प्लस टू और ये भी जब इसको प्लस करके एड बाई टू करेंगे एक्स प्लस टू आएगा ये भी जीरो जीरो इसमें भी देखो जब इसको माइनस करो ये दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस ए प्लस सी बाई टू और ए प्लस सी को आप टू भी, भी लिख सकते हो टू बी बाई टू तो ये आ जाएगा तो गौर करके देखो ये करने के बाद इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद सेकेंड कॉलम जीरो हो जाएगा तो डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का जीरो बस यहां पे छोटा सा ये दिमाग लगाना था बहुत आपके सेकंड में एक क्वेश्चन हो सकते थे इस क्वेश्चन में क्या है देश आर इन जीपी ठीक है तो जीपी में है तो क्या करेंगे ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस इक्वल्स लॉग एक्स बी अपॉन ए टू पावर एक्स ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप तो ए टू पावर टू एक्स हो गया इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस बी इंटू लॉग ए बेस एक्स ठीक है इसको इसका वैल्यू क्या हो गया लॉग एस में कैंसिल हो गया इसका वैल्यू है इसका बेस है डायरेक्टली लॉग ए बेस बी हो गया ए टू दावर टू एक्स अब क्या करो लॉग ले लो बेस ए में तो जैसे ही आप लेंगे लॉग बेस में ए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा लॉग ए बेस बी अब ये टू एक्स इधर आ गया और ये तो वैल्यू वन ही हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें डायरेक्टली वन बाई टू लगा देंगे तो देखो ये ऑप्शन है ठीक है नंबर थर्ड ये भी प्रॉब्लम था ये देखो दिस आर एनजीपी ये गिवन है दिस इज़ तो क्या करेंगे आप टू टू दी पावर बी ए सी है ना आप ऐसा भी कर सकते हो इसका स्क्वायर कर दो तो लो इसका स्क्वायर कर दिया है ना इक्वल्स टू इस दोनों के मल्टीप्लीकेशन कर दो ये हो गया पावर एड हो गया बेसे में कैंसिल हो गया तो टू बी ए सी इक्वल्स टू वन बाय सी प्लस वन बाय ए ठीक है ओके तो आप इसको सॉल्व करो ना क्या करेंगे ए सी ले लेंगे एल सी तो ये तो कैंसिल हो गया क्या आ गया टू बी इक्वल्स टू ए प्लस सी ये किसका होता है फॉर्मेट का तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया राइट हो

फाइन करोगे तो पॉइंट समथिंग आएगा है ना तो ओवरऑल उसके रिजल्ट क्या हो जाएंगे सिक्स ठीक है इजी क्वेश्चन है ये फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के देश रियल रूट एंड बोथम देम लाइज इन द इंटरवल देखो ये एक्स लू जीरो है और ये फाइव है इसके बीच में ही इसके दोनों रूट लाइक करने चाहिए एक्स एक्वायर का को कॉफिशियन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली बात है कुछ इस तरह से पैराबोला बनेगा आपका अब देखो फर्स्ट तो कंडीशन ये है जो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ मतलब कितना हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर इन टू के ग्रेटर टू जीरो तो ये कितना हो गया सिक्सटीन माइनस फोर के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इससे क्या हुआ फोर तो 0, 0 के, तो के वैल्यू आप देखो एक तो ये कंडीशन हो गया दूसरा क्या होना चाहिए के का वैल्यू कुछ भी लो आप जैसे वन टू थ्री फोर ऐसे ही जन ले सकते हैं ठीक है के का वैल्यू फोर से छोटा इक्वल भी ले सकते हैं. फिर जीरो से फाइव के बीच में तो दो कंडीशन सिंपल सी, सी बात है F0 पे भी क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, मतलब होना चाहिए देन फंक्शन मतलब का हो, होना चाहिए, और 0 पे भी होना चाहिए। उसके बीच में आप देखेंगे तो के का फोर टोटल वैल्यू पॉसिबल होगा नेक्स्ट इन एंड एपी द फर्स्ट टर्म इज एक्स एंड ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज जीरो व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट एम टर्म देखो सम ऑफ एंड टर्म ये जीरो है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया एन बाई टू इन टू अगर फर्स्ट टर्म को क्या मानना है अपने को एक्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये किसके इक्वल हो गया जीरो तो इससे आप डी का वैल्यू निकाल सकते हो है ना डी का वैल्यू एक्स के टर्म से निकलेगा अब बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट m टर्म तो देखो एन टर्म का जो है वो सम जीरो है और m टर्म का आपको पता है मतलब निकालना है अगर m टर्म का आपको निकालना है तो गौर करके देखो टर्म जो देगा m प्लस एन टर्म वो तो टर्म के सम ऑफ एन टर्म तो ऑलरेडी जीरो है तो आप इससे निकाल लो डी यहां से निकालो निकाल ले हो यहां पे आपको पुट करना है ए के जगह पे आप एक्सी यूज कर सकते अब दूसरा ये प्रोसेस होता है जो मान लो इसका वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आता तो इसके जो नेक्स्ट टर्म है मतलब टी एन प्लस वन टर्म को हम एज ए फर्स्ट टर्म ट्रीट करते फिर लेकिन ये डायरेक्टली आप इसको कर सकते तो इसके बेसिस से आपके इसके सेकेंड आंसर आ जाएंगे अब ये देखो फैक्टोरियल प्लस ट्वेंटी जब निकालेंगे तो बात है, इसमें फाइव फोर थ्री टू ऐसे भी आता है ना फाइव फोर थ्री टू इन टू वन तो इससे ये हो गया इसके वैल्यू जो होंगे उसके यूनिटीड परसेंट तो होंगे और उसमें जब आप वन ऐड करोगे तो डेफिनेट सी बात है इसके जो ओवरऑल वैल्यू होंगे उसके यूनिट प्लेस पे वन आएगा अब ट्वेंटी सिक्स के टेबल में आप पढ़ो तो कभी भी सिक्स के टेबल में यूनिट प्लेस पे वन आएगा ही नहीं जैसे सिक्स वन जा सिक्स हो जाएगा ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर थर्टी फिर थर्टी सिक्स फोर्टी टू अब देखो रिपीट करना चालू हो गया। यूनिट प्लेस पे वन कभी आएगा नहीं इसका मतलब ये तो गलत हो गया सिक्स फैक्टोरियल प्लस वन अरे सिक्स तो डायरेक्टली आप जानते हो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी होता है और उसमें आप वन ऐड कर दो 721. तो सिंपल सी बात है से है इसका मतलब क्या हो गया है, अब देखो, Z image, Z तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे बेसिक तो कॉन्सेप्ट ये है जो जेड के जगह एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो जेड के जगह एक्स प्लस आई वाई पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू इस तरह से आएगा एक्स माइनस वन है ना प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन प्लस आयोटा वाई ठीक है अब इसको रैशनलाइज कर दो रैशनलाइज करोगे तो इसके कुछ न कुछ रियल पार्ट्स होंगे और इसके कुछ ना कुछ इमेजनरी पार्ट्स होंगे है ना इमेजनरी आपको एक चीज गिवन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दिस इज प्योरली इमेजनरी मीन्स रियल पार्ट को जीरो से इक्वेट करना है मीन्स रियल पार्ट ऑफ दिस वन कंप्लीट लाइक जेड माइनस वन बाई जेड प्लस वन ये जीरो करेंगे फिर आपको जैसे उसको जीरो करोगे तो एक्स और वाई में एक इस तरह से रिलेशन आएगा ये क्लास में जनरली मोस्ट फेमस क्वेश्चन है क्लास में हंड्रेड परसेंट करवाते ही करवाते हैं लोग तो ये आ गया ये क्या होता है मॉड जेड क्या होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो देखो इसका वैल्यू पुट कर दो तो ये वन ही तो आ गया इसका मतलब

प्लस उमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बेटा ठीक है ना सो वी कैन पुट हियर वन माइनस उमेगा माइनस वन का मोड सो इट बिकम्स वन माइनस उमेगा मोड ठीक है सो बच्चों आपको पता है कि उमेगा की वैल्यूज क्या होती है थीके? आप उसको यहां पुट कर सकते हो सो इट विल बिकम वन माइनस उमेगा इज माइनस वन प्लस आइटा रूट थ्री बाई टू एंड होल का मोड बेटा तो ये आपका सो जाएगा मोड थ्री बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू रूट थ्री करेक्ट है नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर डिजिट जीरो बच्चों

ठीक है 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 ना ना तो one, two, three, four, five, six. तो so तो तो बेटा 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 पे पे बच्चों बच्चों हो गया गया अब चार आ सकता three, और तो six. तो बन आपके पास नाइनटी सिक्स अगेन बच्चों यहाँ पे कोई बच्चा चार को रखेगा तो बेटा अगेन आपके पास नाइनटी सिक्स नंबर तो नाइनटी सिक्स इंटू टू बेटा तो आपके पास आ जाएंगे वन नाइनटी टू नंबर विल बी द आंसर ठीक है

तो ये बन जाएगा थ्री पावर सिक्स so, इंटू थ्री पार सिक्स बच्चो, so, so, तो बच्चो, का बच्चों तो मान हो गया, बीटा का मान हो गया तो एल्फा प्लस बीटा बच्चों आपका है ना, नेक्स्ट आ जाओ सिक्स हो गया ना बच्चों जाओ।

हंड्रेड बेटा ठीक है ना इसका मोड बेटा ठीक है बच्चों ये तुम्हारे पास बन जाएगा उमेगा और बच्चों ये उमेगा पार्ट टू हंड्रेड बेटा ना तो उमेगा पार्ट टू हंड्रेड मीन उमेगा स्क्वायर क्या अपॉन बच्चों यहां पे आ जाएगा उमेगा माइनस उमेगा स्क्वायर पावर मोड बेटा ये बच्चों तुम्हारे पास बन गया माइनस वन सो अगेन बच्चों तुम्हारे पास वन अपॉन उमेगा माइनस उमेगा स्क्वायर का मोड बेटा ये अगेन हमने रूट थ्री निकाला था तो तुम्हारे पास बच्चा इसका बेटा आंसर बन जाएगा वन बाई रूट थ्री ठीक है ना बढ़िया So, बेटा यहां तक के सवाल बिल्कुल सही है आप मैचिंग करते चलो साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों पेपर आपके पास आया है ठीक है ना बिल्कुल कुछ ही क्वेश्चन है लेकिन पेपर आपके पास बच्चों ओवरऑल बिल्कुल बैलेंस आपको चेक करना होगा कि ए बी माइनस बी ए जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो कैसे टाइप का मैट्रिक्स बनेगा बेटा तो लेट्स स्टार्ट ए बी माइनस का बी ए बेटा इसका ट्रांसपोज तो बच्चों ये मेरे पास बनेगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज सो इट बिकम्स बच्चों बी मैट्रिक्स कैसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सो इट बिकम्स बी ए माइनस का ए बी सो बच्चों यहां से माइनस कॉमन निकाल लिया ए बी माइनस का बी ए बेटा सो आपके पास ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या बेटा माइनस टाइम है दिस इंप्लाइज बच्चों ए बी

ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बच्चों ऑलवेज कैंडी के पेपर में बच्चों ऑलवेज हर साल पेपर इसमें यहां से बच्चों क्वेश्चंस आते हैं ठीक है तो बेटा अपने पास क्या भी आप बेटा में देखेंगे ना तो तुम्हारे पास डेल जीरो हो रहा है डेल वन जीरो हो रहा बेटा लेकिन डेल टू तुम्हारे पास नॉन जीरो बच्चों आ रहा है यदि तो डेल टू बच्चों नॉन जीरो आ रहा है सो तो सिस्टम विल हैव नो आंसर बेटा तीसरा आंसर बिल्कुल बच्चों यहाँ पे सही है नेक्स्ट पे आ जाओ ठीक है बेटा ये सवाल अच्छा सवाल था बेटा यहाँ पे एक्स वन बेटा इसके आंसर है तो ए बराबर बी मैट्रिक्स और बेटा ए एक्स टू बराबर बी मेट्रिक्स दिस इंप्लाइज बच्चों है ना बेटा ये भी सवाल का आंसर यार तो ये भी इसको करेगा सो ऑफ बराबर बेटा बी मेट्रिक्स अब बेटा इसको पुट कर दीजिए ए एक्स वन तुम्हारे पास क्या बी है सो ए बी प्लस बीबी बराबर बेटा बी मेट्रिक ठीक है ना अब बच्चों बी को यहां से कैंसिल करने पे तुम्हारे पास ए प्लस बी क्या बेटा वन आ जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट पे आ जाओ भाई

x माइनस का टू एक्स माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू प्लस यहां से बच्चों वाई स्क्वायर माइनस वन प्लस यहां से बेटा क्या देखिएगा जेड स्क्वायर प्लस का जेड माइनस का तो माइनस का जेड और बच्चों माइनस का टू बराबर सॉरी माइनस का टू बराबर जीरो बेटा टू से बच्चों टू कैंसिल आउट आपका ठीक है ना तो बच्चों मेरे पास यहां पे क्या बचा अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और माइनस का जेड बराबर बेटा सॉरी माइनस का वन बराबर बेटा अब कंपेयर कर लीजिए इसको यार तो जीरोक्स आपके पास क्या बच्चों माइनस थ्री है तो यू का वन बेटा बन गया माइनस का थ्री बाय टू है ना तो बच्चों ये बन गया माइनस का थ्री बाय टू वी यहां पे है नहीं वी जीरो है बच्चों डब्लू बन गया यहां पर माइनस का वन बाय टू तो एड करने पर तुम्हारे पास बच्चों माइनस का टू आंसर हो जाएगा ठीक है ना अब बच्चों ये तो सिंपल सा सवाल है पी ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास A B बनेगा बेटा तो A B क्या बनेगा? देखो स्क् टू माइनस वन तो अंडर रूट एक प्लस एक प्लस एक चार प्लस दो प्लस एक तो नो बेटा तो रूट ऑफ फोर्टीन है ना लेकिन बेटा स्क्वायर बनेगा तो आपके पास फोर्टीन विल द आंसर नेक्स्ट पे आ जाओ कंसिडर टू लाइन्स ठीक है ना

जे कैप के के साथ ठीक है बेटा तो तुम्हारे पास फोर्थ वाला पार्ट आंसर हो जाएगा ना फोर्थ वाला पार्ट बच्चों का तो बच्चों प्लस ए डॉट बी तुम्हारे तो पास तो बेटा आपको बी वेक्टर यहां से निकालना भी बेटा बी वेक्टर आप यहां से चेक करेंगे तो तुम्हारे पास बेटा मतलब ए डॉट बी सताइस आना चाहिए तो ये तो आ सकता ठीक बेटा ये तुम्हारे पास आ नहीं सकता ठीक है ना आप बेटा इसको क्रॉस कर चेक करें बेटा ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है ना और बच्चों यहाँ पे व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस वेक्टर बेटा तो पाई पाइवेट हो जाएगा ठीक है ना नेक्स्ट पे आ जाओ सिंपल सवाल था बेटा ये भी तुम्हारे पास क्या बच्चों एक सिंपल सा सवाल है बिल्कुल बहुत ही सिंपल सवाल है ठीक है ना मतलब इसमें पैसेज के अंदर दो सवाल दे रखे हैं आपको तो पांच नंबर बच्चों आपको बिल्कुल ये आराम से हर एक बच्चा इसको कर सकता है जो एनडी की तैयारी कर रहा था ठीक है ना तो बेटा इसको सिंपल सी बात है

तो बच्चों ए तुम्हारे पास यहाँ पे क्या वन माइनस वन जीरो बच्चों बी मेरे पास यहाँ पे क्या जीरो लाइन के ऊपर आएंगे ठीक है ना तो उसके लिए अपन क्या करें बेटा आपको सीधी सी बात है जैसे लीजिए बच्चों इस पॉइंट को मैं चेक करता हूं इस वाले पॉइंट को ठीक है ना लीजिए मेरे पास सी पॉइंट क्या माइनस वन थ्री टू बेटा तो यदि ए बी लाइन पे ना ए बी लाइन यहाँ पे और बच्चों cbc पॉइंट पे है cbc लाइन पे है तो बेटा ac वेक्टर और cb वेक्टर आपस में क्या होंगे बोलो भी दे हैज टू बी पैरेलल वेक्टर्स ठीक है ना तो बच्चों ac वेक्टर ac वेक्टर निकाल लीजिए आप ac वेक्टर बच्चों आपके पास बनेगा 2 माइनस का 4 और माइनस का 2 बेटा अब cb वेक्टर निकाल लो भाई आप बेटा cb वेक्टर यहां से क्या बनेगा भाई 1 माइनस का 2 और बेटा माइनस का 1

बेटा इवेंट्स कैसे आपके पास दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तुम्हारे पास जीरो पॉइंट तीन है इन टू ऑफ बी बच्चों तुम्हारे पास वा माइनस का के बेटा आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो तुम्हारे पास के बच्चों बनेगा टू बाई सेवन है ना टू बाई सेवन विद आंसर टू बाई सेवन नेक्स्ट पे जाओ बेटा ये बाइस को बेटा विदाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू वन बाई फोर बेटा ठीक है ना ठीक है

इंटू बच्चों फोर्थ में एक बेटा फोर तो हो जाएगा एटी वन बाई दिस वन है बेटा सेकंड आंसर चाहिए एटी फोर भी बेटा जाऊं ए बाइस कोइन ए कोइन इज बायस्ड सो दैट हेड कम्स अप थ्राइस एज लाइकली एज टेल तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तुम्हारे पास क्या बनेगा इसमें बताओ भाई तीन बेटा चार और बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या बनेगा बोलो भाई एक बेटा चार प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कम्स अप ठीक है ना इन फोर इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ द कॉइन

जब वाई का मान माइनस थ्री बेटा तो यहां रख दो तो तो चार एक्स माइनस का सत्ताईस प्लस का सात बराबर जीरो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस बच्चों आपके पास पे जाएगा थ्री सिक्सटी डिग्री ठीक है ना अब बच्चों ये वाले समीकरण यहाँ पे यूज कर लो यार P को Q को को कॉपोन S की में निकाल सकते हैं बेटा ना P को Q को आर कॉपोन बेटा S की में निकाल सकते हैं यार

ऑब्जर्वेशन बेटा ठीक है ना तो तुम्हारे पास ये ऐसा कुछ बनेगा वन 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 फिर टू फिर थ्री थ्री ठीक है फिर four, 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 फिर five, फिर six, फिर बेटा ना तो चार चार आठ चार बारह बेटा ठीक है ना तो बच्चों यहां पे पहले स्मॉल एम निकालो बेटा पहले आठ ऑब्जर्वेशन का मेन निकालना फिर बच्चों आपके पास कैपिटल एम बच्चों निकालना भी है ना बच्चों लास्ट में अभी इसको ऐड करेंगे यार है ना इस फॉर्म ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास टेन विल बी द आंसर बच्चों टेन आपके पास दस सवाल के आंसर आएगा <coughs> बच्चों ये तुम्हारे पास रिग्रेशन लाइन का सवाल है ठीक है ना तुम्हारे पास फॉर्मुला बन जाएगा वाई माइनस का वाई बार बराबर बी ऑफ वाई एक्स इंटू बेटा एक्स माइनस का एक्स बार बेटा ठीक है ना फॉर्मोला लगाने के बाद तुम्हारे पास फर्स्ट विल बी द आंसर ठीक है बच्चों डाइस को तीन बार दस बार फेंका गया है ये तुम्हारे पास बच्चों ऑब्जर्वेशन है तो मोड क्या होता भाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है

और डीएक्स अपॉन वन प्लस स्क्वायर एक्स अब बच्चों के लिए तो बन जाएगा बच्चों वन प्लस रूट ओवर टू जाएगा टू टेन एक्स का पावर दो बेटा अब रूट टू टेन एक्स को मैं टी मार लूंगा बेटा तो मेरे पास यहां पे क्या बनेगा देखो root 2 tan x को मैं t मानता बेटा root 2 tan x को यदि बच्चों मैं t मानता हूं तो मेरे पास ये बन जाएगा root 2 into sec square x dx बराबर dt बेटा तो तुम्हारे पास बच्चों ये बन जाएगा by root 2 लग जाएगा ना तो बच्चों बन जाएगा आपके पास ओवरऑल बन जाएगा बच्चों ये root 2 से लेके infinite dt upon one plus का स्क्वायर बेटा ठीक है ना तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा root over two, tan inverse, t और जीरो से लेके बेटा बच्चों ये पाई बन जाएगा, तो, root two into pi बेटा. तो बन जाएगा तुम्हारे पास पाई बाय टू है ना बच्चों पाई बाय टू बेटा पास सवाल का आंसर जाएगा ठीक है ना इसी टाइप से बच्चों निकालेंगे तुम्हारे पास आई फोर पाई पाई फोर बन बेटा यहां से निकाले बेटा ये आपके पास ये वाला आंसर बन जाएगा ठीक है नेक्स्ट पा जाओ ठीक है बेटा ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सवाल है ए लेसन बी तुम्हारे पास बच्चों दे रखा है ठीक है ना तो अपन पहले क्या करेंगे भाई बेटा से लेके जीरो और मोड एक्स डी एक्सोन एक्स प्लस जीरो से लेके बी मोड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स बेटा जब ए तुम्हारे पास बेटा नेगेटिव तो ये माइनस एक्स बन जाएगा माइनस एक्स ए से लेके जीरो बच्चों ये वन बन जाएगा तो एक्स और जीरो से लेके बेटा बी अब तुम्हारे पास ये क्या बनेगा देखो भाई ये बच्चों माइनस माइनस प्लस बेटा तो ए और ये बच्चों B है ना? तो तुम्हारे पास सवाल का बेटा का आंसर आ जाएगा ये बच्चों बिल्कुल सिंपल सा सवाल था इसको नेक्स्ट बच्चों ये तुम्हारे पास प्योरली साढ़े सात नंबर का सवाल है प्लस में तीन बच्चों पैस में तीन सवाल है और बिल्कुल जिस बच्चे को लोग एक्सा कर आप ढंग से पता है ठीक है ना जिसने अपने क्लासेस को ढंग से अटेम्प्ट किया है ठीक है ना तो वो बच्चा आराम से ये देखो यार कुछ भी नहीं करना भाई ये साढ़े सात नंबर तुम्हारे बिल्कुल फ्री के मार्क्स है ना तो बेटा बनता भी लेकिन बच्चों मोड़ लगा दिया इसने यार, तो ये ब्रांच हट जाएगी इसके यार तो ये तो बन गया ये बच्चों तुम्हारे पास माइनस का एल एन एक्स बन गया ये एक को जीरो पे आ गया वेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट जीरो पॉइंट फाइव तो बच्चों डेरिवेटिव

तो बच्चों का derivative क्या बनेगा? बेटा वो तुम्हारे पास क्या भी? अच्छा जब एक्स X, X बेटा, तो ये वाली ब्रांच बच्चों इसके अंदर F of F of X निकालेंगे, और एलन एक्स का क्या होता इंटू एलन एक्स तो, तो बच्चों तुम्हारे पास सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल सही आ रहा बिल्कुल सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल बच्चों बिल्कुल बढ़िया है।, है और बिल्कुल, बिल्कुल एवरेज है बिल्कुल सिंपल की साइड में इसको बच्चों में रखूंगा ठीक है ना अब बच्चों कंटिन्यूस आपके पास है तो एक भी कंटिन्यूस होगा बेटा और दो में भी, भी होगा। तो बच्चों एक उधर से मान आ रहा है साथ और बेटा यहां से एक पे मान किया गया बोलो बीपी प्लस क्यू बच्चों दूसरी बात से क्या बोलो भाई टू पी प्लस का क्यू और बेटा यहाँ पे पे मान क्या गा गा, टेन आएगा बेटा अब यहाँ पे पी पोर निकाल लीजिए बेटा तो बेटा क्यू से तो क्यू कट गया तो बच्चों का का मान थ्री। पी का मान बेटा तो आ गया आपके पास तीन और बेटा पी को यहाँ तीन रखूंगा मैं तो क्यू का मान आपके पास जाएगा चार तो तीन और चार बेटा बिल्कुल सिंपल सवाल है सेकंडों के अंदर होने वाले सवाल है ठीक है बच्चों ये भी तुम्हारे पास क्लास में कराया हुआ सवाल है ठीक है ना और बच्चों क्लास के अंदर ये कराया हुआ सवाल अपना ठीक है ना मेरा किराया क्लास क्वेश्चन में ठीक है ना मैंने इसको डिस्कस किया क्लासेस के अंदर ठीक है बच्चों मेरे पास पे क्या आपके पास बेटा ये मेरे पास है एक्स माइनस का दो मोड, का मोड़ प्लस एक्स माइनस तीन का मोड़ प्लस एक्स माइनस चार का मोड़ बेटा तो सबसे छोटा काम मिलेगा तीन पे मिलेगा बेटा ऑफ निकाल लो भाई यहाँ से एक यहां से जीरो यहाँ से बेटा एक तो एफ ऑफ तीन पे दो आ जाएगा ठीक है ना बच्चों यहाँ पे क्या एक्स से किस मान के लिए बेटा सबसे छोटा हुआ तीन पे और उसके न्यूनतम बच्चों वैल्यू क्या भी? दो बेटा ये भी फटाफट होने वाला सवाल है, बच्चों, में होंगे जाओ बेटा ये सिंपल है। ना कुछ बच्चों जो ओवरऑल जो पेपर है ना वो आपके पास बिल्कुल बैलेंस्ड है जिस बच्चे ने साल भर मेहनत की है साल भर तैयारी की है वो बच्चा बड़े आराम से टिकल कर सकता है अभी ठीक है ना और ऐसे टाइप के सवाल हमने बहुत ज्यादा बच्चों प्रैक्टिस करवाएसियल एक फैक्टोरियल एक दो फैक्टोरियल दो और बच्चों में क्या आठ आएगा पांच फैक्टोरियल में क्या आठ आएगा तो बच्चों चार फैक्टोरियल के बाद में तो आठ सभी में आएगा तो वहां से तो रिमाइंडर आएगा नहीं तो बच्चों रिमाइंडर यहीं तक से आएगा बेटा ठीक है ना ये गया आपके पास एट प्लस का टू टेन

तो ये थर्टी थर्टी प्लस का फोर थर्टी फोर बेटा तो तुम्हारे आपको क्या करना है बेटा ये डायग्राम तुम्हारे पास बन गया ठीक है ना ये पी क्यू ट्राइंगल बना लीजिए आप पी क्यू आर बेटा एक सर्कल ऐसा दिया आपको है ना जो बेटा इनको यहाँ पे टच कर रहा है ठीक है ना मान लीजिए बेटा ये तुम्हारे पास पॉइंट पॉइंट है ना ये बच्चों एन, एन ये एन ये एन प्लस टू ये बेटा एन प्लस टू ये सॉरी एन प्लस फोर बेटा ये एन प्लस फोर तो बेटा यहाँ पे थ्री बेटा को रूल लगा दो बस बच्चों कोस एन रूल यहां पे क्या बनेगा अभी बेटा इस साइड का, का तो पी क्यू का स्क्वायर तो बच्चों कोस पी तुम्हारे पास यहां पर जाएगा बेटा इस साइड का स्क्वायर तो एन प्लस एन प्लस टू बेटा तो टू एन प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टू एन प्लस सिक्स का स्क्वायर अपॉन बेटा अपन बच्चों डिवाइड किससे करेंगे बोलो भाई टू इन टू एन प्लस टू इन टू एन प्लस, प्लस फोर बेटा ठीक है ना ये बच्चा आपको देखा वन बाय थ्री बेटा इसको आप सोल्व करेंगे तुम्हारे पास बच्चों एन का मान आएगा आठ बेटा एन का मान आठ और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि बच्चों व्हाट इज द

बच्चों इसका बैलेंस कर सकते हो बहुत आराम से ठीक है ना इसको अपन बैलेंस करेंगे इसको बेटा अपन बैलेंस करेंगे तो बेटा देखो बच्चों तुम्हारे पास समीकरण दे रखा है वो साइन एक्स की फॉर्म में आ रहा है ठीक है ना तो अब इसको पूरे को बच्चों साइनटो एक्स की फॉर्म में चेंज कर यार तो पहले वाला पार्ट तुम्हारे पास बन जाएगा रूट ओवर वन प्लस और प्लस

देखो दे रखा आपको ठीक है ना अब बैलेंस बच्चों करेंगे तो तुम्हारे पास बेटा सवाल का आंसर आएगा ट्वेंटी एट है ना ट्वेंटी सवाल का इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा ठीक है

एल्फा इंटू बीटा तुम्हारे पास क्या आएगा? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो बच्चों सी बाई ए होता है यार तो एट प्लस का फोर रूट थ्री अपॉन थ्री प्लस टू इंटू रूट टू अपॉन बच्चों एल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी बाई ए तो माइनस माइनस बच्चों प्लस तो फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन बच्चों थ्री प्लस का टू रूट टू ये वाला पार्ट से कैंसिल आउट

ठीक है लेट साइन बीटा बीटा जीएम ऑफ साइन एल्फा एंड कोस बीटा कोस एल्फा बीटा तो तुम्हारे पास साइन स्क्वायर बीटा यहां से क्या बनेगा भाई साइन एल्फाइन इन टू कोस एल्फा क्योंकि जीएम दे रखा है व्हाट टू साइन स्क्वायर बीटा तो बन जाएगा बच्चों वन माइनस का टू इंटू साइन स्क्वायर बीटा यहां पर क्या बैठे साइन एल्फा इंटू

बच्चों पैरामीटर मान लो ए प्लस बी प्लस सी बेटा बी साइन सी अपॉन बच्चों अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी बराबर बच्चों अपॉन साइन ए या निकालेंगे बच्चों तो तुम्हारे पास बनेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर टू इन लेमडा

तो बच्चों वन दे रखा तो ये बन जाएगा जब आपके पास सात डिग्री हो तो बेटा ए बन गया सात डिग्री और बी बन गया तुम्हारे पास थर्टी डिग्री तो बच्चों सी तुम्हारे पास बन गया नाइनटी डिग्री क्योंकि थर्टी प्लस सिक्सटी नाइनटी डिग्री और एंगल ऑफ सम क्या होता है बच्चों अब बेटा अपन आंसर कर सकते हैं बड़े आराम से ठीक है ना बच्चों राइटिंग ट्रेंगल है एक साइड आपका रूट थ्री है एक साइड वन बेटा तो बाकी साइड क्या बनेगी भी टू बन जाएगी यार तो पैरामीटर क्या बन गया टू प्लस वन थ्री प्लस रूट थ्री बेटा तो थ्री प्लस रूट थ्री बन गया है द एंगल ऑफ ए आर इन सही सही बात है सही बात है बेटा ना तो बेटा बोथ फैसन टू आर करेक्ट नेक्स्ट पा जाओ भाई बच्चों ये अगेन आपके पास बहुत सिंपल सा सवाल था एक ठीक है ना ए एम जीएम कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं इसमें ठीक है ना जो क्लासेस में आपको बार बार पढ़ाया गया ठीक है अब देखो बेटा अभी इसमें x हमारे पास क्या बनेगा अभी a प्लस वन बाई साइन एन बेटा यहाँ पे एक बनेगा तो साइन ए, ए बेटा इट बेटा तो ये टू ज्यादा है टू प्लस वन। क्या बनेगा? प्लस थ्री बनेगा बेटा तो ऑलवेज बच्चों ये क्या बनेगा थ्री से

रूट 3 C अब A, B, और थ्री इंटू सी बच्चों रूट थ्री बाई टू बराबर बेटा सी बाई वन अब देख लो बेटा ए बाई साइन बेटा तो साइन है तुम्हारे पास वन बाई टू दिस इंप्लाइज ए बच्चों बन गया तुम्हारे पास 30 डिग्री b अपन साइन बी बच्चों b साइन बच्चो बी b, b क्या रूट थ्री बाई टू बच्चों c, by sin c, तो sin c आपके ने ट्रेंगल बेटा तो, तो ट्रेंगल में एक नब्बे डिग्री रहा है तो बच्चों तुम्हारे पास क्या भाई एंड वट इज द एरिया ऑफ द ट्रेंगल ट्रेंगल का बच्चों एरिया क्या बनेगा भाई बच्चों देखो भी तुम्हारे पास C <coughs> का मान बेटा आठ है तो तुम्हारे पास बच्चों A का मान क्या चार। और बच्चों बी का मान क्या भी? वन बाई टू, तो टू ए का मान क्या भी? ए का मान बच्चों आपका चार है बी का मान चार तीन है और साइंस बन जाएगा बच्चों साइन सी तुम्हारे पास वन है ये बच्चों कैंसिलू तो टू इंटू फोर एट

तो वेलकम ठीक है जिन बच्चों का थोड़ा सा भी किसी कारण से पेपर डिस्टर्ब uh, हुआ है बच्चे फिर से अपनी तैयारी में जुट जाओ ठीक है ऑल द बेस्ट जय हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई एम निशांत अग्रवाल इंग्लिश फैकल्टी सी एल सी सीखकर कैसे हैं आप सभी होप करता हूं आप सभी बेस्ट होंगे और बिल्कुल आपका जो पेपर है बहुत शानदार गया होगा डियर्स पेपर शुरू करने से पहले छोटी सी बात सी एल सी एंडिया अकेडमी लास्ट सेशन हमने बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो लास्ट सेशन था वो हुआ इस साल हमने नए बैच हमारे स्टार्ट कर दिए हैं और सिक्स अप्रैल से हमने जो बैच थे वो स्टार्ट कर दिए हैं जबकि हर वीक पर एक न्यू बैच जो है हम शुरू कर रहे हैं अभी फ्रॉम टू और थ्री डेज यानी ट्वेंटी अप्रैल से हमारा फिर एक नया बैच शुरू होने जा रहा है तो कहने का मतलब आप ज्वाइन करें हमें और अपनी जो एनडीए का जो आपका सपना है जो ड्रीम है उसको पूरा करें ओके लेट्स स्टार्ट दिस इज सीरीज ए फर्स्ट ऑफ ऑल जी ए टी जनरल एबिलिटी टेस्ट का इंग्लिश का सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं सीरीज ए का एंड द फर्स्ट टेन क्वेश्चन इज हेयर है डायरेक्शन है इसमें कुछ इस वन टू थ्री फोर ओके वन टू थ्री एंड फोर इन द आंसर शीट Uh, read each sentence to find out whether there is any error in underlined part, indicate your response in the answer sheet against the corresponding letter 1, 2, 3. If you find no error, your response uh, should be indicated is 4. Yani no error hai to up indicate 4 per toh grammatical portion hammer. First question is here over long periods of time, layers of sediments builds up to a height of a few kilometers. किलोमीटर्स, नो एर देखो डियर्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तो यहां पे कोई एरर हमें नहीं दिख रहा फिर हम देखते हैं लेयर्स, लेयर्स, लेयर्स। किसकी लेयर्स लेयर्स ऑफ सेडिमेंट सेडिमेंट ऑफ ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दिस इज सब्जेक्ट एंड बिल्ड अब दिस इज आवर वो एंड अगर

फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाते हैं जब सिंगुलर हो लेकिन यहां पर प्लियल फॉर्म है। विद फॉर्म, वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ दैट इज बिल्ड अप इट्स मीन द आंसर इज टू सेकंड क्वेश्चन इज एयर व्हेन ए गैस इज कूल डाउन इट टू ए लिक्विड फ्रॉम ए प्रोसेस कॉल कनेशन साइंस रिलेटेड सेंटेंस उन कूल डाउन की जाती है इट टर्न इंटू टर्न इंटू हो जाते हैं सही है लिक्विड में गैस को जब आप करते हो कूल cool करते हो तो लिक्विड हो जाती है एंड इन दिस सेंटेंस वी राइट हेयर थ्रू थ्रू प्रोसेस कॉल्ड कंडस इज कूल डाउन इट टर्न इंटू ए लिक्विड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कंडीशन कंडीशन ठीक है यानी यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा थ्रू प्रोसेस थ्रू प्रोसेस प्रोसेस होती है में से कंडीशन की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ यू वांट टू नो द न्यूज़ यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर इफ दिस इज कंडीशनल सेंटेंस दिस इज कंडीशनल सेंटेंस ए यू नो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंडीशन सेंटेंस इन योर इज लाइक व्हेनेवर फर्स्ट फॉर्म इज गिवन देन यू विल राइट देयर विल विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड सो ऑन इन दिसेंस इफ यू सी इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म इज गिवन बट इन सेंटेंस हेयर यू सी देर इज कैन कैन इज गिवन बटिकली अगर कहेंटिकली कहें <coughs> uh, कहे, तो यहां पर अगर शुड या मस्ट का यूज करें भाई अगर आपको न्यूज आनी है तो यू शुड तुम्हें पढ़ना चाहिए न्यूज पेपर अपन एक एडवाइस दे रहे यू सी अबाउट कैन इट इज द पॉसिबिलिटी अबाउट पॉसिबिलिटी होती है लेकिन शुड क्या है एक एडवाइस है एडवाइस है ऑब्लीगेशन हो सकता है मस्ट हो सकता है तो राइट आंसर हेयर थर्ड ओके मो नेक्स्ट कोलम्बस मेड हिज फर्स्ट वॉइस फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन ऑन फोर्टी नाइनटी टू तो कोलम्बस सब्जेक्ट है वर्व है वर्व को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया कोई दिक्कत नहीं है फ्रॉम से टू टाइम टू टाइम हो गया यहां तक कोई एरर हमें नहीं दिखाई दे रही लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑन 1492 टू ईयर इज गिवन हेयर ईयर इन पास्ट देन इन वी यूज इन हेयर दिस इज अ प्रेपोजिशनल एरर एंड इन फोर्टीन नाइनटी टू इज राइट आंसर वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी The stars in the night whenever whenever the sky is clear sky is clear you can see you can see the stars such stars in the night yes in the morning eight afternoon in the evening एट नाइट मतलब जो ये टाइम रिलेटेड वर्ड्स है इन दिस इन दाइट नहीं होता लड़ लो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आएगा एट नाइट एंड दिस इज द राइट आंसर थर्ड जो है आपका उसमें आपको एरर देखने को मिली है सिक्स क्वेश्चन है आई एम नॉट वर्किंग टूमोरोड टू गेट अपनी आई एम नॉट आई एम नॉट वर्किंग बिल्कुल फ्यूचर की बात हो रही है टूमोर स्वाइ डोंट डोंट डी ओ एंड डोंट प्लस दे दिया यहाँ पे हैड हमने हमेशा पढ़ा है वेन एवर डोंट इज गिवन देन वी यूज फर्स्ट फॉम वर्व दैट डोंट हैड तो नहीं आ सकता तो डोंट हैव टू गेट अपनी बात समझ में आ गई आई एम नॉट वर्किंग सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली एंड द आंसर इज टूमोरोवंथ क्वेश्चन इज हेयर डिडंट टेल एनी बड़ी अबाउट हर प्लान देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाला सेंटेंस है शी डिडंट सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया ठीक है सब्जेक्ट को अपनी हेल्पिंग वर्ब मिल गई और फिर ये वर्ब हो गया तो वर्ब है ही है नी बडी एनी बडी एनी बडी तो यहां पर जो ये अबाउट है देना थोड़ा सा ठीक है तो यहां पर अबाउट नहीं आएगा डियर्स ठीक है क्योंकि से होना चाहिए था शी डिडन टेल एनी हर प्लांस यानी यहां पर ट्रांजिटिव हो गया ना शी डिडन टेल एनी बड़ी हर प्लांस ध्यान देना यानी इस सेंटेंस में ये थोड़ा सा करेक्ट कर देख लेना नो no एरर नहीं होगा इसमें थर्ड आंसर होगा अबाउट ठीक है जी अबाउट हट जाएगा नेक्स्ट है शी वुडंट हैव हैज एन एक्सीडेंट इफ शी हैड आप सबको पता है वेन एवर वेन एवर हैड प्लस थर्ड फॉर्म इज गिवन इन योर सेंटेंस मेनी टाइम्स आई टोल्ड इन द क्लास कि ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा

तो राइट आंसर इज है से आई विल वॉच फिल्म इफ आई फिनिश इन टाइम कोई दिक्कत नहीं है यहां पे तो आई विल वॉच यहां पे आर्टिकल की एरर है ए आ सकता है दा भी आ सकता है ऐसी कोई बात नहीं हम मानते हैं कि आर्टिकल की एरर है आई विल वॉच ए फिल्म आई विल वॉच ए फिल्म इफ आई फिनिश इफ लाड लो इफ प्लस इफ प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन सेकेंड

stored its family planning देखो इन 1989 पास की बात चल रही है गवर्नमेंट है ही है आपका सब्जेक्ट है डिड है ही और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये हो ही गया है ठीक है ना एंड अबाउट फेस एंड ईरान रिसोर्ट लेकिन यहाँ पे जो ये एसेट्रोफी एस दिख रखा है पजेसिव के रूप में इट्स आएगा यानी वो आपको ये सिनोनिम्स आ गए हैं आपके इसका जो सेकंड पार्ट है आपका सिनोनिम्स है 10 क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे बहुत अच्छे से है ना और अब अपने आगे synonyms. तो लेट स्टार्ट विद अंडरलाइन वर्ड फॉलो बाई फोर ऑप्शन अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली वर्ड आता है इंडिजेंट सेंटेंस को पढ़ के देख लो आपसे ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपल ए लॉट

she had no idea what made him angry in one minute and jovial the next jovial uh mean hota hai merry happy ठीक है बड़ा खुशमिजाज होता है agree melancholic dolphlie जितने भी हैं तो एनारमिक्स है और मर्थफुली क्या है मर्थफुली से यार um uh, joyful है ना joyful तो joyful and jovial okay सिमिलर है तो राइट आंसर इज हियर 4 मतलब होता Normalcy, normal होता है है, है 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 पागलपन होती होती ना समझदारी जो इंसान नॉर्मल है ठीक है सैनिटी होता है सैनिटी होता है जहां पे बिल्कुल नॉर्मली हो गया ना भी शांति जहां पे किसी भी तरह का कोई बात नहीं बट इंसैनिटी जो वर्ड है is similar to madness.

मतलब होता है कि meticulous planning होती है, केयरफुल जिसे आप कह सकते हैं जैसे बच्चा नहीं होता आप बच्चे को क्या करते हैं करते हैं ना? देखो, किसी बच्चे को करना तो जो है यहाँ पे इसका मतलब भी क्या होता है केयरफुल आप किसी के साथ प्लेफुल थोड़ी करोगे लॉन्ग एंड स्ट्रांग नहीं होगा राइट आंसर इज हियर फॉर फिफ्टीन क्वेश्चन द थ्रिल ऑफ ऑवर स्पीड द व्हील एग्रेटिंग वट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू टेक बी लाइटली तो यहां पे इसका मतलब होता है हायर करना किसी को एक्साइट करना एग्रेसिव करना तो यहां पे दिस इज द राइट आंसर एक्साइटिंग ओके अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर द रेडन रेडेप्शन वर्ड इन क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी रिलीजन ये रहता है कि जो जो होते हैं बुराइयां होती हैं उनसे मुक्ति पाना रिडेम करना या उनको रिट्राइव करना उनको वापस पाना आ, तो यहाँ पे फॉरफीट या कॉरपोरेशन डेस्टरेक्शन नहीं होगा राइट आंसर रिट्रावल क्लियर सेवेंटी नंबर क्वेश्चन ओनली थ्री कैंडिडेट्स आर नाउ इन कंटेंशन कंटेंशन टाइटल टाइटल के लिए कंटेंशन कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं डिस्प्यूट कर रहे हैं टाइटल चाहिए भाई उनको होता ना तो तुरम खा मैं कायम खानी तो वो टाइटल चाहिए तो टाइटल के लिए डिस्प्यूट करना डिस्प्यूट करना एक कंटेंशन ऑफ बॉर्न आपने इडियम इफ यू हैव एवर्स लिसन कंटेंशन ऑफ बॉर्न तो कु, जैसे कुत्ते लड़ाई करते हैं ना हड्डी के लिए वो ही बात है बॉर्न के लिए हड्डी के लिए तो इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट ठीक है ना विनिंग और ईच अदर ये तो होगा नहीं पैराफेनेलिया क्या होता है पैराफेनेलिया होता है टूल्स किसी काम को करने के लिए टूल्स ठीक है पैराफेनेलिया जैसे एस्ट्रोलॉजी के पैराफेनेलिया होते हैं ना कई सारे चीजें होती हैं वैसे ही इन दिस सेंटेंस ऑल मैं फिशिंग इन द कार फिशिंग का जो भी टूल्स हैं जो भी एसेसरीज हैं वो कार में है तो एसेसरीज होगा फ्यूल फूड एंड बॉक्सेस इज नॉट द राइट आंसर ओके 19 क्वेश्चन द पब्लिक वॉच इन एस्ट्रॉनिशमेंट ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ लिक्विड इज नॉट गुड फॉर इनऑर्डिनेट अमाउंट जो होती है लिक्विड की इनऑर्डिनेट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्नरी मतलब बहुत एक्सेसिव बहुत हायर क्लाइमेक्स uh, uh, जिसे अपन कह सकते हैं तो मतलब राइज हायर तो नेक्स्ट वन भी भी एक्स, भी भी uh, आपके आगे हैं ये डायरेक्शंस uh, हैं और ये पी आर एस के रिलेटेड क्वेश्चन है एंड नाउ ठीक है इसके बाद माई क्ली माई फ्रेंड नाउ आपके साथ अभी शेयर करेंगे आगे के क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको सोल्यूशन कराएंगे ओके okay? विश्वास सर आपके सामने अभी आने वाले थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे ओके थैंक यू निशान सर तो कंटिन्यू करते आपके आगे की क्वेश्चन तो ये एक कॉमन पी क्यू आर एस सेंटेंस है तो इस सेंटेंस की सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है तो कैसे किया जाता है वो पहले समझ लेते हैं कि पी क्यू आर एस किया कैसे जाता है तो सबसे पहले आप ऑप्शंस में आ जाओ और देखो कि शुरू के जो लेटर है वो कौन सी है एस आर क्यू पी यानी अगर मुझे पहला सेंटेंस पता चल जाए कि शुरुआत वाक्य किससे करे तो ऑटोमेटिकली सिक्वेंशियली वही राइट right आंसर होना चाहिए तो लेट्स सी तो यहाँ पे देखो अगर मैं एस के अनुसार चलो, तो आई मेक एटलीस्ट थ्री ड्राफ्ट ऑफ अ सॉन्ग जो शुरू करने के लिए बहुत ही आइडियल सेंटेंस है बिकॉज से शुरू नहीं कर सकते यू रिमेंबर इट बेटर शुरू किया जा सकता है वेन यू राइट समथिंग कॉमा आ जाने के कारण शुरू नहीं कर पाओगे तो क्यू और एस में से कोई एक ऑप्शन है जिसके शुरू से बाकी को आगे बढ़ाया जाएगा सो लेट्स सी हाउ इट वर्क तो पहला सेंटेंस है आई मेक एट लीस्ट थ्री ड्राफ्ट ऑफ अ सॉन्ग बिकॉज आई फील वेन यू राइट समथिंग यहां पर देखो एक मतलब एंड होता है उसके बाद एक सब्जेक्ट चाहिए यू रिमेंबर इट बेटर तो क्यों ना हम इससे शुरू करें और कॉमा के बाद जो नया सब्जेक्ट चाहिए वो इसको यूज करें दैट मींस इट विल स्टार्ट विद एस फॉलोड बाय पी फॉलोड बाय आर फॉलोड बाय क्यू तो करेक्ट आंसर इज एस पी आर क्यू एस पी आर क्यू करेक्ट आंसर इज वन सो ट्वेंटी वन का उत्तर है वन क्वेश्चन ट्वेंटी टू तो इसमें भी वही है ऑप्शंस में जाओ देखो पी क्यू आर एन एस जिससे शुरुआत है वही बेटर ऑप्शन है तो लेट्स सी देखो आप हॉस्टेज से शुरू किया जा सकता है डिमांडेड से नहीं किया जा सकता है फोर आवर्स से नहीं किया जा सकता है और गनमैन हु से किया जा सकता है तो ये दोनों ऑप्शन है तो लेट्स स्टार्ट विथ क्यू फर्स्ट अ गनमैन हुआ किसको हेल्ड हुम तो दिमाग में आया एक हॉस्टेज को ओके हुड अस्टेज तो उसने क्या किया उस गनमैन ने उन्हें डिमांड किया डिमेंडेड रैंसम ऑफ टेन लैक्स फॉर आवर्स इन द शॉप तो अच्छा सॉरी तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं अ गनमैन गैन गनमैन हुस्टेज हॉस्टेज को कितने समय तक रखा फॉर आवर्स इन द शॉप डिमांडेड रैनसम ऑफ टेन लैक्स तो यह भी हो सकता है इट्स बेटर ऑप्शन सो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्यू आर पी एंड एस तो क्यू आर पी एंड एस द करेक्ट आंसर इज थ्री तो यह आपका सेकेंड ट्वेंटी सेकेंड सवाल की उत्तर है द आंसर इज थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस सीक्वेंस को देखें तो उसी तरह से यूक्रेन हैज अर्ज इट्स सिटीजन यूक्रेन हैज अर्ज इट्स सिटीजन कौन से सिटीजन जो रहते हैं रशिया में लिविंग इन रशिया टू लीव द कंट्री इमीडिएटली तो आपको याद ही होगा कि रशिया यूक्रेन का वॉर है तो उसमें यूक्रेन में रहने वाले जेलेंस्की जो है बेसिकली उन्होंने ये अर्ज किया था कि यूक्रेन में रहने वाले रशिया में रहने वाले जो यूक्रेनियंस है तो उन्हें जल्द से जल्द रशिया छोड़कर आना चाहिए तो दैट इज़ द रीज़न द करेक्ट आंसर इज यूक्रेन रशिया टू लीव कंट्री इमीडिएटली तो इस हिसाब से आपके करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आर पी एस एंड क्यू आर एस एंड क्यू करेक्ट आंसर इज टू नेक्स्ट ट्वेंटी फोर तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि रिपिंग रूपस ऑफ ये शुरू नहीं किया जा सकता फ्लडिंग एंड फूड शॉर्टेजेस इन द रिजन यह भी कंटिन्यूएशन है बेसिकली इट्स कैनॉट बी ए स्टार्टिंग सेंटेंस हा इससे जरूर कर सकते हैं क्योंकि अगर हम इसे सब्जेक्ट माने और इसे वर्ब माने तो इसके साथ फ्रेजल वर्ब क्रश्ड इनटू फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हो सकता है और ये सब्जेक्ट बनने के लिए सक्षम होता है तो इस तरह से वी कैन स्टार्ट विद आर आर कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद तो देखो आर से दो ऑप्शन है उसके बाद पी बेटर बैठ गया तो वही करेक्ट है और क्यू बेटर बैठ गया तो वही करेक्ट है तो देखते हैं साइक्लोन एमटी क्रैश इन टू द साउथ ईस्टर्न कोस्ट यानी आर के बाद क्यू तो करेक्ट आंसर तो थ्री होना चाहिए फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सेंटेंस तो करेक्ट है ना साइक्लोन एमिटी क्रैश इन टू द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडागैसकर इन दर्ली आवर्स कॉमा है इसके बाद सब्जेक्टिव रूप चाहिए अर्ली आवर्स रिपिंग रूपस

इज प्रोटेक्टेड लाइफ इज इससे भी किया जा सकता है आर से नहीं किया जा सकता एस से नहीं किया जा सकता है तो देखते हैं ऑप्शंस क्यू और पी में से कौन सा ऑप्शन है तो क्यू है लेकिन पी है तो ये दोनों तो हो नहीं सकते इनको हटा देते हैं तो पहले क्यू से कर लेते हैं क्योंकि वी नीड टू यूटिलाइज अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस तो इससे किया जा सकता है तो देख लेते हैं वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस ऑफ वॉटर फॉर डिफरेंट पर्पल्ड वाइल्ड के बाद वर्ब के साथ आई एनजी जोड़ा जाता है इंश्योरिंग दैट इट्स नेचुरल इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेटिक लाइव थ्राइव तो करेक्ट आंसर इज थ्री तो होंगे क्यू आर एस एंड पी दाइट आंसर ऑफ ट्वेंटी फाइव तो चलते अगले सवाल नेक्स्ट ऑप्शन इज इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं पी क्यू आर एन एस तो इससे शुरुआत सबसे बेटर ऑप्शन है क्यू से तो क्यू का दो ऑप्शन है आर का एस एस का तो क्यू का दो ऑप्शन है चांसेस होता है सबसे ज्यादा जिनमें दो ऑप्शंस होते हैं उनसे शुरुआत करना बेटर होता है वैसे भी इससे बेटर सब्जेक्ट और हो नहीं सकते एक सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए पुअर विजिबिलिटी ओके ये पुअर विजिबिलिटी किस वजह से है due to fog, any yani Q ke baad S, hai, made the movement of the traffic very difficult, shandar sentence. The correct answer is Q, S, R and P, correct answer is 4, to ye question number 26. Let us go for the next one 27. To isme dekho, life is a solo is a very good sentence to start with very good structure to start a sentence with or isse aap nahi kar sakte isse nahi kar sakte isse nahi kar sakte so i think this is the only option to go for our say. life is a solo what flight or and each person makes his or her own journey वट आर नाइस सेंटेंस टू से वेरी गुड एब्सोलुटली करेक्ट तो सेंटेंस होंगे आर पी एस एंड क्यू आर पी एस एंड क्यू करेक्ट आंसर इज थ्री सो ये होंगे आपके सही आंसर सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन ट्वेंटी नाइन इसकी शुरुआत हम इस तरह से कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हो सकता है एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकता है यानी एस और क्यू एस का ऑप्शन इसमें है इसमें R, R से नहीं हो सकता शुरुआत P से नहीं हो सकता शुरुआत तो क्यू से टेक्नोलॉजीज एंड इक्विपमेंट हैज एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट आर इन लेटेस्ट के बाद इन आ रहा है तो यह ऑप्शन नहीं हो सकता तो आई गो वि That means adoption of the latest technologies and equipment has made it evolve into a new, uh, into a rare center of excellence. The correct answer is S, Q, P, and R. The correct answer is 3. Absolutely right. So let's go for the 30th question. ko ki. हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं ना अगर आप इफ यू हैव वेरी गुड स्ट्रक्चर टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद तो टू से कर नहीं पाओगे प्लीज मार्क द सेम ये भी आप आपके सेंटेंस की शुरुआत नहीं दे सकते बी से कर नहीं पाओगे द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज आर टू स्टार्ट अ सेंटेंस स्ट्रक्चर विद तो इस हिसाब से आर का ऑप्शन देखो दो है जिसमें आर है आर के बाद पी आर के बाद क्यू जो बेटर बैठेगा वही करेक्ट आंसर So, if you have any complaint to be made in response to this notice, please mark the same to the concerned authority. The correct answer will be R, Q, P, and S. R, Q, P, and S. Correct answer is 4. So, this is the right option to go for. Next question. थर्टी वन ओके तो ये है आपके ऑपोजिट मीनिंग तो ऑपोजिट मीनिंग की बात करते हुए ये करना है एंड योर वर्ड इज फोरी फाइव तो कभी कभार ये डिफिकल्ट होता है समझना बट इफ यू गो थ्रू द सेंटेंस स्ट्रक्चर समटाइम्स इट गिव सम ऑफ क्लू टू यू के इसका मीनिंग क्या होता है और उसी क्लू से वी कैन एटलीस्ट फाइंड आउट द सिनोनिमल सेंस एंड द एंटोनिमल सेंस ऑफ एनी वर्ड तो देखते हैं द पेरेंटल सपोर्ट यानी पेरेंट्स की सपोर्ट कैन फोर्टिफाई अ चाइल्ड लर्निंग तो ऑटोमेटिकली पेरेंट अगर सपोर्ट करे बच्चे की शिक्षा को लेकर तो उसमें बढ़ावा होगा इंक्रीज एनहैंस बढ़ेगा क्वालिटी तो इसको देता देते हुए आपका ये सोच लो कि ये ऊपर वाला सेंस ले रहा है और आपको चाहिए ऑपोजिट तो नीचे वाला सेंस लाना है तो ऑटोमेटिकली पेरेंटल सपोर्ट कैन एनकरेज कर सकता है एनकरेज करते हैं कैन ब्रेस वो भी गले लगा लिया तो एम्ब्रेस करने का मतलब गले लगाना तो ब्रेस का मतलब समथिंग विच इज गिविंग अ हाइट ऊंचाई का मतलब देते हुए स्ट्रेंथन sense The opposite best word to go for is weaken. So the correct answer of 31 is 1. The parental support can 45 a child's learning. Let's go for the next question. Now we can have another dazzling thought as an outcome of my brilliant research. So another

मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है तो बढ़िया प्लान बताते हुए जो वर्ड आपने यूज किया वो डैज़लिंग है एंड डैज़लिंग एक्चुअली मींस ब्राइट लाइट तो इसीलिए ब्राइटनेस को मुझे फीका करना है एकदम मतलब डल मतलब जिसमें कोई दम नहीं है इस सेंस को लाना है सो स्प्लेंडिड कैन नॉट डू दैट स्प्लेंडिड का मतलब बेहतरीन सॉर्ट ऑफ प्लेरस स्प्लेंडिड शॉट टू द कवर्स तो ये जो स्प्लेंडिड शॉट का मतलब होता है कवर्स के बीच में से एक बेहतरीन शॉट लगा दे तो बेहतरीन के close हो गया ब्राइटनेस को उजागर कर दिया तो ये dull, weakened, ये जो फीकापन ये सारी चीज मर्की कैन गिव दैट सेंस डेजिंग वही है कि फटे की फटे रह जाने यार ये क्या देख लिया तो ऐसे कब होता है जब आपके सामने कुछ ऐसा चीज प्रकट हो जाए जो आपके आंखों को रोशन करे तो ऐसे चीज रोशनी के रिलेटेड हो गया सिनोनिमल वर्ड उसी तरह फॉल्जेंट भी हो गया भी ऑलवेज गिविंग अ ग्रोथ टू सम काइंड ऑफ ब्राइट थिंग तो ये तीनों हो गए आपके तो करेक्ट आंसर होंगे मकी मकी इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिंग तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट नेक्स सवाल थर्टी थ्री

तो सोचो कि गांव कंट्री साइड मतलब होता है गांव के क्षेत्र उस साइड में अगर आप चलोगे सर्दियों के मौसम में तो आपको ब्लीक एकदम ऐसा लगेगा कि सारे फीका है को कुछ जमीन सारे सूखे हुए जमीन बंजर जमीन जैसे दिखते हैं ना कोई उपजाऊपन दिखाई देता है ना कुछ क्यों क्योंकि सर्दियों के मौसम में उतना ग्रोथ नहीं दिखाई देता किसी भी कंट्री साइड में तो इसी के हिसाब से ब्लीक हो गया आपकी जिसमें कोई कलरलेस कह सकते हो ब्लीक, एकदम फीका कलरलेस जमीन ऐसे लग रहा है जैसे बंजर जैसे तो मुझे इसके ऑपोजिट में लाना है हरियाली चारों और फैले हुए ग्रीनरी जैसे हम कह सकते हैं तो ये सेंस कौन ला सकता है तो चलते हैं इसमें चेयरलेस तो चेयरलेस चेयरफुल तो होता तो फिर भी मान मान लेता यार चेयरफुल मूड में हो चेयरलेस का मतलब वही फीकापन ब्लीक का सिनोनिम हो गया उसी तरह डेजोलेट हो गया यानी बहुत दुखी हो गया उदास तो इसमें भी फीकापन दिखाई दे रहा है बेर का मतलब होता है कोई नहीं है अकेला हूं खाली हूं तो इसमें भी फीकापन दिखाई दे रहा है तो एक से वर्डेंट है जिसका मतलब होता है हरियाली ग्रीन कलरफुल तो इस सेंस को लाने के लिए द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इज नंबर टू वर्डेंट तो ये है आपका उत्तर ऑफ थर्टी फोर तो लेट्स गो फॉर नंबर थर्टी फाइव अमित कोमोशन द लीडर सपोर्टर्स रिमेन फैसिव एंड हिज सपोर्टर्स रिमेन फैसिव तो यहां पे आपको कोमोशन का मतलब देना है तो कोमोशन का मतलब होता है टकराव तो टकराव का सेंस लाने के लिए आपको कोमोशन में क्या मिल जब दो दो व्यक्ति टक एक दूसरे से टकरा जाए और झगड़ने लग जाए तो उनके बीच में क्या आएंगे तो आएंगे शोर शराबा यार

ये सारे चीजों को करने के लिए आपको साहस नहीं दुस्साहस चाहिए तो इस दुस्साहस का इंग्लिश होता है ओडेसिटी तो दुस्साहस का सिनोनिमल सेंस देखा जाए तो बोल्डनेस में भी वही मिलता है दुस्साहस बहुत ही ज्यादा बोल्ड है वीगर में टेमेरिटी में सभी में उत्तेजित होकर दुस्साहस दिखाने की सारे सेंस मौजूद है तो ये तीनों इसका सिनोनिम है इसका मतलब है बेस्ट ऑप्शन एकदम विनम्रता से बात करना तो वो पोलाइटनेस हो गया तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर थर्टी द प्लान एंड अबैटमेंट द विद विदिन दिस स्पेसिफाइड टाइम अबैटमेंट अबैटमेंट का मतलब होता है गिरावट इस वर्ड का मतलब गिरावट किसमें शोर शराबे में गिरावट यानी स्थित हो जाना तो किसी चीज को जब उत्तेजित हो गया और हमने कहा अरे ये बहुत गुस्सा हो गया इसको थोड़ा शांत कर तो शांत करते ही वो शांत होते ही क्या हो गया गुस्सा ठंड हो गया यानी गिरावट आया। तो ये गिरावट का सेंस लगा, लगाने के लिए बैटमेंट इज द बेस्ट वर्ड टू गो फॉर तो इस हिसाब से गिरावट किस किस में से आती है सबसाइड करने से आता है किसी चीज को हो गया गर्म हो गया ठंडा कर दिया तो सबसाइड कर दिया पानी अः सर के ऊपर चला गया अब पानी धीरे 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 कम होने लग गया सबसाइड करने लग गया तो सबसाइड इज वही स्थित हो जाना यानी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और मुझे तो अप चाहिए क्योंकि अबैटमेंट के ऑपोजिट चाहिए तो ऑटोमेटिकली क्या है कि स्थित मिटिगेशन में भी हम लोग यही करते हैं कि दोनों व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुआ तो दोनों को शांत करके एक सुलह कर दिया तो मिटिगेट कर दिया सुलह करना स्थित कर देना तो ये भी डाउन का सेंस ले रहा है एक सिर्फ एक्यूमुलेशन है जिसे ढेर बनाना होता है तो अगर कोई स्थित किया तो कोई ढेर बनाया तो ढेर बनाने का सेंस कैन बी अ गुड ऑपोजिट मीनिंग ऑफ बैटमेंट करेक्ट आंसर इज थ्री डेलपमेंट ऑफ दिसर्च इन द रिस दशक है कुछ दशक आने वाले कुछ दशकों की बात करते हुए तो इसमें देखो हमें चया चाहिए एक्सपोनशियल का ऑपोजिट तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है काफी मात्रा में विकास तो ये सेंस का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल का अगर मैं मानूं तो ये ऊपर की मात्रा दे रहा है यानी ऊपर की ओर हाई तो हमें चाहिए इसका ऑपोजिट यानी लो तो सबसे पहले आता है एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब होता है किसी के ऊपर हावी हो जाना तो हावी होते ही हम उसके ऊपर गुस्सा दिखाने लगते हैं तो ये ऊपर की सेंस लेता है उसी तरह से किसी के ऊपर हाबी uh, हो जाने का मतलब अगर भागते हुए किसी के पीछे भागते हुए हाबी हो जाए तो वो ऊपर का सेंस लेता है। है जब हम augmented हो जाता है, वहां भी हमने ऊपर का सेंस लिया ऑगमेंटेड हम किसी चीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं तो वो ऑगमेंटेशन का सेंस लेगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर का सेंस हो गया एक सिर्फ कमी का सेंस देने के लिए द बेस्ट वर्ड टू गो फॉर इीग तो करेक्ट आंसर होंगे आपके सी तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर ही फॉर यानी दिमाग चतुराई उसको जाना ही जाता है कि बहुत चतुर इंसान है तो ही इज़ ही नोन उसे पहचाना जाता था उस किस वजह से उसकी चतुराई की वजह से तो चतुराई वाला सेंस लाना है तो देखो विजडम में वाइज वाइज होता है जिसमें चतुराई होता है और इसका सिनोनिमल प्रूडेंस होता है जिसमें चतुराई होता है क्लेवरनेस क्लेवरनेस हो गया उसी तरह में भी चतुराई हो गया क्लेवरनेस तो ऑटोमेटिकली जो व्यक्ति गौर करे किसी चीज को करते हुए तो वही उसको ध्यान से करे ताकि कोई गलती ना हो यही दिमाग का काम है और उल्टा ऑपोजिट क्या होगा जिसका कोई परवाह नहीं होता यार क्या चले 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 ना हो ना हो इग्नोरेंस कैन बी दिन टू गो फॉर सीटी इन देंगोल तो रिवर गैंज क्या शुरू बे ऑफ बेंगाल से होता है या हिमालय से होता है तो हिमालय से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए, हुए आखिर में जाके कहा पहुंचते हैं को ऑफ बंगाल में तो रिवर गेंजेस की हाईएस्ट पॉइंट तो एकदम अंतिम स्तर होता है ऑफ बंगाल तो कल मिनट का होता है हाईएस्ट जिसे हम क्लाइमैक्स का मतलब भी दे सकते हैं क्लाइमैक्स किसी मूवी का क्लाइमैक्स देखने का मतलब होता है मूवी खत्म ही होने वाला है तो चरम स्थिति जिसे चरम कहते हैं तो वो सेंस आ गया तो चरम का एक शुरुआत होता है तो ऑपोजिट शुरुआत तो वो शुरुआत कौन दे सकता है तो देखो एक ओरिजिनेट के अलावा कोई वर्ड नहीं है जो शुरुआत का सेंस देने के लिए सक्षम है कंक्लूड्स निष्कर्ष हो गया तो निष्कर्ष भी आखिर में आता है बहाव आ गया तो वो भी हाई ऑल्ट हाई को ले लिया यानी ऊंचाई को और मर्ज करने का मतलब ही हो गया दोनों को मिला देना म, मिलते ही उसमें बहाव आते हैं तो ये सारी चीज ऊपर का सेंस मतलब ये कभी ओरिजिन शुरू का सेंस देने के लिए सक्षम नहीं है तो एक सिर्फ शुरू का शब्द देने का सेंस देने के लिए सक्षम है ओरिजिनेट्स तो दिस कैन बी द आइडियल ऑपोजिट वर्ड ऑफ कल्मिनेट्स तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 40 तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल तो इसमें क्या करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग बताना है तो लायंस शेयर का मतलब होता है ज्यादातर हिस्सा तो आई हैव गॉट द लाइंस शेयर ऑफ माई प्रॉपर्टी तो हो सकता है आपके भाई है साथ में दोनों को प्रॉपर्टी पापा ने बांट दिया है लेकिन एक को ज्यादा मिला है और एक को कम तो जिनको ज्यादा मिला है उनको कितना मिला है लायंस शेयर मिला है तो लायंस शेयर का मतलब होता है द मेजर शेयर यानी ज्यादातर हिस्सा तो इस सेंस को देते हुए कौन सा ऑप्शन दे सकते हैं अ पोर्शन ऑफ समथिंग नहीं एन इम्पोर्टेंट डिसीशन नहीं

लुढ़कते हुए कहां, कहां पहुंच जाएगा यानी कोई भी चीज छुपे हुए नहीं रहेंगे स्पिल द बिन्स का मतलब होता है सीक्रेट को खुलासा कर देना तो स्पिल्स स्पिल कि राज का खुलासा होना उसे हम स्पिल द बिन्स कहते हैं तो कौन सा है वो सैन जो राज का खुलासा का सेंस दे रहा है तो देख लो इसमें से और कुछ नहीं है सिवाय नंबर वन रिवील अ सीक्रेट रिवील का मतलब खुलासा करना और सीक्रेट का मतलब राज करेक्ट आंसर इज फोर्टी का थ्री मतलब किसी और की गूज को इसका मतलब क्या है कि गूज उसका है पका रहे हो आप इसका मतलब उसके बने बनाए काम को आप बिगाड़ रहे हो तो इस तरह का सेंस देते हुए यूज किया जाता है कुल टू स्पॉल इज द राइट वर्ड टू गो फॉर एंड एयर वैसे थिन है तो उसमें गायब हो गया अगर डेंस होता एयर यानी क्या कहते हैं उसको डेंस एयर में हम लोग गायब हो जाए तो फिर भी मान लेते हैं कि चलो एयर बहुत डेंस है दिखाई नहीं दिया कैसे वो कहा गायब हो गया अब कह रहे एयर है उसमें भी वो अचानक कहा गायब हो गया इट एज डिजापियर इन टू अयर तो थिन एयर का सेंस देने के लिए द राइट ऑप्शन टू गो फॉर एस फोर्टी फोर का नंबर फोर नेक्स्ट फोर्टी फाइव पुट द्रूज ऑन Put the screws on. तो सोचते हैं कि स्क्रू क्या है हम लोग किसी को स्क्रू करते हैं तो क्या करते हैं हम उसके पीछे उंगली करते हैं तो इस उंगली करने से क्या होता है वो मजबूर हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए जो वो चाहता नहीं है तो ऐसी चीज को हम जबरदस्ती मजबूरी में किसी चीज को किसी चीज को किसी से करवाना तो उसी को हम यूज करते हैं पुट द स्क्रूज ऑन तो देखते हैं में आया है ये सेंस तो एक है फोर्सिंग सम वन टू डू वॉट यू वॉन्ट हिम टू डू कि आप चाहते हो कि वो ऐसा करे और उसी को करने के लिए उसे मजबूर किया जाए सो दैट वी कॉल इट एज पुट द्रूज ऑन द करेक्ट आंसर इज नंबर वन फोर्टी फाइव लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सिक्स सेट ऑन फेंस फेंस का मतलब होता है मान लो कि ये दीवार है उसके ऊपर फेंस लगी हुई है और फेंस में कोई व्यक्ति बैठा है तो फेंस में जो व्यक्ति बैठता है तो ना वो इधर का है ना वो उधर का है इस साइड का भी नहीं ले सकते उसमें ना भाई मैं बीच में हूं मैं तो किसी का पक्ष नहीं लूंगा तो निरपक्ष रहना मुझे किसी का पक्ष नहीं लेना है तो ये सेंस लाना है सेट ऑन द फेंस से तो देखते हैं अवॉइड मीटिंग समवन किसी से मीट करने से अवॉइड करना नहीं वेरी गुड ऑप्शन वेटिंग पेशेंटली का कोई लेना देना नहीं है हाइडिंग फ्रॉम समवन से कोई लेना देना नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन विल बी नंबर टेकिंग किसी का पक्ष लेने से परहेज करना कि मैं भाई ले नहीं सकता दैट इज वॉट द करेक्ट आंसर इज आंसर इज फोर्टी सिक्स का नंबर थ्री फोर्टी सेवन बी एज शॉप एज अ टैक इतना शॉर्प है जैसे टैक है तो इसका मतलब है एकदम वही व्यक्ति सब कुछ जगह पे एक एक पॉइंट पे सही चीज को कर सकता है जिनके दिमाग एकदम तेज है तो ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे टॉकेटिव पर्सन बिल्कुल नहीं होंगे वेटिंग पेशेंटली कोई लेना देना नहीं है अवॉइड टेकिंग साइड नहीं है एक चतुर व्यक्ति ही सोच समझकर सही समय पर सही काम कर सकता है टू बी शार्प बी एज शार्प एज अ बताते हुए उतना ही शार्प है जितना कि एक टैक होता है तो ये मतलब होता है जो समय पे जानता है कौन सा काम किस टाइम पे कैसे किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति केवल चतुर व्यक्ति हो सकता है क्लेबर पर्सन तो करेक्ट आंसर ऑफ फोर्टी सेवन इज नंबर फोर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट पिलर से लेके पोस्ट तक ये बताते हुए एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक यानी सर्वत्र का सेंस देने के लिए यूज किया जा सकता है तो देखो अपसाइड डाउन मतलब जिसे हम जै, जैसे हम कभी योगा वगैरह करते हैं तो हम अपने पैर को ऊपर कर लेते हैं सर को नीचे तो उसे कहते हैं अपसाइड डाउन ऊपर का चीज नीचे कर लिया तो अपसाइड डाउन इससे कोई लेना देना नहीं है कंस्ट्रक्टिंग अज बिल्डिंग इससे भी कोई लेना देना नहीं है कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दर एक जगह से दूसरे जगह यानी हर कोने पर हर कोने कोने में तो ये बताते हुए सर्वत्र का सेंस दिया जा सकता है और जंपिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन से कोई लेना देना नहीं है तो करेक्ट आंसर है 48 इज नंबर टू सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन 49 हेथ रॉबिन्सन ये बेसिकली एक व्यक्ति के नाम पर है हु इज बेसिकली अ इंजीनियर कम साइंटिस्ट कह सकते हो इनकी खासियत ये है कि इन्होंने ऐसे बड़े-बड़े मशीन बनाया मामूली छोटे-छोटे कामों को जल्दी करवाने जल्दी करने के लिए तो ऐसे व्यक्ति को यूज किया और इसी के नाम पर ये इडियोमेटिक सेंस है तो जिसका उत्तर होना चाहिए अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क तो इसी के लिए यूज किया गया है एंड यू कैन गो अलोंग विथ नंबर वन फोर्टी का एंड द लास्ट वन टू गो फॉर नंबर फिफ्टी एज थिक एज थिब्स तो इतना ही है कि सारे इतने लोग एक साथ जमे हुए जैसे चोर एक दूसरे से मिलते हैं और चोर एक दूसरे मतलब वेरी क्लोज है कहां चोरी किया बताया कहाँ क्या हो रहा है ध्यान से बता दिया ताकि अगले को परेशानी ना हो और आसानी से काम कर सके ये कौन करता है जब एक दूसरे के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता हो तो एस्थिक एस्थिप बताते हुए एक क्लोज इंटरक्शन क्लोज रिलेशन वाला सेंस लाना है पर्सन बुद्धू व्यक्ति कोई लेना देना नहीं है गुड फॉर नथिंग से कोई लेना देना नहीं है समवन हु यूज यूज फॉर पर्सनल गेन कोई सभी का को करते हैं खुद की फायदे के लिए यह भी नहीं है तो अ वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन तो ये बहुत ही करीब मित्र है जो एक दूसरे पर क्या करते हैं शक क्योंकि चोर है चोर अगले को भी चोरी मानते हैं तो यह सोच के चलिएगा कि अगर कुछ हुआ तो

पेपर हुआ है उसके फिजिक्स क्वेश्चंस की देखिए जो एनडीए का पेपर हुआ उसमें जो 25 क्वेश्चंस फिजिक्स पोर्शन के थे उस 25 क्वेश्चंस में से 60 परसेंट वेटेज क्लास इलेवंथ का था मतलब हम कहें कि इन 25 क्वेश्चंस में से 15-16 क्वेश्चंस अकेले इलेवंथ से थे और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हम कहें फोर्टी परसेंट वेटेज क्लास ट्वेल्थ का था पेपर हम यू नहीं कह सकते कि काफी इजी था ना यू कह सकते कि हम काफी टफ था पेपर मोडरेट था तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन क्वेश्चंस को देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि दो आइडेंटिकल एक जैसे स्प्रिंग बैलेंस है एस वन और एस टू दोनों कनेक्टेड है एस वन की रीडिंग है डब्ल्यू वन एस टू की रीडिंग है डब्ल्यू टू और एस टू से हमने कनेक्ट कर रखा है दस केजी के जी के सबसे पहले चीज मैं आपको बता दूं कि जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वो मास को पड़ेगा किसकी रीडिंग पड़ेगा मास द्रव्यमान को ठीक है हम निकालते हैं देखिए कैसे हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। एस वन फिर कौन कनेक्टेड है S2 और इसके नीचे कौन कनेक्टेड है 10 के क्लियर चलिए हम टेंशन दिखाएं यहां पर सबसे पहले देखिए एमजी कहां लगेगा नीचे और एमजी कितना होगा बेटा 10 इंटू टेन 10. मतलब 100 ऊपर आएगा टेंशन टी क्लियर यहां हमने टेंशन दिखा दिया टी डेस क्लियर और यहां हमने टेंशन दिखा दिया टी डबल डे क्लियर चलिए इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए एफबीडी सबसे पहले 10 के जी का एफबीडी बनाइया ये 10 के जी नीचे क्या लग रहा है एम जी एमजी कितना है ऊपर क्या लग रहा है टेंशन टी इसका मतलब टी किससे बैलेंस हुआ एमजी से तो टी बराबर आया आपके पास में एमजी मतलब हंड्रेड ये क्लियर चलिए इसके बाद में हम एस टू की अब बनाएं एस टू एस टू के ऊपर क्या लग रहा है बेटा टी डैश और नीचे क्या है टी तो टी किससे बैलेंस हुआ टी बराबर टी डेस और बेटा टी कितना कैलकुलेट हुआ था हंड्रेड ये एस टू की नेक्स्ट एस वन की एफबीडी ऊपर क्या है टी डबल डेस और नीचे क्या है टी डेस तो टी डे इज इक्वल टू टी डबल डेस और टी डेस टी डबल डेस दोनों इक्वल टी डेस कितना है था हंड्रेड इसका मतलब हुआ कि टी टी बराबर टी डेस बराबर टी डबल डेस इज इक्व टू हंड्रेड यही रिलेशन मिला मुझे तो यह मेरा हंड्रेड न्यूटन रीड कर रहे हैं अब बेटा मास कितना होगा मास इज इक्व टू फोर्स कितना है हंड्रेड नेक्स्ट हंड्रेड अपॉन जी जी कितना होगा टेन है ना अरे कैंसल आउट तो एम इज इक्व टू टेन के सी तो टी टी डेस टी डबल डेस तीनों बराबर है तो एस वन और एस टू की जो दोनों की रीडिंग होगी वो कितनी होगी बेटा टेन के सी टेन के सी क्लियर हुआ सबको चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ए स्टोन इज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड क्या बोल रहा है अगला कि क्वेश्चन को समझिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड से कितनी हाइट पर बीस मीटर की हाइट पर एक बंदा खड़ा होकर यहां से खड़ा होकर एक बोल को फेंकना बोल ऐसे आके गिरेगी तो कितनी वेलोसिटी से उसने उसको फेंका इनिशियल वेलोसिटी है उसकी 12 मीटर पर सेकेंड ऐसा है अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि Z की वैल्यू आप 10 लीजिए तो यहां से फेंका और यहां आकर गिरी द डिस्टेंस कवर्ड बाई दोल या जिसको भी फेंका है उसको आप क्या कहोगे रेंज कहोगे तो बेटा रेंज का फॉर्मूला होगा आपके पास में प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन है तो रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट टू एच बाई जी दूसरा तरीका आप यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल सकते हैं बेसिकली ये पता कौन है देखो रेंज कौन होती है डिस्टेंस होती है और डिस्टेंस इज इक्व टू क्या होता है स्पीड इन टाइम तो स्पीड यू इन टाइम तो ये रूट टू एच अपॉन जी कौन है टाइम है तो टाइम कौन सा है यहां से यहां तक का टाइम निकाल निकालना जितना टाइम यहां से यहां तक लेगी उतना ही टाइम यहां से यहां तक का होगा तो ये टाइम आ गया तो आर इज या तो आप डायरेक्ट याद रख लो लो या ऐसे कर ये कितना है 12 2. H कितना है ट्वेंटी और जी कितना है टेन ये कैंसिल आउट हुआ टू टाइम्स तो अंदर क्या हुआ रूट टू इंटू रूट टू इंटू टू रूट फोर हुआ रूट फोर कितना हुआ बेटा टू हुआ तो इंटू टू इज इक्वस टू ट्वेंटी फोर मीटर क्लियर तो रेंज कितनी मिल गई आपको 24 मीटर तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है थर्ड ऑप्शन मेरा सही होगा क्लियर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है कि स्पेयर ऑफ वॉल्यूम इज ए स्पेयर ऑफ वॉल्यूम

जिस चीज को आप डुबा रहे हो जिस बॉडी को जिस वस्तु को आप डुबा रहे हैं जिस वस्तु को आप रख रहे हैं उसका अगर घनत्व ध्रुव लिक्विड के डेंसिटी से कम होगा तभी वो तैर पाएगी ठीक है सर वाइल ऑन अर्थ इट फ्लोट ऑन वॉटर इट्स वॉल्यूम एफ एन वी सबर्स्ड ये कौन है फ्रिक्शन है ये वो भाग है देखिए मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं जल के घनत्व से कम घनत्व वाले किसी पदार्थ से वी आयतन का एक गोला बनाया जाता है पृथ्वी पर यह गोला जल में तैरता है तो इसका एफ एन वी आयतन जल में डूबा हुआ है एफ एन वी का मतलब क्या समझे देखिए मान लीजिए इसमें पानी भरा हुआ ठीक है, है सर इसमें यह गोला डूबा हुआ है तो यह जितना भाग इसका डूबा हुआ है ना ये वाला ये है भाई पूरे का वॉल्यूम कितना है V है। इस पूरे गोले का आयतन वॉल्यूम कितना है V है इसका कुछ भाग डूबा हुआ है तो यह है ये एफ वी क्लियर अब मुझसे अगला कह रहा है कि ऑन ए स्पेसिप एक्सेलरेटिंग विथ एक्सेन ए लेस देन जी इन आउटर स्पेस इट इट्स वॉल्यूम इन वॉटर इज एफ टू वी अगला कह रहा है कि आप एक स्पेस शिप है जो से चक्कर मार रही है और वो उस स्पेस सिम में इसको रखा गया है तो इसका जो डूबा हुआ भाग है एक्सेलेटिंग में डूबा हुआ है वो कितना है एफ टू भी है कितना है एफ टू भी है तो एक बात बताऊ मैं आपको देखिए थ्रस्ट आप पढ़ते हैं कैसे इधर सुनिए है। लिक्विड है इसमें गोला डूबा हुआ है तो इस पर क्या लगेगा आप थ्रस्ट लगेगा कौन होता है वी 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 रो रो जी जी कौन होता है सॉलिड का वॉल्यूम जो डूबा है सॉलिड का वो वॉल्यूम जो डूबा हुआ है रो डेंसिटी जी एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप इसको स्पेस शिप में रखोगे ये तो कौन से कंडीशन है अर्थ की कंडीशन है ठीक है अगर आप इसको शिप में रखते हैं तो इसका जी चेंज होगा तो जी दोनों जगह चेंज हो जाएगा जितना जी यहां पर होगा उतना ही जी इसका बदल जाएगा इसलिए दोनों का जो पोर्शन है वो क्या रहेगा सेम रहेगा जितना फ्रेक्शन जितना भाग पृथ्वी पर इसका डूबा हुआ था गोले का भाई जी दोनों के लिए बदलेगा जी दोनों के लिए बदलेगा तो अथ्रिस क्या रहेगा सेम रहेगा तो जितना भाग पृथ्वी पर डूबा हुआ था उतना ही किसमें डूबा हुआ रहेगा स्पेस शिप में डूबा रहेगा तो आंसर क्या रहेगा मेरा इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन क्लियर बेटा नेक्स्ट आगे हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे देखो क्या बोला बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है और बहुत इजी क्वेश्चन है है टफ नहीं कि इस सिचुएशन में देखो यहां पर ये क्या लगा एक वॉल लगा है वॉल क्लियर अब क्या सीन है सबसे पहले केस में ये लिक्विड एच हाइट तक भरा हुआ है

हम सबसे पहले पहले किसकी बात करते हैं यह वाला है यह वाई है और यह एक्स है इस एक्स में आपका लिक्विड भरा हुआ है और यहां पर आपका एक वॉल लगा है ठीक है चलिए कितने हाइट तक एच हाइट तक भरा हुआ है कितने हाइट तक भरा हुआ है एच हाइट तक तो देखो तो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू वन और u1 कोई अगला क्या कह रहा है p1 कह रहा है कितनी होगी mg h by 2 अब आप सोचोगे कि हमने h by 2 क्यों लिया देखिए ये h हाइट का कॉलम है तो उसका सेंट्रोमास कहां पर होगा एग्जैक्ट बीच में होगा तो सेंट्रोमास कहां है यहां से कहीं हम मान लें तो सेंट्रोमास एग्जैक्ट बीच में है तो सेंट्रोमास की हाइट कितनी हुई ग्राउंड से h by 2 ही तो हुई ना ये कितनी हुई बीच में है तो एग्जैक्ट कितना हुआ h 2 हुआ तो mg h 2 आ गया नेक्स्ट दूसरी सिचुएशन क्या बनी दूसरा सीन कुछ ऐसा बना ये वाई और ये एक्स क्लियर लिक्विड हो गया आधा आधा ऐसा हो गया मतलब इसमें H बाई टू तक लिक्विड चढ़ गया और इसमें लिक्विड H से कम होकर कितना हो गया H बाई टू हो गया अब दोनों तरफ आधा-आधा चला गया मतलब यहां पर जो लिक्विड का मास है द्रव्यमान है वो यहां पर आधा रहा m/2 और m/2 तो एक बात बताओ अब सेंट्रोमास कहां पर होगा बिल्कुल इसके बीच में कहीं से यहां मान ले तो कितने हाइट पर हुआ अब सेंट्रोमास h/4 और इसका भी h/4 पर हुआ तो अब निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी u2 और u2 को अगला क्या कर रहा है p2 कर रहा है अब p2 कैसे निकालेंगे आप दिस प्लस दिस तो इसका एम कितना है एम बाई टू जी अब एच कितना है एच बाई फोर क्लियर आधा आधा हो गया ना प्लस इसका कितना एम बाई टू जी एच बाई फोर तो कितना आया पी टू कितना निकल कर आया आपके पास में एम जी एच बाई फोर एम जी एच बाई फोर तो चीज दिख रही होगी आपको पी टू P1 से क्या है आधा है यार इसको और थोड़ा सिंपल और लिखना चाहो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं P2 कितना है P2 एम जी एच बाई फोर है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं वन बाई टू ऑफ एम जी एच बाई टू ये लो तो P2 बराबर एक बटा दो एम जी बटा दो को क्या लिख सकते हैं आप पी लिख सकते हैं तो पी कितना आ गया आपके पास में टू टू तो पी वन कितना आया टू पी टू तो मेरा आंसर कौन सा होगा बेटा इसमें आंसर होगा मेरे पास में पी वन बराबर टू पी टू पी वन बराबर टू पी टू क्लियर चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर एक आ रेडियस का सर्किल है ये रहा आर का सर्किल इसमें एक पार्टिकल चल रहा है, से। एक है तो उसकी स्पीड को आप कांस्टेंट रख सकते हैं लेकिन उसकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि हर पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन बदलती जाएगी और डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी कांस्टेंट

इस पर ये रही इस पर वेलोसिटी ये रही तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती जाएगी आप सुनिए कॉन्सेप्ट को इट्स एवरेज एक्सिलेशन ओवर द टाइम व्हेन इट मूव्स हाफ द सर्कल ये कांस्टेंट स्पीड वी से चल रहा है और जब इसने आधा चक्कर पूरा किया है हाफ साइकिल कंप्लीट की है तब तो इसका एवरेज एक्सिलेशन क्या होगा देखो एक्सिलेशन आपका लिखते हैं एवरेज एक्सेलेशन एवरेज इज क्वस्ट टू डेल अपॉन डेल्टा टी ये तो लिखते हैं अब डेल बी कौन होगा वी टू माइनस वी वन अपॉन टाइम टी यो ऐसा हो गया ठीक है अब मुझे एवरेज एवरेज इज इक्वल इक्वल टू टू कितना साइकिल कंप्लीट किया इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया इसने तो देखिए मैं हाफ साइकिल बना लेता हूं यहां पर यह हाफ साइकिल रेडियस कितनी R है इसकी आर है इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी ये रही v वेक्टर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी ये रही v वेक्टर दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं जी बिल्कुल है आप चाहे जिसको पॉजिटिव मानिए चाहे जिसको नेगेटिव मानिए मैं ये फाइनल है इसको प्लस मान रहा हूं इसको मैं माइनस मान रहा हूं आप इसको प्लस मानिए इसको माइनस मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो v फाइनल v फाइनल माइनस v इनिशियल v फाइनल कितनी है v माइनस और ये क्या है ये v इनिशियल v इनिशियल भी कितनी है v लेकिन v नहीं माइनस v. माइनस v. मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं क्या देखो a एवरेज a एवरेज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको सुनना ध्यान से. मैं क्या लिख रहा हूं V फाइनल क्या है V माइनस माइनस वी अपॉन टी तो मेरे पास में कितना आया माइनस 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 प्लस हो गया ना माइनस माइनस प्लस हो गया तो मैं सीधा लिख दू इसको मैग्नीट्यूड कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो एवरेज का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास में v प्लस वी हो गया ना वो कितना आया 2v वी अपॉन आ गया अब t कौन है यार यहां से यहां तक हाफ चक्कर का जो टाइम लगा वही तो है अब t कैसे निकालो कि पूरा चक्कर लगाता पूरा चक्कर लगाता तो कितनी डिस्टेंस चलता सर टू पाई आर चलता लेकिन हाफ चक्कर लगा रहा है तो कितना चल रहा है पाई आर चल रहा है तो देखो आपने ऐसा पढ़ा है स्पीड इज इक्वल्स टू तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम इज इक्वल्स टू तो डिस्टेंस कितनी चला पाई चला और स्पीड कितनी है वी तो टाइम जगह क्या लिख सकते हैं पाईआर भाई वी तो देखो टू अपॉन अपोन पाईआर इन टू वी तो क्या बना आपके पास में टू वी स्क्वायर अपोन पाईआर टू वी स्क्वायर अपोन पाईआर तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है थर्ड ऑप्शन इज राइट टू वी स्क्वायर अपॉन पाईआर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्सेस फाइव न्यूटन ईचर एक्टिंग दोनों के बीच का एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री है इलेवेंथ में आपने ऐसा पढ़ा है कि अगर दो फोर्स किसी एंगल पर हो तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा यही फॉर्मूला है आपके पास में तो रिजल्ट भैया एफ एन एफ टू दोनों बराबर है ना अरे ये एफ एन है ये एफ टू है तो एफ एन और एफ टू दोनों इक्वल है से F. F के बराबर मान लो दोनों को तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वास टू अंडर रूट एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र टू एफ स्क्स टू एफ से टू कैंसल आउट तो आपके पास में क्या बना बेटा ये क्या बना देखो यहां पर एफ आर इज इक्वस टू यह गया एफ स्क्वायर और ये टू एफ स्क्वायर कितना बना अंडर रूट थ्री एफ स्क्वायर तो इसको आप क्या लिख सकते हैं रूट थ्री एफ ठीक है और रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन थ्री और एफ की वैल्यू फाइव न्यूटन कितना आएगा एट पॉइंट सिक्स न्यूटन तो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे पास में फर्स्ट ऑप्शन क्लियर बहुत इजी सा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेक्टेंगल एबीसीडी स्केप इन फ्रंट ऑफ ए इट्स

12th क्लास की रे ऑप्टिक्स है उसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं बस उसमें इसमें थोड़ा सा फर्क है देखो आपको एक मिरर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा है तो इमेज बनेगी सी के आगे अगर सी पर रखा है तो इमेज बनेगी सी पर और सी के आगे रखा है तो इमेज बनेगी सी के पीछे ठीक है भाई देखो ये फोकल लेंथ ये 12 मतलब यहां कौन है इसका सेंटर है तो जो सेंटर पर रखा है वो तो सेंटर पर ही बनेगा इसका मतलब ये सेंटर है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो एक तो सेंटर पर ही बन गई ए डेस डी डेस जितनी हाइट इसकी है उतनी उतनी हाइट की सेम हाइट का बनेगा सेंटर पर ये बाकी का पोर्शन का है सेंटर से पीछे तो इस बाकी के पोर्शन की जो इमेज बनेगी वो सेंटर से आगे बनेगी तो सेंटर से आगे बनेगी ऐसे छोटी बनेगी ना ये इमेज बनी है ये सी और ये और क्लियर अब मुझे क्या करना है? ये रेशो निकालना है कौन सा बी डे सी डेस दिस अपॉन दिस ये निकालना है चलिए स्टार्ट करें इसके लिए हम क्या है मिरर फॉर्मूला लगाए हम मिरर फॉर्मूला लगाए हम मिरर फॉर्मूला क्या होता है तो तो so so देखो कन्वेंशन के साथ में पुट करते हैं f और u दोनों की वैल्यूज माइनस की होगी बेटा ये कौन है सर ये तो हमारा u है u कितना मिला आपको माइनस थ्री एफ अरे ये u ही तो है कितना मिल रहा है थ्री एफ है ना यू लेकिन कैसा लूंगा माइनस का लूंगा क्योंकि पोल से ही तो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं और एफ भी कैसा नेगेटिव का यू भी कैसा वन बाई एफ माइनस वन बाई एफ माइनस और ये कितना है माइनस वन बाई थ्री एफ तो क्या बना आपके पास में वन बाई वी इज इक्व टू ये बन गया प्लस प्लस वन बाई थ्री एफ माइनस वन बाई एफ वन बाई वीवल्स टू तो एलसीएम कितना आया थ्री एफ आया यहाँ गया बना वन माइनस यहाँ पर थ्री तो ये बना आपके पास में माइनस टू बाई थ्री एफ तो बेटा v आपको मिल गया माइनस थ्री बाई टू एफ वी कितना मिल गया माइनस थ्री बाई टू एफ क्लियर v मिल गया आपको चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं तो आपको v मिला है माइनस थ्री बाई टू एफ क्या आप मैग्निफिकेशन जानते हैं जी बिल्कुल एच डेस अपॉन एच इज इक्व टू माइनस वी बाई यू तो एच डेस अपॉन एच इज इक्व टू माइनस वी कितना मिला माइनस थ्री बाई टू एफ और यू कितना था माइनस का थ्री एफ कितना था माइनस का थ्री एफ देखो माइनस ये थ्री से थ्री कैंसिल आउट एफ से एफ कैंसिल आउट माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन ये माइनस बाहर बचा तो क्या बना माइनस वन बाय तो एच डेस अपॉन एच कितना मिल रहा है माइनस वन बाय तो एच डेस कितना मिला माइनस एच बाय टू माइनस एच बाय माइनस किसको बता रहा है इमेज कहां बनी नीचे बनी है और एच बाय टू एच का मतलब जो इमेज है आपकी ये जो इमेज यहां बन रही है दोबारा से बना रहा हूं ये जो इमेज आपकी यहां पर बन रही है जो इमेज आपकी बन रही है देखो ये एच है।, है ये भी एच है तो ये भी क्या बनेगा सेम बनेगा ये था एच और ये कौन है एच डेस है ये कौन है एच डेस है तो एच डेस कितनी होगी एच की हाफ नहीं होगी क्या एच डेस कितनी होगी एच की हाफ अरे माइनस तो बता रहे है, नीचे बनी तो एच डेस हाफ होगी इसका मतलब एच बाई टू है ये कौन है एच है अब तो रेशो निकल सकता है साहब बी डेस सी डेस तो कितनी है एच बाई टू है ठीक है और एडेस डी डे कितनी है एच है तो रेशो निकल जाएगा दोनों का कितना आएगा बी डेस रेशो किसका पूछ रहा है बी डेस सीडेस और एडी का वन बाई टू आएगा तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है मेरे पास में नहीं निकाल के देख सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है इसमें आप यहां पर बी डेस सी डेस अपोन ए डेस डी डेस कितना है एच बाई टू अपॉन एच कैंसल आ वन बाई टू तो आंसर क्या है आपका योर ऑप्शन इज थर्ड वन बाई टू क्लियर नेक्स्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपने मिरर्स को देखो तो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं गलती बता देता हूं अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि रे मिरर है रे हुई, ये नॉर्मल है, है। अगर आप इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हुए मिरर को अगर आप अल्फा से घुमा देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी टू एल्फा से घूम जाएगी तो लोग कॉन्सोप्शन करके आते हैं मोस्टली थर्ड वाला ऐसा नहीं देखो हुआ क्या अब ये मिरर है मेरे पास मैंने रे डाली आई वापिस चली गई तो दोनों रेस एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल है ना पैरेलल है तो इक्वल टू जीरो आई समझ में तो ऐसे सवालों में आप गलती ना करें नेक्स्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बाद में हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर किसी सिस्टम या किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका है, इसका मास है M1. और कितनी स्पीड से चल रहा है स्पीड से चल रहा है तो देखो रेलवे वैगन है इसका मास है एम वन कितनी स्पीड से चल रहा है वी वन तो इसका मोमेंटम कितना आया एम वन वी वन यही तो हुआ चले साहब फिर क्या कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ रेन आफ्टर सम टाइम इट गेट्स पार्शियली फिल्ड विथ वॉटर गेलो आधा भर गया अब मिलाकर इसका मास कितना हो गया एम टू और अभी कितने से चलने लग गया V2 से भैया M बड़ा है तो V क्या हो गई कम हो गई देखते होगे ना अब भाग रहे हैं 50 की स्पीड से आपके ऊपर कोई मास रख दे आपकी स्पीड क्या हो जाएगी कम तो प्रोडक्ट तो क्या रहेगा कॉन्सटेंट ही तो रहेगा प्रोडक्ट क्या रहेगा रहेगा तो अब इसका मोमेंटम कितना है P2 बराबर, M2, V2. है बराबर भैया रेन वर्टिकली गिरी कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या इस पर जी नहीं लग रहा कोई तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक इसका मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्व टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कौन है एम वन वी वन तो फाइनल मोमेंटम एम टू वी टू तो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे पास में थर्ड वाला ऑप्शन ऑप्शन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आगे विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए फ्लू ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास हूं मोमेंटम ऑफ वेव्स ऑन द बलोविंग जे डिटरमाइंस द लाउडनेस ऑफ प्रोड्यूस्ड नॉट बिल्कुल सही बात है मोमेंटम ऑफ वेव्स ऑन द डिटरमाइंस द लाउडनेस जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा लाउडनेस होगी क्लियर सही है अराइवल टाइम ऑफ द वेव्स ऑन द ब्लोविंग जे डिटरमाइंस द पिच ऑफ प्रोड्यूस नॉट बिल्कुल सही है अब हमारे पास में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है अगला साउंड कम्स फ्रॉम ए वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इन साइड द फ्लू बिल्कुल जब आप फ्लूट बांसुरी आप बजाते हैं तो उसके अंदर जो एयर कॉलम बना है उसी एयर कॉलम की वजह से ही तो क्या आ रहा? आ रहा है रहे हैं तो ये तो सही है लेकिन अब क्या कह रहा है अगला साउंड कम्स फ्रॉम वाइब्रेटिंग कॉलम ऑफ एयर इन साइड एज वेल एज आउट साइड द फ्लूट नहीं सिर्फ जो साउंड आ रहा है वाइब्रेशन आ रहा है वो कहां से आ रहा है अंदर वाले से आ रहा है ना कि बाहर वाले कॉलम से तो मेरे पास में कौन सा गलत हुआ ऑप्शन मेरे पास में गलत है और मुझसे पूछ भी क्या अगला है कि कौन सा गलत है क्लियर यार ये नॉर्थ है ये साउथ है कहां पर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज क्यों मान लीजिए कहां जा रहा है साउथ की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है चुम्बे के क्षेत्र कहां पर लगा रखा है नॉर्थ की तरफ टूवर्ड्स नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है क्यू वी बी साइन थीटा यही तो फॉर्मूला होता है थीटा किस किस के बीच का एंगल है वी और बी के बीच में वी ऊपर बी नीचे थीटा कितना 180 थीटा 180 साइन 180 कितना होता है जीरो तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हुआ जीरो तो कौन सा नॉट डिफ्लेक्शन कोई डिफ्लेक्टिंग फोर्स पर नहीं लगे नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैन बी यूज फॉर द राडार सिस्टम राडार सिस्टम में एक्सरेज यूज नहीं होती है सिस्टम में रेडियो यूज होती हैं। और अगला है कि हम इनको राडार में करते हैं गलत हो गया यहीं पर और पूछ क्या रहा है नॉट ट्रू क्वेश्चन यहां पर बहुत गलती होती है ऐसे पढ़ने में नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम इक्वल टेम्परेचर इक्वल प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉल्स किसका लो है का अवगाटिकल क्वेश्चन नेक्स्ट फॉल्स वर्टिकली ऑन बेल्ट एट ए रेट ऑफ जीरो पॉइंट वन के जी पर सेकेंड ये कोई कन्वेयर बेल्ट है इस कन्वेयर बेल्ट पर मिट्टी डाल रहे हो आप किस रेट से डीएम अपॉन डीटी आपको दे रखा है कितना जीरो पॉइंट वन के जी पर सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड बेल्ट की स्पीड कितनी टू मीटर पर सेकेंड तो कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड ऑन द बेल्ट बेल्ट पर लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करो यार सबको पता है सेकंड लो एफ इज इक्वल्स टू डी बाई डी पी और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी टी एम वी यहां पर मेरा एम कांस्टेंट नहीं है इसलिए एम बाहर नहीं आएगा यहां वी कॉन्स्टेंट है अब जो एफ इजकोस टू एम ए फॉर्मूला बनाते हैं ना उसमें m हो m होता है को तो बाहर लेते हैं DV upon DT को क्या लिखते हैं आप लेकिन यहां पर क्या डी एम अपॉन डी टी आपको क्वेश्चन में है वी दे रखा आपको कितना टू डी एम अपॉन डी टी आपको देखा जीरो तो आ गया जीरो कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे पास में सेकेंड ऑप्शन इज अट जीरो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ एट के जी ऑफ वर्टिकली डिस्टेंस फोर मीटर इन टू सेकेंड ग्राउंड से कितनी मीटर हाइट पर चार मीटर हाइट पर कितना मास लेके जा रहे हैं आठ के जी और कितने टाइम में टू सेकेंड में कितनी पावर पावर इज इक्वस टू वर्क अपॉन टाइम कितना वर्क होगा बेटा mg h अपॉन t तो p इज इक्वल्स टू m कितना है 8 जी जी कितना है 10 h कितनी है 4 टाइम कितना है 2 तो पावर कितने आ गया आपके पास में 160 वाट बहुत इजी सा क्वेश्चन तो कौन सा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज राइट अरे एम मास को h हाइट तक उठाने में जो आपने वर्क डन किया है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज क्वल टू दिटेशन फोर्स ने वर्क किया है पर यहां पर था देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर रही? नीचे रही? लेकिन आपने ग्रेविटेशन फोर्सेंट वर्क किया वो किस में स्टोर हो गया वन ब्लॉक ऑफ टू के जी मास इज प्लेस ऑन टॉप ऑफ अनोदर ब्लॉक थ्री के जी सवाल को को क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ब्लॉक के ऊपर दो दोनों खींचा जा रहा है स्लिपिंग दोनों साथ चलते हैं बिना फिसले हुए जी कितना लेना है टेन लेना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पुलिंग फोर्स इसलिए देखो इधर सुनो ये मेरे पास में ग्राउंड है ठीक है इस ग्राउंड पर थ्री के जी रखा है ठीक है इसके ऊपर टू के जी रखा है क्लियर इसको नीचे वाले को आपने एफ फोर्स लगाकर खींचा ठीक है देखो तो नीचे वाला जा रहा है आगे

और यहां पर जो फ्रिक्शन है म्यू उसकी वैल्यू अगले जीरो पॉइंट टू अब एन कौन होगा एम देखो टू के जी की फ्री बॉडी बनाओ टू के जी की टू जी टू जी मतलब ट्वेंटी और एन ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है जीरो पॉइंट टू ट्वेंटी कितना आ गया फोर न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है इससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा क्लियर तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन हुआ बेटा ऑप्शन नंबर थ्री फोर न्यूटन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ए मास इज अटैच टू स्प्रिंग दैट हैंग्स वर्टिकली द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग इज सिक्स सेंटीमीटर ऑन अर्थ बहुत ध्यान से ये स्प्रिंग है ठीक है अपनी नेचुरल लेंथ में जब तक आपने इस पर किसी भी चीज को नहीं लटकाया तब तक अब आपने क्या किया अर्थ पे ही इस स्प्रिंग से एक मास को लटका दिया तो ये अपनी नेचुरल से कितनी एक्सपांड हो गई सिक्स सेंटीमीटर क्लियर छह सेंटीमीटर नीचे खिस गई तो देखो एम जी कहां लगा नीचे और केएक्स कहां लगा ऊपर तो केक्स बराबर MG, है ना तो एक्स बराबर एमजी क्लियर इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब अगला कह रहा है कि मैं इसको चांद पर लेके जा रहा हूं मून पर लेके जा रहा हूं एक्सटेंशन मुझे बताइए ठीक है साहब अब मून पे लेके गए इसको मून पे लेके गए M, MG तो कहां लगेगा नीचे लेकिन मून का जी कितना होगा जी बाई सिक्स हो मून का जो जी है वो आर से सिक्स टाइम्स होता है क्या लगेगा के, के लिए क्या लिखूंगा एम जी बाई सिक्स बराबर के एक्सडेस इक्वेशन नंबर दो इस इक्वेशन नंबर दो से मैं एक्स डेस निकालू तो कितना आ रहा है एम जी बाई सिक्स इंटू के

नेक्स्ट विच ऑफ लीवर बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट है 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 उसमें दस ओम का. ठीक मतलब कोई आपके पास में उसका आपके पास में दस ओम उस वायर को आपने खेच कर उसकी लेंथ को क्या कर दिया डबल कर दिया तो सबको पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल Resistance किस पे डिपेंड करता है लेंथ पे डिपेंड करता है तो लेंथ डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी पढ़ा होगा तो आर डे एन स्क्वायर एन को स्क्वायर फोर इन टू आर और आर कितना है टेन ओम है तो नया रेजिस्टेंस कितना हो गया चालीस ओम इसका मतलब पहले था 10 ओम और अब कितना हो गया 40 ओम तो चार गुना रेजिस्टेंस बढ़ गया बेटा फोर टाइम्स बढ़ गया रेजिस्टेंस लेंथ को डबल करते ही रेजिस्टेंस डबल नहीं फोर टाइम्स बढ़ गया अब r फोर टाइम बढ़ गया तो i v by r r फोर टाइम बढ़ गया तो i फोर टाइम क्या हो गई कम तो कौन सा ऑप्शन 1/4th ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू ये वाला ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन क्लियर नेक्स्ट वन रेजिस्टेंस देखो ये दोनों किस में है में है पैरेलल में है तो इन दोनों का कितना आएगा बेटा टू ये आर अब दोनों सीरीज में तो कितना आ गया आर वन प्लस आर टू मतलब थ्री आर बाई टू थर्ड ऑप्शन थ्री आर बाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं क्वेश्चन क्या है सुनना एक्शन रिएक्शन आपने सुना है अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर एक्शन कर रही है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर क्या करेगी रिएक्शन करेगी क्वेश्चन क्या है सुनना ये तो है मेरे पास में अर्थ और ये है मून अर्थ और मून के बीच की, की डिस्टेंस मान ली सी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन r स्क्वायर मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है कि अर्थ मून को अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ तो जितने फोर्स से अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है मून भी

अपनी तरफ तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट तो भाई मेरे पास में तो ऑप्शन कौन सा हुआ यार ऑप्शन नंबर फोर क्लियर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड मून एंड ऑफ दैट मून अर्थ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन क्लियर नेक्स्ट अगला बोल रहा है कि एक बल्ब मेरे पास में है उसकी रेटिंग दे रखी अगले ने 220 वोल्ट और 80 वॉल्ट। इस बल्ब की, इस बल्ब की जो रेटिंग है, वो है 220 वोल्ट कॉमा 80 वॉल्ट। इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? अरे P बराबर V स्क्वायर बाय R, तो R इसकोस्ट टू V स्क्वायर बाय P, तो R कितना आ गया? R कितना आ गया आपके पास में? R आपको मिल गया। V का स्क्वायर 220 220 स्क्वाय कुछ कैंसिल आउट हो रहा है टू से फोर टाइम टू से इलेवन टाइम टू और ये एक सौ दस एक सौ दस का और हाफ करूं मैं तो देखो मेरे पास में आ गया है ये छह सो पांच ओम आ गया इस बल्ब पर छ सो पांच ओम आ गया अब इस छह सो पांच ओम के बल्ब को एक वोल्ट पर लगाया जाए तो नई पावर क्या होगी तो नई पावर पीडियस इज इक्व टू वेडेस का स्क्वायर अपॉन आर वेडेस कितना है 110 इंटू एक रेसिस्टेंस कितना है इसका 605 कितना आएगा पीडेस कितना आएगा 20 वोट आए तो नई पावर 20 वोट क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इन द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए कॉमन ग्लास प्रिज्म व्हिच वन ऑफ अमंग इज करेक्ट देखो आपको ब्लू और रेड दो ही दे रखे तो आपको दो से ही मतलब है चलिए लिखना इधर इधर से इधर लेमडा क्या होगा बढ़ेगा तो भाई लेमडा किसका ज्यादा है देखो लेमडा रेड का ज्यादा हुआ किससे लेमडा ब्लू से और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू लेमडा वेवलेंथ और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो म्यू किसका ज्यादा हुआ ब्लू का ज्यादा हुआ किससे म्यू ऑफ रेड म्यू ब्लू का ज्यादा हुआ म्यू ब्लू का ज्यादा हुआ किससे रेड से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ब्लू के लिए ज्यादा है रेड का कम है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बराबर सी बाई वी तो म्यू और वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए तो जिसका म्यू ज्यादा उसकी स्पीड है? कम तो स्पीड किसकी कम हुई ब्लू की स्पीड कम हुई और रेड की स्पीड ज्यादा हुई तो देखो जब आप डिस्पर्शन देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होता है का फिर इंडिगो का फिर ब्लू का और सबसे कम किसका होता है भैया रेड का होता है ऊपर वाले का तो ब्लू का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा किससे रेड से और स्पीड क्या रहेगी इसकी कम रहेगी तो भाई कौन सा ऑप्शन हुआ मेरे पास में इट डेविट्स मोस्ट बिकॉज ब्लू लाइट हैज दोवेस्ट स्पीड इन प्लिज तो फोर्थ ऑप्शन होगा क्लियर नेक्स्ट विच वन अमोग फॉलोविंग इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन गिवेन थोरिटिकल क्वेश्चन है बेटा स्पीड कहां पर ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेलीस्कोप कंटेंट्स ऑनली मिरर्स किसमें होते हैं देखो न्यूटोनियन और कैसीग्रेन जो टेलीस्कोप है दोनों टेलीस्कोप्स में मिरर ही काम में लेते हैं हम लेंस काम में नहीं लेते हैं तो केसी यहां पर है नहीं कौन है न्यूटोनियन तो इस इस तो ऑप्शन ऑप्शन इज इज राइट राइट थर्ड आपने देखा कि 15 क्वेश्चन इलेवंथ के पोर्शन से थे और 10 क्वेश्चन ट्वेल्थ के पोर्शन से थे पेपर मॉडरेट लेवल का था बस थोड़ा सा सोच समझ के पेपर को कर रहा था यहां पर आपका फिजिक्स का पोर्शन होता है कंप्लीट इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट पोर्शन है केमिस्ट्री वाले वो कंप्लीट होंगे आपको थैंक यू थैंक यू सो मच हेलो एवरीवन टुडे वी डिस्कस केमिस्ट्री इन एनडीए फाइनल क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन इज हू एमोंग दिंग प्राइज इन केमस्ट्री इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन दिस क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा है बेटा हमसे केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2022 में ऐसा कौन सा रेसिपिएंट है जिसको ऑप्टेन नहीं हुआ तो कैरोलिना बटोजी इनको ऑप्टेन हुआ है मॉटन मेंडल केवीन साप्लस ये भी ठीक है बट बेंजामिन लिस्ट ए साइंटिस्ट दट नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री द आंसर इज बेंजामिन लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउनिंग ऑफ द चॉप्ड एप्पल कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इसमें समझने की बात ये है क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है किसी भी एप्पल को जब हम कट करके रखते हैं तो उसमें ब्राउनिंग आ, ब्राउनिंग क्रिएट हो जाती है तो उस ब्राउनिंग को हम किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं सिंपल सी बात ये पहली बात तो ये समझने की है कि ब्राउनिंग का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में सिर्फ इतना सा है कि जैसे हम किसी भी आ, फ्रूट की सर्फेस की बात कर रहे हैं तो उसका जब ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हमको स्टॉप कर रहे हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टॉप होगा तो सिंपल सी बात है ब्राउनिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका वर्क करेगा और ऑक्सीडेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लेमन जूस और लेमन जूस ही क्यों बिकॉज दिस लेमन जूस हैव एसिड एंड वी नो दैट बाय द यूजिंग ऑफ एसिड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस आंसर इज यूजिंग लेमन जूस। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर विच ऑफ द हाइड्रोकार्बन आर एज पर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट इजी क्वेश्चन इंक्रीजिंग वाटर ऑफ दे रहे बॉइलिंग पॉइंट हमको चेक करना है डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन में है, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो आप डायरेक्ट चेक करेंटम या फिर आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि मोलिकुलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ मॉलिकुलर वेट इज इंक्रीज ऑफ एंड ऑल्सो इनक्रीज फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर मैथिन है कार्बन वन ब्यूटेन हैव फोर कार्बन प्रोपेन हैव थ्री कार्बन हेप्टेन है क्या चेक करना है नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज मेन इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है थ्री फोर फाइव एट देन आंसर इज टू द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट

Iron is a more reactive metal, it is more reactive. And copper sulfate that is the less reactive metal salt solution. And we know that by the help of displacement reaction, a more reactive metal can displace low reactive metal from their salt. Then answer is displacement reaction. This type of reaction is known as displacement reaction, and uh, here में कॉपर मेटल एज कम्पेयर टू आयरन लो मेटल एंड वी नो रिएक्टिव मेटल टू लो मेटल फ्रॉम देर सोल्ट एंड दिस टाइप ऑफ इज़ नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज 4 क्वेश्चन है अमोंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर कीपिंग द कर्ड कर्ड को रखने के लिए कौन सा मेथड इसमें हम प्रॉपरली इसमें यूज नहीं कर सकते तो देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कीपिंग इन स्टेनलेस स्टील वेसल कीपिंग इन प्लास्टिक ग्लास कॉपर वेसल कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा वी नो दैट कर्ड हैव लैक्टिक एसिड कर्ड हैव लैक्टिक एसिड एंड वी नो दैट दिस लैक्टिक एसिड या कोई भी एसिड के यदि हम बात करें तो वो बेटा किसी एक मेटल से रिएक्ट करेगा और मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एंड इन द केस ऑफ दिस

करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा सेकेंड कि कीपिंग इन कॉपर वेसल लैक्टिक कर्ड सॉरी कर्ड आर नॉट कैप्ड इन कॉपर वेसल डन नेक्स्ट टूथपेस्ट प्रिवेंट्स टूथ डीके वाई टूथपेस्ट प्रिवेंट टूथ डीके बाय सिंपल टूथपेस्ट मीन अल्कलाइन सब्सटेंस टूथपेस्ट हैव सम अल्कली कंपोनेंट और टूथ डीके दैट इज ड्यू टू द

Greenhouse gas is methane, carbon dioxide, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, sulfur hexafluoride, nitrogen trifluoride. These are the some common examples of uh, greenhouse gases. Uh, water vapor we can write H2. Water vapor is also example of greenhouse gases. Now check the options. Water vapor correct. Carbon dioxide correct. Methane it is correct. But oxygen. ऑक्सीजन इट इज नॉट कंसिडर एट ग्रीन हाउस गैसे इज मेनली मेनली किस में यूज करते हैं देखो सिंपल कैटेगरी ध्यान रखो माइका हैव डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज डाई इलेक्ट्रिक के अलावा हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टीज हीट इंसुलेशन अब प्रॉपर्टी हीट इंसुलेशन प्रॉपर्टी ये सारी बेटा माइका के अंदर है तो इस कंडीशन के अंदर हम माइका का यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में हम माइका का मेनली यूज कर सकते हैं ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑफ यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्यूरिंग द सेपोनिफिकेशन प्रोसेस सेपोनिफिकेशन प्रोसेस देखो एक टर्म इसमें आप याद रखिएगा सेपोनिफिकेशन वैल्यू करके और सेपोनिफिकेशन वैल्यू का सिर्फ एक ही मतलब है कि मिलीग्राम में एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उतनी क्वांटिटी जो कि वन ग्राम फैट को सेपोनिफाई करने के लिए कंपलसरी है दोबारा सुने द सेपोनिफिकेशन वैल्यू इज द क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम दैट रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई वन ग्राम ऑफ फैट क्लियर तो इस वैल्यू को हम सेपोनिफिकेशन वैल्यू बोलेंगे और सेपोनिफिकेशन वैल्यू के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज केवल इसलिए करते हैं ताकि तो अब ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें सोप soft का हमको दे रखा होन आर सॉफ्ट ऑन द स्किन सॉफ्टनेस ऑफ सोप इज क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज डिपेंड ऑन सेपोनिफिकेशन वैल्यू next which one of the following is the correct arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity for this question we use the reactivity series we use the reactivity series what is the meaning of reactivity series a series uh, that is arranged in a uh, decreasing order of different type of metal decreasing order of different type of metal for example lithium potassium sodium sorry barium कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इस तरीके से एक पूरी सीरीज बनती है मैग्नीशियम अगर मैग्नी जिंक क्रोमियम आयरन कैडमियम कोबाल्ट निकल टिन लेड फिर हाइड्रोजन उसके बाद में कॉपर सिल्वर प्लेटिनम एक बीच में मर्करी रह गया मर्करी और लास्ट में आएगा गोल्ड अब ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है तो सिंपल देखो एक ऑप्शन बेटा यहाँ पे सोडियम सोडियम चेक करेंगे बेटा सोडियम सोडियम उसके बाद बाद में iron, 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 iron में में आयरन 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 के कॉपर कॉपर और लास्ट अपना सिल्वर तो ऑटोमेटिक हमको मालूम चल रहा है कि सोडियम इज अ अली रिएक्टिव मेटल फॉर गिवन ऑप्शन आयरन उसके बाद में कॉपर उसके बाद में सिल्वर तो एक ही ऑप्शन इसमें फिट बैठता है सोडियम आयरन कॉपर एंड सिल्वर दीज आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी Uh, according to activity series and option is 4 next <coughs> uh, which among the following statement is not correct with respect to allotropic of carbon not correct with respect to allotropic of carbon we know that allotropic of carbon mean carbon have three types of allotrop, allotropes like uh, diamond graphite and fullerenes ऑप्शन जो हमको है पे ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्रेफाइट है हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इट इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज नोन फुलरीन इज वन ऑफ द एलिएटर ऑफ कार्बन बिल्कुल ऑफ कार्बन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है

And this process is process. है? तो के, के लिए इट इज द प्रोसेस टू मैन्युफेक्चरिंग नाइट्रिक एसिड उस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं ओस्टवाल प्रोसेस किसकी हेल्प से बना रहे अमोनिया की हेल्प से बना रहे है?

कॉन्सेप्ट इतना कि ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सिलिका का आप यूज कर रहे हो उस सिलिका के अंदर एक कंपाउंड होता है यानी कि आपको इन ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जिसमें से प्रेजेंट हो जिसका हम यूज करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास इन गिवन ऑप्शन ओनली सो है ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन इज सैंड बिकॉज

कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अवेलेबल इन दर्ट आर ब्लू कलर फॉर द ब्लू कलर देखो क्वेश्चन में किसी भी के कलर का प्रोड्यूस होता है तो बेटा कलर प्रोड्यूसिंग कलर प्रोड्यूसिंग के लिए कॉन्सेप्ट है जैसे मान के चलो मैंने सिंपल एग्जांपल लिखा कॉपर सल्फेट का अब ये कॉपर सल्फेट ओनली कॉपर सल्फेट लिखा है मैंने सी एसओ फोर कोई इसमें वाटर मॉलिक्यूल या कुछ और मैंने इसमें ऐड नहीं किया है तो ये आपका बेटा व्हाइट कलर का कंपाउंड है व्हाइट कलर का ही कंपाउंड है बट इफ वी एडेड समMolecule of water then this crystal obtain color that is turn into blue color मीन हम ये कहेंगे कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर यदि हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं तो उस वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से उस क्रिस्टल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है कलर प्रोड्यूस हो रहा है एक एग्जांपल और देख सकते हैं जैसे आपने सुना होगा बेटा आयरन सल्फेट

Equal volume of all gases when measured at the same temperature and pressure contain an equal number of particles who propose the Avogadro? Avogadro because by the uh, uh, say the volume is directly proportional to number of mole. But I that equal volume of all gases uh, measured at the same temperature and pre pressure contain an equal number of particles. Done. next airbags works on the principle of the chemical reaction triggered by the impact producing a gaseous product that cause a sudden volume change which one among the following chemical conversion is responsible for this we know that in airbag concept in airbag concept a chemical named as sodium azide once again sodium azide are used and this sodium azide केमिकल डीकम्पोज आफ्टर द एक्सीडेंट कार का एक्सीडेंट हुआ कार के एक्सीडेंट के अंदर बेटा यहाँ पे कुछ स्पार्क प्लग लगे हुए हैं जो की सेंसर है किसके लिए एयरबैग के लिए अब उस एयर बैग वाले सेंसर में जब ये कंपाउंड हीट मिलेगी यानी कि डीकम्पोज होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सोडियम और नाइट्रोजन गैस के अंदर तो जरा सोच के देखो कि सोडियम एसाइड कंपाउंड था टू मोल और इसे कन्वर्ट हो रहा है बेटा थ्री मोल ऑफ नाइट्रोजन जो की हाई स्पीड से गैस बनती है और इस मोल ऑफ नाइट्रोजन के प्रोड्यूस होने की वजह से उस एयर बैग में होगा इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीन उसका एक्सपेंशन और वो एयर बैग इजिली यहाँ पे ओपन होगा नाइट्रोजन गैस की वजह से तो ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें सोडियम एजाइड का यूज कर रहे हो नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए तो हमको फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है कि सोडियम एजाइड इन टू नाइट्रोजन गैस देन आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज इन टर्म ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल द क्वार्टनरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ टू अप्रोच दे आर क्लियर ठीक है तो अब इसके अंदर जो है वो आपके कुछ टाइम पीरियड स्केल जो है वो पूछा गया तो टाइम पीरियड स्केल जो है वो ह्यूमन बींग से रिलेटेड जो है वो कौन सा हो जाएगा आपके होलोसेंस एंड इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल वॉल कंपोजिशन तो सेल वॉल की कंपोजिशन से रिलेटेड कौन-कौन से स्टेटमेंट है यहां पर बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन बिल्कुल सही है फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज गलत है क्योंकि ये किसका बना होता है काइटिन द्वारा निर्मित होता है एनिमल लैक सेल वॉल बिल्कुल सही बात है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन ये बिल्कुल सही है तो यहां पर आंसर क्या आएगा फर्स्ट एंड हो जाएगा मतलब थर्ड ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अब इनमें से prokaryotic cell के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो होता होता है ribosome 70S टाइप का होता है का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है प्लाज्मा यूनिवर्सली प्रेजेंट है ठीक है तो न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होगा अपसेंट रहेगा तभी तो प्रोक्रियोटिक सेल कहलाता है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट इन ए प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट देयर ऑन डीएनए अब इनमें से कुछ एग्जांपल कुछ सेल ऑर्गेनेल के दिए गए हैं और इनमें अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से किसमें सेल्फ का खुद का डीएनए होता है देखो न्यूक्लियस में होता है बट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है राइबोसोम में, में भी नहीं होता है अपरेटस में भी नहीं होता है माइट्रोकोंडिया में होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है जैसे माइट्रोकोंडिया की बात करें तो माइट्रोकोंडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा सर्कुलर डीएनए होगा इवन जो क्लोरोप्लास्ट है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है इसमें भी क्या होगा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा जो एक प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड माना जाता है क्लोरोप्लास्ट में होगा वैक्यूल में नहीं होगा इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट वन एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट इट हेल्प स्पेसिज टू सर्वाइव ओवर लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम दिस बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये मान के चलो आप मोस्ट ऑफ जो डिवीजन होता है वो होता है मियोसिस मियोसिस होगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा वेरिएशन और ये वेरिएशन थ्रू द गेमिक फ्यूजन जो है वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में क्या होगा ट्रांसफर कर दिया जाएगा मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्टिव साइकिल ये एसेक्सुअल में भी होता है और सेक्सुअल दोनों में ही होता है ठीक है तो ये नहीं होगा इससे रिलेटेड रोबस्ट एंड हेल्थ ऑफ स्प्रिंग ये दोनों में हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है बट जेनेटिकली सिमिलर ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो ये भी नहीं है बट मोर वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग मतलब वेरिएशन जो है वो आपके ऑफ में ज्यादा देखने को मिलेगा तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा ठीक है तो मोर वेरिएशन इन ऑफ स्विंग संतियों में अधिक विभिन्नता होगी ठीक है फर्स्ट नहीं होगा सेकंड नहीं होगा थर्ड नहीं होगा कौन सा जाएगा, हो जाएगा आपके फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कॉम्पोनेट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल अब लिविंग सेल के अंदर कौन सा नहीं होता है ऑलवेज देखो सेलवॉल

चाहे वो आपके क्या हो आर हो सब में क्या होता है ये देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म सब में प्रेजेंट होता है तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा नेक्स्ट कैपेबल यूजिंग एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स आर कोल्ड देखो को सीओ टू का बेसिकली यूज किस केस में होता है जब एक इक्वेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस आप पढ़ते हो स्टडी करते हो सी सिक्स एच टिक्स बन रहा है और उसके लिए कौन सा है आपके फोटो सिंथेसिस फोटो सिंथेसिस हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है और फोटोसिंथेसिस करने वाले क्या कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं या स्वपोषी कहलाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें नेक्स्ट व्हेन ईस्ट सेल आर ओ2 स्टार्व्ड फर्मेंटेशन सर्व एज द सोर्स ऑफ एनर्जी दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ देखो यीस्ट के केस में यूनिसेल्यूलर है फंगल सेल होता है यूकैरियोटिक होता है तो उसके अंदर जो 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 है ऑक्सीजन जो की में जो है उसको फर्मेंटेड कर रहा है तो तो उससे एक तो बनता है CO2 और साथ में क्या बनता है एथेनॉल बनता है और साथ में टू ए उससे गेन होते हैं तो ए बनता है CO2 बनता है और एथेनॉल का भी क्या होता है फॉर्मेशन होता है तो ATP है CO2 है और एथेनॉल है तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें नेक्स्ट ड्यूरिंग ए लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट देखो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के अंदर है एक एपिडर्मल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो इसमें देखो इसका मीनिंग ये है कि जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया एक सेल को रखा गया और उसके अंदर आप ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सॉल्यूशन हो गया कौन सा हाइपरटोनिक इसके रिस्पेक्ट में ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया हाइपोटोनिक तो अब इसके रिस्पेक्ट में देखें तो वाटर का मूवमेंट अपन जानते हैं सेल वॉल होता है प्लांट सेल के अंदर ये सेल वॉल हो गया ठीक है अब इसमें क्या होगा वाटर आएगा? आएगा, सेल सेल से से बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की की तरफ तरफ तो आने से ये जो वो क्या हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी और इसी श्रिंक स्टेज को क्या कहा जाता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल वर प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और स्टेटमेंट इससे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है तो सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाएगा नेक्स्ट च वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फंजाई फंजाई का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन बिल्कुल है फिलामेंटस माइसीलियम बिल्कुल है इनमें क्या होते हैं आपके हाई फी जो होते हैं वो आपके क्या बनाते हैं

दे आर ऑल्सो कॉल द बिल्कुल सही है एम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये terrestrial atmosphere में आ तो गए। But अभी भी fertilization के लिए जो है उसको वाटर पे डिपेंडेंसी शो करना पड़ रहा है इसलिए बोल रहे हैं जस्ट लाइक ए फ्रॉग द प्लांट बॉडी बाई राइजोइ बिल्कुल सही है इस तरीके से जो राइजोइड स्ट्रक्चर होता है और वो राइजोइड स्ट्रक्चर जो है वो आपके क्या होगा

जनरल स्टडीज से आए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं जो हाल ही में 16 अप्रैल को एनडीए के द्वारा कंडक्ट करवाया गया तो इसमें हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी के साथ साथ पिछले पाँच से छः महीनों के करंट अफेयर भी हैं तो पहला सवाल है ये जियोग्राफी का सवाल है पहला इसमें बताया गया है कौन सा इग्नियस रॉक नहीं है इसमें तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट बिल्कुल ग्रेनाइट इग्नियस रॉक्स का पार्ट है उसके बाद स्लेट यह स्लेट इग्नियस रॉक का पार्ट नहीं है और उसके बाद बेसाल्ट है और गैब्रो भी है तो इसका आंसर दो होगा वाल इसमें अर्थ के बारे में बताया गया है यह भी जियोग्राफी का सवाल है इसमें बताया गया है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तो इसमें पहला बताया गया है कि इज द पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ द दस इसका बताया गया है कि जो हाइपोसेंटर पृथ्वी के ऊपर सरफेस पे होता है नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि हाइपो सेंटर नीचे जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है अर्थक्वेक की उस पॉइंट पे हाइपो सेंटर होता है और वो उत्पत्ति होने के बाद जो तरंगे या एनर्जी निकलती है जो सरफेस पे आती है उसे एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा दूसरा है द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स द इन इनहाइर डेंसर ऑफ मेटेरियल बिल्कुल सही है तीसरा है पी तरंगे पी वेव्स है जो द फास्टर एंड द फर्स्ट अराइव ऑफ सरफेस ऑफ पी का मतलब होता है प्राइमरी और ये सबसे पहले पृथ्वी पर आती है सरफेस पे उसके बाद सेकेंडरी आती है उसके बाद ये लव वेव आती है और उसके बाद आर आती है जिसे रेले वेव्स के नाम से जाना जाता है आप जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो इसका स्टेटमेंट पहला बिल्कुल इनकरेक्ट है और दूसरा और तीसरा बिल्कुल करेक्ट है तो जहाँ दूसरा और तीसरा होगा वो अपन करेक्ट करेंगे तो इसका आंसर भी दो है नेक्स्ट सवाल है इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया गया है जो क्वारी पीरियड कौन सा है जो कल्फ युग के बारे में जाना जाता है तो ये सब कुछ पता होगा नॉर्मल सा सवाल है ये होलियोशिन और प्लास्टिन का पार्ट है इसका आंसर दो सही है नेक्स्ट सवाल है इसमें बताया गया है द करंट सिक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ गिवन प्लेनेट्स द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी डेंसिटी ग्रंथों के बारे में बताया गया है कभी कभी इनका आकार के बारे में आता है कभी कभी इनके मास के बारे में सवाल पूछता है तो ये इसमें सबसे पहले किसका होगा इसमें अर्थ का अर्थ के बाद वीनस वीनस के बाद जुपिटर का होता है उसके बाद सैटरनम शनि तो इसका आंसर तीन सही है तो इसका आंसर उसके बाद नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में ऐसे कौन सी शीत धारा नहीं है दिस इज द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड करंट तो ये भी जियोग्राफी का सवाल है तो इसमें पहला है द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट बिल्कुल सही है उसके बाद सेकंड है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट नहीं है तो ये दूसरा गलत होगा तीसरा है बैगुला धारा बिल्कुल सही है बैगुला धारा है और पैरू धारा भी है तो इसका आंसर दो सही होगा Next The process of या इसे, predominantly इसमें इसेमेंटली भवन के नाम से जाना जाता है ये प्रक्रिया मुख्य रूप से जो नम या जो ह्यूमस वाली जो सॉइल होती है उसमें ज्यादातर देखा जाता है तो इसका ये टैगा वन है

सिंपल सवाल आते हैं अगर आप पांच लगभग पिछले पांच महीनों की के करंट अफेयर के टच में रहते हैं तो लगभग आपके दस से पंद्रह सवाल बिल्कुल सही होते हैं बिल्कुल नॉर्मल से सवाल आते हैं इसमें उसके बाद आगे देखते हैं इसमें बताया गया था बैटल ऑफ रेजांगला ये भारत और चाइना के मध्य उन्नीस सौ में लड़ी गई थी तो ये इसका आंसर बिल्कुल जहां पर वन है तो इसका तीन सही है नेक्स्ट सवाल इसमें एक्सरसाइजर सी विजिल के बारे में बताया गया हाल ही में भारतीय के तटों की सुरक्षा के लिए इसके बारे में बात की गई है तो इसमें बताया गया है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट में इसमें ये बताया गया है uh, कौन सा इसमें सही होगा इसमें से द करेक्ट करेक्ट पूछा है पहला बताया गया है कि द एम ऑफ एस इंडिया प्रिपेंडेंस ऑफ डोमेन द मेरी सिक्योरिटी एंड द कोस्टल डिफेंस बिल्कुल सही है मेरी टाइम कोस्टल डिफेंस के बारे में बात करता है सेकेंड है ये यू और जापान की नौसेनाओं के द्वारा इस अभ्यास में शामिल हुई थी ये इंडिया के बारे में बात किया गया है सेकंड स्टेटमेंट इन करेक्ट है तो इसका आंसर एक होगा नेक्स्ट ये जो सवाल है 66, इसमें है इसमें बताया गया द द फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से कौन सा स्टेटमेंट में राइट right है करेक्ट स्टेटमेंट ये भी करंट अफेयर का सवाल है और इसमें आईसी ट्वेंटी क्रिकेट के बारे में बताया गया है तो पहला इसमें बताया गया है कि इंग्लैंड ने ऐसा एक देश है जिसने दो बार जीता तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल है कई कई देश, दूसरे देशों ने भी जीता है उसके बाद विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर टू बी इसमें एडजस्ट प्लेयर ऑफ द आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप ऑफ ट्वेंटी इन्होंने भी दो बार इस तरीके से श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का एक आ, जो पदक हासिल किया है तो ये भी इनकरेक्ट है इसका दोनों होगा एक और बहुत नेक्स्ट सवाल ये बिल्कुल अभी हाल ही में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में पूछा गया है कि 2022 में नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किन को नहीं मिला है इसमें तो तीन व्यक्तियों को दिया गया है इसमें देखो आप कैरोलिन आर्ट बेजोटी को मिला है मॉर्टन मेडल्ला को मिला है और केबेरी सार्फलेस को मिला है मगर बेंजामिन लिस्ट को केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है तो इसमें सीधा बताया गया है कौन सा नॉट तो इसमें से नहीं है तो इसमें दो सही होगा तो इसका आंसर है दो नेक्स्ट वाल, द फ्रीडम फाइटर कनक लता बैरवा के बारे में बताया गया है इसमें मेरिटाइड इसमें किस में शहीद हुई थी तो इसमें ये भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट में ये शहीद हुई थी तो इसका सिंपल आंसर है से के हिस्ट्री का सवाल है इसका आंसर दो सही नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मनसअदारी सिस्टम ये राजा महाराजों के टाइम होती थी पुराने टाइम में और एक जात और ऊँची जो सिपाहियों में सबसे ऊपर होते थे उन्हें दी जाती थी तो इसका ये है द पोजिशन ऑफ सैलरी पोजिशन ऑफ सैलरी मनसबदारी वेर द इंडिकेटेड ऑफ न्यूमरिकल डेजिनेशन ऑफ कालेट जात एक जात थी और संख्यात्मक जब पद और वेतन भी दिया जाता था तो इसका एंसर तीन से यह जिसमें विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पिचमेंट द प्रोसीडिंग द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसा कौन सा बंगाल का गवर्नर था जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया है जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाते हैं तो इसमें बंगाल में ऐसा कौन सा था तो वॉरन हेस्टिंग था जो यहाँ से बहुत काला धन लेके गया था बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा धन कमा लिया था मगर उनमें ये जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है इस पर इम्पिचमेंट या महाभियोग लगा नहीं पाई थी फिर भी आखिर उसने परेशान होकर सुसाइड कर लिया था तो इसका आंसर होता है तीन सही है बिल्कुल नेक्स्ट वाला है हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज द प्रयाग परस्ती ऑफ समुन्दर गुप्त जिसमें समुन्दर गुप्त की प्रयाग परस्ती की रचना किसने की है एनसीईआरटी में एनसीईआरटी हिस्ट्री की कॉपी पेस्ट लाइन है ये ध्यान रखना तो इसमें पहला हरिशयन होगा सीधी बात है सिंपल क्वेश्चन है आप ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते थे नेक्स्ट वाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज द फाउंडेड ऑफ द टू ब्रदर हरियर एंड बुक्का लास्ट ईयर भी सवाल आया था विजयनगर के बारे में हर बार एंड सवाल देता है एंड का सबसे फेवरेट टॉपिक माना जाता है ये तो इसमें ये होगा विजयनगर इसका आंसर दो सही है नेक्स्ट वाल है एट विच एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द डेनिस एस्टैब्लिश द सेटलमेंट ऑफ इंडिया ऐसे किस स्थान पर भारत ने डेनिश के लोगों ने अपनी एक बस्ती को बचाया था और डेनिश के लोगों ने ये भी कहा था अगर आप बस्ती बचाते हैं तो यह भारतीय स्थानीय महिलाओं से आप शादी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने एक रूल्स या नीति बनाई थी तो इसमें यह सही होगा ये अक्राइकल दो सही है इसका नेक्स्ट इसमें है निम्नलिखित में से विच द अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ द नॉर्दर्न जियोग्राफिकल लोकेशन तो नॉर्दर्न अगर आप देखें तो काठमांडू ही होगा इस तुलना में अगर आप देखें तो तो इसका दोष यही है नेक्स्ट सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है पहला है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम्स जीरो और नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल तो इसमें ये ध्यान रखना अगर आप देखते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है बिल्कुल सही है जब डॉट शून्य हो जाती है नब्बे डिग्री पर पहला सही है उसके बाद है 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 पर देशांतरों की बीच की दूरी सबसे अधिक हो जाती बिल्कुल सही नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लेटिट्यूड अब लैटीट्यूड्स का मतलब होता है अगर आप ग्लोब देखते हैं तो उसमें लेटी हुई संख्याओं को जैसे आप मान सकते हैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट में जैसे लेटी हुई संख्या जीरो डिग्री एक डिग्री दो डिग्री जैसे ट्रॉफिक ऑफ कैंसर है ट्रॉफिक ऑफ कॉपरिकॉन ने साढ़े तेवीस ते ते डिग्री के आसपास तो ये लगभग होती है वन एटी वन और ये होती है लॉन्गिट्यूड एंड लंबाई में और वो होती है थ्री सिक्सटी तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट इसमें क्या दिक्कत है बिल्कुल चार है नाइन्टी फोर बिल्कुल सिंपल सवाल है इसमें बताया गया है मैग्नीज भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है तो मैग्नीज मध्य प्रदेश में अगर मैग्नीज में आगे एम एम तो एम एम के हिसाब से अगर कोई तुक्का भी लगा था तो बिल्कुल सही हो जाता मगर ऑथेंटिक रूप से जियोग्राफी का सवाल है इंडस्ट्री से मिनरल से है तो इसमें पहला बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश नेक्स्ट सवाल है मिक्का का उपयोग ये रॉक्स और मिनरल्स के टॉपिक से आया है जियोग्राफी का सवाल है तो मिक्का का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है ये इलेक्ट्रिकल में होता है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इसका उपयोग करती है तो अगर आप देखें तो अगर इलेक्ट्रिकल तो इसमें एक ही दे रखा है इसका तो चार ही होगा फिर तो इसका आंसर चार जी नेक्स्ट सवाल है अकॉर्डिंग टू कॉपेन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट यानी इसमें बताया कॉपेन की जलवायु वर्गीकरण अनुसार उत्तरी भारत के उत्तरी विशाल जो मैदान है उसमें तो कौन सी जलवायु है तो इसमें कौन सी होगी ये सी डब्ल्यू जी क्लाइमेट इसका आंसर दो सही भाई लक्षित बोअर फुगन के बारे में बताया गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो, करेक्ट होगा पहला स्टेटमेंट बताया ही वाज ए जनरल ऑफ द होम फोर्स बिल्कुल सही जनरल थे उसके फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है सेकंड कहता है ही इज ऑफ दिस द लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सराय घाट बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट है लचित बोरकफन गोल्ड मेडल इज गिवन ऑफ टू द बेस्ट कैडेट ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडी आपके एनडी के बारे में बताया है तो बिल्कुल बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इसके तीनों इसके तीनों स्टेटमेंट सही है जहाँ तीनों हो गए तो पहला सही है इसका क्वेश्चन नंबर 98 बिल्कुल नॉर्मल सवाल है फोर्थ एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिख तो के बारे में बताया गया है इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान के साथ ही ये संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ था मगर भारत की कौन सी जगह हुआ है इसमें तो ये आ, करंट अफेयर का सवाल है इसमें रानीखेत है गंगटोक है पिथौरागढ़ है लेह है मगर इसका उत्तर पिथौरागढ़ में हुआ था ये तो बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट है इसका तो तीन सही है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया प्राइवेटली डेवलपमेंट रॉकेट लॉन्च ऑफ इसरो रॉकेट ने कौन सी ऐसी ध्यान रखना निजी तौर पर यहाँ जैसे आप मान सकते हो फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप रॉकेट लॉन्च किया है इसरो ने कौन सा किया है भाई ध्यान रखना इसमें विक्रम एस कौन सा है विक्रम एस चार सही है इसका नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ दिलज बाटली डिक्लेयर ऑफ इंडिया फर्स्ट इसमें क्या ट्वेंटी फोर हाउस एंड मल्टीप्लाई सेवन डेज यानी एक वीक में मतलब सौ घंटे आप कहते हो रात दिन हमेशा वहां सोलर एनर्जी उपलब्ध रहती है पहला ऐसा कौन सा गांव है तो मोड्रा गुजरात का है ध्यान रखना तो इसका दो सही है मगर अगर सोलर का ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है तो जोधपुर में ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज को नेक्स्ट है एक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एजेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द रिपब्लिक डे परेड 2023 एंड 2023 में अभी राज्य की जो झांकी हुई थी अभी तो दूसरे गणतंत्र दिवस पर किस राज्य को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई तो अगर आप देखते हैं उत्तराखंड से ये इसका तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 116 इसमें बताया गया विच ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया हेल्ड द रिफंडम ऑफ वन नाइन सेवन ऑफ जॉइन पाकिस्तान उन्नीस सौ सैतालीस में, में विनिश्चे करने के लिए जन्म संग्रह किया गया जो पाकिस्तान में शामिल हो या ना हो ये पूर्वी भारत के बारे में बात की गई है तो इसमें इस इस बहुत प्रसिद्ध है आसाम का है तो इसमें पहला सही है भाई नेक्स्ट सवाल वन वन सेवन इसमें बताया गया है रबातक इंक्रिप्शन

तीसरा लिखा है ट्वेंटी थ्री लाइन इंक्रिप्शन तेवीस लाइनों में लिखा गया था मगर इसमें एक बात ध्यान रखिएगा इन्होंने कहा है कि गांधारी लैंग्वेज थी गांधारी लैंग्वेज नहीं थी ये यूनानी और बैक्टेई भाषाएं थी बैक्टेई लैंग्वेज ध्यान रखना तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है उसके बाद फोर्थ है द मेंशन ऑफ नेम ऑफ स्टेट इन विच द पार्ट ऑफ द कनिक्स एम्पायर जो कनिक साम्राज्य के भाग थे उन राजाओं के नाम भी इसमें दर्ज किए गए थे बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो इसका आंसर तीन इसलिए है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है नेक्स्ट सवाल 118 फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस संस्कृत वर मर्चिकटम किसके द्वारा लिखी गई थी तो ये एनसीईआरटी का सवाल है कॉपी पेस्ट होके आया है तो इसे सुद्रक के द्वारा तो इसका ये होगा 4 सुद्रक 119 यशोवर्मन वाज यशो रूरल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक माना जाता है तो आप क्या बताएंगे इसमें कनौज मेवाड़ मारवाड़ या कलिंग तो इसमें पहला सही है कनौज यशोवर्मन वर्मन कनौज का शासक था बिल्कुल तो पहला इसका स्टेटमेंट इसका एक सही है इसमें है विच वन एमोंग द फॉलोइंग रूरल स्टैब्लिश ऑफ द ऑफ पुत्र कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर मगध एम्पायर पुत्र का इसमें बताया गया मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में पुत्र को किस शासक के राज्यकाल में लाया गया था तो इसका आंसर ये होगा अजात शत्रु के द्वारा इसका थर्ड आंसर सही है इसका ध्यान रखना तीन नेक्स्ट सवाल ये है फॉलोविंग astronomer that the Earth इसमें बताया गया ध्यान रखिए अर्थ है, है और अदर जितने भी प्रकार के हैं आपउंड ऑफ द सन इसमें ऐसा बताया गया है कि ये सन बाकी जितने भी प्रकार के हैं वो सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं ये किसके द्वारा बताया गया है यह है कॉपर निकस के द्वारा इन्होंने कहा था कि सूर्य के चारों तरफ बाकी सभी जितने भी प्रकार के प्लान है वो रिवोलेट रिवोलेट होते हैं चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ये ध्यान रखना इसका होगा फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है कोई दो राय नहीं इस बात में 129 ट्वेंटी नाइन ये सवाल है भारतमाला परियोजना या भारतमाला स्कीम के बारे में तो इसमें अगर आप देखते हो भारतमाला परियोजना ये करंट अफेयर का सवाल है लगभग मेरे हिसाब से लगता है कि पिछले दो एक दो सालों में ज्यादा यूपीएससी इसी पे काफी फोकस किया है जैसे पहला गया पहला बताया गया है डेवलप द रोड कनेक्टिविटी ऑफ द बॉर्डर एरिया बिल्कुल बॉर्डर एरिया करता है दूसरा है डेवलप ऑफ द कोस्टल रॉड्स बिल्कुल सही है तीसरा बताया गया है इंप्रूवमेंट ऑफ द इफिशियंटी ऑफ नेशनल कॉरिडोर देखो नेशनल कॉरिडोर कोस्टल रोड और बॉर्डर एरियाज इन तीन पॉइंट अगर आपने नॉर्मल से अगर आपके न्यूज में भी अगर पढ़े होते तो आपका बिल्कुल सही था इसका तीनों स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर चार होगा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है दीनदयाल पोर्ट वाज अर नाउन तो दीनदयाल अभी एक पोर्ट का नाम गुजरात के अरब सागर की खाड़ी के आसपास एक दीनदयाल पोर्ट है अभी नया नाम रखा गया दीनदयाल जिसका तो so, किस पोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया तो so, अगर आप नॉर्मल सा देखते हो तो कांडला पोर्ट सबसे बड़ा गुजरात में प्रसिद्ध है तो कांडला, so, कांडला पतंगा का या कांडला कांडला पोर्ट का नाम रखा गया तो so, इसका आंसर तीन सही होगा नेक्स्ट सवाल है द काउंटर इंजुरी ऑफ द जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ़ इंडियन आर्मी पे भारतीय सेना का काउंटर एंड द जंगल वॉरफेयर स्कूल नेक्स्ट सवाल इसमें बताया गया है इन द सोइल फॉर्मिंग जियोग्राफी का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ई व्यापोरेसंस एक्सिड द प्रिपेशन ऑफ द सिग्निफिकेंसली इसमें बताया गया है मर्दार चक प्रवृत्ति जैसे वाष्पोर्जन वर्षण में काफी अधिक होता है निम्नलिखित में से किस में किसे इस चीज को क्या कहते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जैसे कहते हैं पॉर्ड सोलि भवन या पॉड सोलिलाइजेशन तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही है भाई कौन सा है थर्ड बिल्कुल सही है इसमें बताया गया है मरदा जो मर्दा की प्रवृत्ति मरदा नहीं बनती है सॉइल का फॉर्मिंग होता है ई व्यापोरेशन के थ्रू ये तो ध्यान रखना है इसका थर्टी थ्री बताता है ये पृथ्वी के पार्ट के बारे में इनर मोस्ट अर्थ का अगर पार्ट आप देखते हैं तो जैसे आप मानते हैं बाहरी पार्ट कौन सा होता है करस्ट होता है उसके बाद मेंटल होता है उसके बाद कोर होता है तो इसमें बताएगा इनर मोस्ट इनर मोस्ट ये हो सकता है कोर और मेंटल के बीच का जो पार्ट के बारे में बात की गई है तो ज्यादातर ये मोह आता है मोह है मोह डिस्कटिन्यूटी ध्यान रखना बाकी गुटेन वर्ग भी है और इसमें लेहमन नाम भी आता है मगर यहाँ अलग अलग या कोर या कभी कभी ऐसा आता है कोर की ऊपरी दीवार और तो, निचली साइड दोनों को अलग करता है कभी कभी आता है मेंटल और कोर को अलग करता है ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कोर और मेंटल को अलग करने वाला कौन सा है तो यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन बनाती है आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ हर लाइन और हर तरीके तौर तरीके से पढ़ने का एक वो होना चाहिए जुनून कहते हैं जैसे और इसका दो सही है नेक्स्ट सवाल है इसमें से कौन सी स्पीसीज है जो फाउंड इन हिमालय जो हिमालय में पाई जाती है इसमें बताया गया है अगर आप सारी वेजिटेशन जियोग्राफी का सवाल है अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपको सही होता है नॉर्मल सवाल है तो इसमें ओक भी है अगर आप दूसरा देखते हैं तो रोड एंड भी है मगर रोज वुड नहीं है रोज़ वुड बिल्कुल नहीं है हिमालय का तो इसमें अगर आप देखते हो तो एक और दो सही है एक और दो जहाँ पर ऑप्शन में है तो वही है इसका चार सही है नेक्स्ट सवाल है इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग लोअर मोस्ट इनर मोस्ट इंटक्सिव इग्नियस रॉक्स इसका मतलब ये होता है कि इग्नियस रॉक्स जमीन के भाग भूमि नीचे भाग पर जो क्रस्ट का जो भाग है ऊपर का काफी जहां पर वेलकनो इरप्ट होते हैं और उसमें आपको आपको पता होगा मैग्मा निकलता है उसके बाद बाहर आकर क्रस्ट के ऊपर लावा बन जाता है मगर ये पृथ्वी मैग्मा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर या ऊपरी सरफेस पर बाहर आने से पहले पृथ्वी की कारी काफी गहराई गे, पर बैठ जाता है जम जाता है एक परत के रूप में उसे किस नाम से जाना जाता है तो अगर आप देखते हो तो बैथोलिथ और ऐसे भी अगर अपनी खुद की ट्रिक्स देखें तो उसे कहते हैं बैठा हुआ बैथोलिथ ऐसे मान सकते हो याद करने के लिए आप तो इसका दो स्टेटमेंट ये भाई नेक्स्ट ये है कि नोन इन द न्यू दिल्ली बारह बजे हैं दिल्ली में तो विल ऑफ द टाइम ऑफ लंदन यूके में क्या होगा तो भारत का जो टाइम लेते हैं साढ़े बयासी डिग्री पर लेते हैं अपन भारत का अगर आप टाइम लेते हो तो इसमें मान लो ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो इसमें भारत का टाइम लेते हो साढ़े बयासी डिग्री यानी बाकी देशों से साढ़े पाँच घंटे आगे ठीक है ना लंदन बताया गया है तो आप साढ़े पाँच घंटे ईस्ट या वेस्ट की तरफ पीछे चले जाइए तो इसका साढ़े ये पहला से ही होगा मगर इसमें एक बात ध्यान रखना इसमें इसलिए साढ़े पांच घंटे अपन पीछे जा रहे हैं क्योंकि यहां पर लंदन यूके में किसी भी प्रकार की डिग्री का जिक्र नहीं किया गया है अगर डिग्री का जिक्र करते हैं तो हो सकता है अपन डिग्री के हिसाब से निकालें ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइम और दूसरी बात यह मुख्य रूप से सी में अटैक करता है इस बार यूपीसी ने भी पूछ लिया ठीक है इसका पहला है उसके बाद ये बताया गया है द फॉलोइंग दोजीशन ऑफ सन अर्थ और मून आदर सिटेड द स्प्रिंग टाइट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वजह से मुख्य रूप से ये टाइट्स आते रहते हैं तो इसमें से कौन सी इसमें स्टेटमेंट इस सही होगी तो अगर युति होती है तो बिल्कुल होगा स्प्रिंग टाइड होगा युति की स्थिति में नहीं होता है और ये समकोण की स्थिति में होता है तो अगर आप देखते हो तो पहला और थर्ड जहाँ पे हैं वो सही है तो इसका आंसर चार सही होगा या जहाँ पर फर्स्ट और थर्ड हो वो देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन है वन थर्टी एट ये बताता है कि विच द रेन आर्टिस्ट द लास्ट सुपर के द्वारा किसके द्वारा बनाया गया ये नाम है द लास्ट सुपर आपने एक नाम सुना होगा सबसे बड़े आर्टिस्ट का लियोनार्डो दा विंसी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है एनसीईआरटी का है चलिए देखते हैं इसका चार आंसर है नेक्स्ट सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर ऑफ द कॉन्करेंट मैक्सिको किस यूरोपीय खोजकर्ता ने मैक्सिको पर विजय प्राप्त की थी भाई देखो वास्को डिगामा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पहली बात सीधी है दूसरा है आपने देखा होगा बैसलिस डियाज ये भी नहीं है मैंगलन भी आपने कभी सुना नहीं होगा मगर यह हर नान कार थे बिल्कुल सही है तो इसका आंसर चार सही है बिल्कुल सही है चार नॉर्मल सवाल है बिल्कुल नॉर्मल सवाल है वन फोर्टी नियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया है लार्ज सिटुटेड इन द कुषाण रूरल बिन द डिस्कर जिसमें बताया गया है कुषाण शासकों की प्रतिमा है कहाँ पर खोजी गई तो इसमें अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा कहाँ पर खोजी गई तो इनका स्थान तो मुख्य मथुरा था मथुरा था कजाकिस्तान इस तरीके से मिलता है इसमें मगर अगर आपकी हिस्ट्री देखते हो तो इसका आंसर ज्यादातर स्थिति में रोपड़ भी मिलता है और मथुरा भी मिलता है मगर इसमें अपन रोपड़ देखेंगे इस बार इसका दो सही है 141 फोर्टी वन याडाबू द ट्रिटी ऑफ याडाबू ठीक है याडाबू की संधि के बारे में बात की जा रही है वाज द कॉन्क्लूडेड पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाश याडाबू की संधि किसके दौरान और किस किस देशों के मध्य हुई तो फर्स्ट एंग्लो यानी अंग्रेजों और बर्मा के मध्य हुई थी बर्मा वार है. तो ये अंग्रेजों और बर्मा वार के मध्य हुई तो फैला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है याडाबो की संधि काफी फेमस है क्यूशन आता है इससे देखिए आप वन फोर्टी टू के बारे में बताया गया है इसमें द फ्लान एलोकेशन ऑफ एग्री कल्चर एंड इरीगेशन ऑफ़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल प्लान आउटप्ले ऑफ द इज ये फाइव ईयर प्लान से आया है और ये इकोनॉमी का सवाल है और अगर आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं हमारा तो वैसे भी एन का बहुत फेवरेट टॉपिक है इसके अंदर कभी भी क्वेश्चन आ सकता है और अभी योजना आयोग के बाद नीति आयोग के दौरान इसे बंद कर दिया गया अभी तो अगर आप देखते हो तो ये थर्ड फाइव ईयर प्लान में आया गया था बिल्कुल ध्यान रखना दो सही है इसमें नेक्स्ट सवाल है यूएन कोप ट्वेंटी सेवन समेट द रिलेट किससे संबंधित है यूएन कोप ट्वेंटी जो कोप के जितने भी होते हैं जैसे ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन तो ये सारे कोप का ये होता है जलवायु या क्लाइमेट सेंस जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम तो इसका तीसरा सही और जलवायु तो अगर चेंज हो रहा है अगर यहाँ आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट एग्रीकल्चर पे पड़ रहा है वेजिटेशन पे पड़ रहा है इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है अगर आप देख रहे हो तो सारी अर्थव्यवस्था हो रही है और इसमें वेदर मौसम बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं जैसे सर्दियों में भी ज़्यादा बारिश होनी यहाँ पर तो ये इस सारा ये क्लाइमेट चेंज के पीछे का काम है इसे रोकने के लिए अलग अलग संस्थाएँ काम करती है यू एन कोफ इस नाम से ये सबमिट करते हैं और सारे बैठ कर देखते हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए ग्लेशियर को पिघलने से कम किया जाए टेम्परेचर को कम किया जाए तो ये अलग अलग तरीके हैं कोविड ट्वेंटी सेवन के तो अगर आप देखते हो तो इसका आंसर थर्ड चाहिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पर इसमें बताया गया है एटाइप्स कौन सी ऐसी जनजाति जो पहाड़ों में रहती है या पहाड़ों पर खेती करती है जंगलों में रहती है पुरानी जनजाति अब नाम सुना होगा बोडो है जैसे आसाम में आ, काफी इनके मामले भी उठते रहते हैं अपनी मांगों के लिए और उसके बाद यह भी है खासी भी है गारो भी है सिंगपो भी है जैंतिया भी है ये सारी अलग अलग प्रकार के टाइप्स है अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ हैं तो इसमें बताया गया है कौन सी ऐसी है जो चाय की कृषि और उत्पादन के साथ सबसे पुराना ज्ञात है तो नॉज इसमें द दल्टिवेशन ऑफ टी ठीक है ना प्रोडक्शन ऑफ टी तो इसमें ये होगा खांसी ये और ये पहाड़ियाँ होती मेघालय में पाई जाती है जातियाँ ये सबसे ज़्यादा तो खासी पहाड़ियाँ भी मेघालय में हैं खासी जयंतियाँ और गारो तो आप इसमें देख दो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स बाय द आर्टिकल 51 ये आर्टिकल 51 ये क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहा है तो इसमें बताया गया है ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्ट संविधान के कौन से भारत के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के भाग में रखा गया था तो ये भारत का जो पहला अगर आप देखते हो तो फोर्टी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वन अगर आप ऐसे कह सकते हो तो छिहत्तर में इसे भारत का मेनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है तो अगर आप देखते हो तो इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसके अंदर इसको फिफ्टी वन ए को रखा गया था नेक्स्ट सवाल है इसका ये हो गया पहला सही है इसका इसके साथ ही इसके साथ ही ये पूरा होता है और आपने देखा होगा जियोग्राफी के काफी ज़्यादा सवाल हैं उसके बराबर हिस्ट्री के भी हैं इकोनॉमी का एक या दो सवाल है पॉलिटी के लगभग तीन या चार सवाल माने गए हैं करंट अफेयर के आठ या दस सवाल हैं अगर आप नॉर्मल से एन के साथ साथ अगर बढ़िया अगर पकड़ रखते हों बाकी करंट अफेयर पिछले लगभग आप मानते हो कि पाँच या सौ महीनों के जो करंट अफेयर आते हैं अगर ढंग से काफ़ी करंट अफेयर देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता होगा आपका बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही होते हैं कॉन्फिडेंस के साथ खेलना होता है और बाकी अगर आप देखते हो इसमें ये बड़ी बड़ी आ, अगर आप देखें तो ये कभी कभी क्वेश्चन सीधे आ गए हैं इस बार कभी कभी स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए तो आपको बाकी सारे 2013 से लेकर 2022 और ये तेईस का जो पहला पेपर है इस सबको प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार ढंग से आपको मन से निकाल के देखना चाहिए फिर उसकी स्ट्रेटजी को आपको समझना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके बाद आप उस दायरे में पढ़ाई करें एक सीमा के साथ पढ़ाई करें मुझे लगता है कि बिल्कुल श्योर है कि सारे से सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके राइट होते हैं इसके साथ ही आंसरिंग सी एल सी ऑफ़ जे सी एल सी धन्यवाद सो वी द आंसर आर ऑथेंटिकली करेक्ट आई होप यू स्कॉर्ड गुड मार्क्स इफ यू चूज टू ज्वाइन एन डी ए वी हैव New bases every week. come and join us. JCLC.